नमस्कार सभी साथियों को। एक बार आप मुझे कंफर्म करें कि क्या मेरी आवाज़ आ पा रही है। ओके थैंक यू। तो आज मैं इंतज़ार कर रहा था कि इस कौन से कोई प्रतिनिधि अगर आते हैं तो उनसे डिबेट होगी। अगर कोई इस कौन के प्रतिनिधि आए हैं तो ज़रूर एक बार इन्फॉर्म करें चैट बॉक्स में। मैं लिंक यहाँ पे शेयर कर दूँगा और उससे वो जुड़ जाएंगे, या फिर वो प्राइवेट चैट के थ्रू भी मुझे अलग से मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ पे लिंक उन्हें स्पेशल दे दूँगा, वहाँ से भी वो जुड़ सकते हैं। आज बहुत से सवाल हैं भागवत गीता पे, और भागवत गीता से रिलेटेड बहुत सारी बातें भी आती हैं। बहुत सारे नास्तिक, बहुत सारे आस्तिक, वास्तविक, जो भी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करें, सभी लोगों में गीता को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रम फैला हुआ है। कोई उसे ऐतिहासिक किताब साबित करने की कोशिश कर रहा है, कोई उसे ट्रूथ बता रहा है, कोई उसे सिंधु घाटी सभ्यता से पहले ले जाकर स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, कोई बता रहा है कि कृष्ण नाम के कोई व्यक्ति 5,000 साल पहले थे, उनका वो वचन है। कैसे वो वचन है, किस तरह से है, उसका अभी तक इतिहास में कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा है, स्कूलों में भी नहीं पढ़ाया जा रहा है, लेकिन स्कूलों के बाहर इस तरह की बहुत सारी अफवाहें हैं। बहुत सारे लोग उसको धर्म से जोड़कर देखते हैं, बहुत सारे लोगों की उस पर आस्था है। तो आस्था अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी आस्था रखें, लेकिन जब बात ये खुलकर पब्लिकली आती है, पब्लिक में आती है, तो फिर ये चर्चा का विषय हो जाता है कि जिस पर सभी लोग देख रहे हैं, बाल बच्चे देख रहे हैं, हम भी कभी देखते हैं कि मंदिर खुले हुए हैं, वहाँ पे लोग जाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, टीवी पर आता है, तो हमें भी हक बनता है जानने का कि ये जो चीज़ें हमें दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, इनमें कितनी सच्चाई है। तो इसीलिए चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है, और जब तक चर्चा नहीं होगी तब तक कुछ भी पता नहीं चलेगा कि सच्चाई क्या है। और जब सच्चाई नहीं पता चलेगी तो फिर अंधविश्वास, पाखंड, या ये जो भी कुरु घंटाली हैं, ये बढ़ते रहेंगे। और अंधविश्वास फैलने से नुकसान अल्टीमेटली हमें ही होता है, हमारी सभ्यताओं को होता है, देश पिछड़ते जाता है। जहाँ पे हमें साइंस की तरफ ध्यान देना चाहिए, वहाँ पे लोग पाखंड की तरफ आ जाते हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है कि जब तक इस्कॉन के प्रतिनिधि नहीं आ जाते हैं, तब तक आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, तब तक उन सवालों का हम लोग जवाब देखते हैं। और सवाल यही रहेगा, भागवत गीता से ही रिलेटेड रहेगा। भागवत गीता को चारों तरफ प्रचार कराया गया है, तो जो जो भी उस पर प्रश्न बनते हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, बिल्कुल लॉजिकली देखेंगे, साइंटिफिकली देखेंगे और तार्किक रूप से देखेंगे। तो यहाँ पे अगर कोई प्रश्न आप पे है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, एक प्रश्न मेरे पे बार बार जो कमेंट सेक्शन में आती है वो ये होती है कि गीता के रचयिता कौन है, क्या किसी एक ने इसे लिखा है या बहुत से लोगों ने मिलकर लिखा है। तो ये सवाल बार बार घूमते रहता है, चारों तरफ हमेशा पूछा जाता है, और इसका जवाब भी बहुत लोगों ने दिया है, लेकिन वो कितना प्रामाणिक है, कितना प्रामाणिक नहीं है, ये भी जांच का विषय है। तो इस प्रश्न का मैं उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। बेसिकली गीता की जो आप किताब पढ़ेंगे, जो मार्केट में उपलब्ध है, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि गीता को कृष्ण ने लिखा था
या गीता को अर्जुन ने लिखा था, या फिर संजय ने लिखा था, या धृतराष्ट्र ने लिखा था, या फिर उन लोगों ने बैठ कर लिखवाया था, उसमें कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। एक सवाल आ रहा है ओमकार तेली जी का, सिनोली एक्सक्वेशन जी, उस पर भी हम बात करेंगे, सिनोली एक्सक्वेशन पे भी बात करेंगे। इस पे भी एक भ्रम फैलाया गया है कि महाभारत काल से उसे जोड़कर देखा जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर रथ मेला था, लेकिन वास्तव में अगर उसे महाभारत से जोड़ा जाए तो महाभारत की पूरी पोल ही खुल जाती है, क्योंकि महाभारत में हमेशा ही सारथी की बात होती है, और ये जो सिनोली है इसमें जो रथ मिला है उसका उसमें सारथी का कोई स्थान ही नहीं है। जबकि पूरे महाभारत में आप देखें तो कृष्ण सारथी बने हुए हैं अर्जुन के, ऐसा ही बताया गया है। और लेकिन इसमें कोई स्थान ही नहीं है। मुश्किल से जो एक्सपर्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि ये कोई एक बंदा ही उस पर चढ़ सकता था, या मैक्सिमम दो लोग उस पर आ सकते हैं, लेकिन सारथी बन के रहना उस पे मुश्किल है, क्योंकि जब लड़ाई होगी, तीर वगैरह होंगे, तो सारथी भी प्रॉपर घायल हो जाएगा, क्योंकि वो भी खड़ा ही रहेगा, वहाँ बैठकर रथ हाँकने की जैसी कोई बात नहीं है। तो सिनोली पर हम एक अलग ही सीरीज चलाएंगे। तो फिलहाल हम बातें करते हैं इस पे, रचयिता वाली जो बात थी हमारी उसको हम देखते हैं। हाँ, आप जरूर बता दीजिएगा अगर कोई भी इस्कॉन से प्रतिनिधि आए हों तो उन्हें तुरंत ही जोड़ लिया जाएगा। मैं फिर से लिंक शेयर कर दे रहा हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ पे से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। एक किसी का सवाल था कि कैसे जुड़ते हैं, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैट बॉक्स में भी लिंक है, आप प्राइवेटली मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, आपके मोबाइल पे आएगा। तो जो भी लिंक है, ज्वाइनिंग लिंक है, उस पे जब आप क्लिक करेंगे स्ट्रीम यार्ड की लिंक, तो आप सीधे मोबाइल से जुड़ जाएंगे। आप पे छोटी मोटी जो फंक्शन आएंगे ऑपरेट करने के लिए, कैमरा ऑडियो, वो सारे आप ऑन करके आसानी से आप जुड़ सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़े से आप प्रयास से आसानी से जुड़ जाएंगे। तो यहां से हम ये देखते हैं कि जो गीता है उसका कोई भी रचयिता हमें पता नहीं चलता है, और जब गीता का रचयिता नहीं पता चलता है, न ही उसकी किताब में लिखा हुआ है, तो फिर एक ये आशंका जताई जाती है कि इसका लेखक कोई व्यास नामक व्यक्ति था, जो महाभारत में भी आते हैं और उनको महाभारत का भी रचयिता बनाया बताया जाता है। लेकिन महाभारत का जो आदि पर्व है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि व्यास ने सिर्फ 8,000 श्लोकों की रचना की थी, और उसके बाद से जो भारत नामक ग्रंथ की रचना हुई थी जिसमें 24,000 श्लोक थे, वो किसी और ने की, और फिर उसके बाद किसी और ने की जिसमें 96,000 श्लोक हो जाते हैं महाभारत के। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि तीन राइटर तो यहीं आ गए महाभारत के, और महाभारत शब्द भी काफी बाद में आया है, पहले ये भारत नाम से जाना गया है। इवन 11वीं सदी में जो अलबरूनी आए थे तो उनने भारत नाम ग्रंथ की चर्चा की है, महाभारत का कोई जिक्र नहीं है। और उसका जो कैरेक्टर है उसमें भी उनने जो नायक है उसको वासुदेव नाम से संबोधित किया है, कृष्ण नाम भी नहीं लिया है उनने। तो ये जो शब्द आ रहे हैं जो भारत महाभारत बन गया, तो ये सारी बातें भी बतानी चाहिए पब्लिक को कि नहीं, जो आज की डेट में महाभारत है वो कभी भारत हुआ करता था, महाभारत नहीं था, हम लोगों ने उसमें जोड़े हैं श्लोक, ये सारे व्यास ने नहीं लिखे हैं, किसी और ने लिखे हैं। तो ये बातें पब्लिक को नहीं बताई जाती है, और जब पब्लिक को ये सारी बातें नहीं बताई जाती है तो इससे भ्रम फैलता है, लोग उसे कोई ऐतिहासिक समझ लेते हैं, ऐतिहासिक चरित्र किसी व्यास का नाम समझ लेते हैं, और फिर वो एक कल्पना की उड़ान में इसे लोग हिस्ट्री की तरह समझने लगते हैं।
तो उससे गलत फहमियाँ बढ़ती हैं। तो सच्चाई सबके सामने आनी ही चाहिए कि वास्तविकता क्या है, किसने लिखा है। तो एक बात तो महाभारत ही कन्फर्म कर देता है कि व्यास इसके रचयिता नहीं हैं, क्योंकि उनने सिर्फ 8000 श्लोक लिखे हैं, ऐसा लिखा गया है महाभारत में। ये बात कितनी सही है नहीं है वो एक अलग मैटर है, लेकिन खुद महाभारत ही कह दे रहा है कि जो उसमें 1,00,000 से ज़्यादा श्लोक है उसमें से सिर्फ 8000 ही व्यास ने लिखे थे। अब लिपि और भाषा पर जब हम जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे कि किस लिपि में लिखा था व्यास ने, किस भाषा में लिखा था। तो वहाँ पे जो सवाल खड़े होंगे वो भी एक अलग मुद्दा है। अभी हम बिल्कुल सिंपल सी बात कर रहे हैं तो उसे ये पता चल रहा है कि व्यास ने पूरा महाभारत या गीता नहीं लिखा था, बाद में लोगों ने लिखा। तो ये तो बात कि जब भी कोई रिटेन में किताब हमें मिलती है तो हमें उसमें जो बातें लिखी हुई है उसको हम ग्रामेटिकल मिस्टेक के तौर पे देखते हैं कि क्या इसमें कोई एरर भी है, और अगर उसमें एरर होती है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इसको बाद में किसी ने लिखा है, एरर मिलाई है, क्योंकि जो हमारे की गॉड की, तो हम ये मान के चलते हैं कि उनकी बातों में तो कम से कम ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए, एरर नहीं होनी चाहिए। लेकिन गीता के साथ ऐसा नहीं है, उसमें बहुत सी एरर है और बहुत भयानक एरर है। मतलब जो कृष्ण की वाणी है उसमें भी बहुत सी एरर है, अर्जुन की वाणी में एरर है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है। कहीं पे जो पुरुष है, पुरुष में जो पौ में जो नीचे र आ रहा है वो कहीं पे छोटा र आ रहा है, कहीं पे बड़ा लिखा जा रहा है पुरुष। इस तरह की भी गलतियां हैं। तो बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जिससे ये पता चलता है कि बाद में इसे किसी ने लिखा है। और इसमें तीन तरह की गलतियां हैं, इसको आप अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो आप समझें इसमें तीन तरह की गलतियां हैं। एक तो गलती ये है कि जो इसमें श्लोक हैं वो श्लोक शुद्ध रूप में हैं, बिल्कुल शुद्ध रूप में हैं। तो और दूसरा तो ये गलती नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि जो शुद्ध लिखा हुआ है वो सही है, या फिर जो दूसरा पॉइंट मैं बोलने वाला हूँ कि उसमें कुछ अशुद्ध श्लोक लिखे हुए हैं। तो अशुद्ध वाला ही सही है या शुद्ध वाला सही है यह हम नहीं जानते। बहुत लोग कह देते हैं कि मिलावट है। तो इस बात को आप समझिए कि एक श्लोक शुद्ध लिखा हुआ है और दूसरा जो श्लोक है वो अशुद्ध भी लिखा हुआ है। अब जो अशुद्ध लिखा हुआ है उसके भी पहला करेक्टराइजेशन यह है कि कहीं कहीं पे वही चीज शुद्ध रूप में लिखी हुई है और कहीं कहीं पे गलत लिखी हुई है। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। और जो दूसरा करेक्टराइजेशन है वो ये है कि कहीं कहीं पे अशुद्ध ही लिखा हुआ है और उसका शुद्ध वर्जन नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसा उदाहरण आपको श्लोक चैप्टर 1 में भी देखने को मिलता है। मैं इसको ओपन करके दिखाता हूं। ये मैंने ओपन किया है। इसको मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। जी ये देखिए, ये अध्याय 1 है, इसमें लिखा है न कांछे। तो ये जो कांछे वर्ड है इस बेसिकली ये आत्मेन पद है जो कि अशुद्ध है। यहाँ पे कांछे न होके कांछति होना चाहिए। बेसिकली ये जो संस्कृत में ग्रामर होती है उसकी ये गलती है। और सभी गीता में यहाँ पे कांछे कांछे आ गया है, और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, संस्कृत के एक्सपर्ट्स हैं, तो वो सब लोग इसको डिटेक्ट कर चुके हैं कि ये इसमें गड़बड़ी पाई गई है। और ऐसा नहीं है कि एक जगह पे इसे कांछे लिख दिया
और बाकी जगह पे नहीं लिखा, नहीं बहुत जगहों पे सही भी लिखा हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देखिए गीता के अध्याय 5 का 3rd श्लोक देख लीजिए, यहाँ पे भी ये शब्द आया है, इस कांचे को ही कांचती लिखा गया है। अध्याय 14 में भी लिखा गया है, अध्याय 18 में भी सही लिखा गया है, अध्याय 4 में भी लिखा गया है। 5 स्थानों पर ठीक है, 1 स्थान पर गलत है। तो इसका तो मतलब ये हुआ ना कि इसको बीच में किसी ने लिखा है, और हो सकता है कि जो लिख रहा हो उसकी गलती हो, या फिर ये हो सकता है कि किसी दूसरे बंदे ने उसमें जबरदस्ती कुछ लिखने की कोशिश की हो और उसने गलत लिख दिया हो। तो इसी को लोग कहते हैं कि मिलावट है, मिलावट है। बेसिकली अगर मिलावट है तो ये ईश्वरीय किताब कैसे है? इसी तरह से अध्याय 2 देख लीजिए, इसमें भी बहुत सी गलतियां हैं। इसमें आप देख लीजिए, ये कह रहा है कि युत्स्यामी गलत है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है युत्स्यामी, ये गलत है। यहाँ पे होना चाहिए युत्सये, संस्कृत का जो रूप है। और फिर जो है एक जगह पे गलत है, 2 जगह पे सही है। अध्याय 2 में इसका सही रूप इस्तेमाल किया गया है, अध्याय 18 में भी सही रूप इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह के बहुत से हैं, मेरे पास तो पूरी लिस्ट है कि क्या क्या इनमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि या तो जो हमारे जो गीता लेखकार थे, जो लेखक थे गीता के, किसी ने कुछ लिखा और फिर किसी ने कुछ लिखा, और कुल मिला के सबने जो साथ में मिलकर जब इसे लिखा या बाद में किसी ने उसे लिखा तो कुछ गलतियां भी हुई। तो ये किसी भी कृष्ण की वाणी नहीं है, बल्कि कुछ ब्राह्मणों ने, पंडितों ने बैठकर इसको लिखा है, इसीलिए इस तरह की गलतियां हैं। ईश्वरीय किताब में कभी इस तरह की गलती नहीं होती है। और लोगों को आस्था के नाम पर बैठा दिया गया है कि ये कृष्ण की वाणी है, कृष्ण की वाणी है। ओके, आस्था है, इट्स ओके, लेकिन हमें ये समझना होगा कि जो हमारे सामने परोसा जा रहा है क्या उसमें गलती है कि नहीं है। अगर गलती है तो क्यों गलती है, फिर ये ईश्वर की वाणी कैसे हुई? तो आइए कुछ लोगों को जोड़ते हैं। मेरे पास अभी तक कोई भी ऐसा नहीं आया क्लेम जिससे ये पता चले कि शिक्षार्थकम या इस्कॉन से कोई प्रतिनिधि आए हैं। तो मेरे साथ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं शिव नन रिलीजियस एक हैं, हाँ, तो इनको मैं जोड़ता हूँ, कुछ बातें भी होती रहेंगी, हेलो सर। चर्चा भी होती रहेगी। जी, स्वागत है हेलो आपका सर नन, शिव नन जी, रिलीजियस जी। थैंक यू। ये जो सर ये जो गीता है ना, गीता का जो काफी अभी लास्ट 50 ईयर में ही ये बहुत ज्यादा ग्लो ग्लो क्या कहते हैं ग्लो ग्लो मतलब काफी ज्यादा पॉपुलर हुई है, पॉपुलरिटी को ग्लोरीफाई पाया किया है, गया है। जी ग्लोरीफाई किया है इन्होंने। जी जी तो ये जो अपना जो श्रीमद् भागवत पुराण है, जी जी श्रीमद् भागवत पुराण भी है ना, ये थोड़ा आफ्टर होते हैं। तो ये दोनों मतलब गीता का तो वैसे हम कभी हमने जी उतना सिर्फ इस्कॉन के थ्रू ही प्रचार होता है गीता का, जबकि श्रीमद् जी भागवत जी पुराण का तो जो आपको पता ही है हर जगह कथा चलती रहती है हर जगह। तो हाँ सिर्फ हाँ इस्कॉन, सिर्फ इस्कॉन को जो मुझे लगता है ना, ये जो इस्कॉन जैसे जो इस्कॉन जैसी संस्था बनाई गई है पिछले 50 साल में और इतनी पॉपुलर हुई है, तो मैं ये सोचता हूँ कि गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं इसको फंडिंग करती है। हालांकि कोई हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं है इस काइंड के, क्योंकि आपको पता ही है इंडिया की पॉलिटिक्स का, आपको पता ही है कि गवर्नमेंट क्या चाहती है, कि हम लोग कहाँ ज्यादा हमारा ध्यान रहे, साइंस टेक्नोलॉजी के बजाय हम ईश्वर की खोज में हमारी जिंदगी चले जाए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप कहीं ना कहीं पब्लिक को दूर करने के लिए, शिक्षा से, एजुकेशन से, बेसिकली भागीदारी की बात है कि सभी जी लोग जी अगर भागीदार बन जाएंगे, सभी लोग एक समान हो जाएंगे, तो जो एक वर्चस्व है, एक जो सत्ता की लड़ाई होती है, आपने सुना होगा इतिहास में कि जो राजा होते थे उनके अगर 4 बेटे होते थे तो चारों बेटे सत्ता के लिए आपस में ही लड़ मरते थे। जी जी तो जी उसके लिए जो इसका वर्चस्व होता था वो क्या करता था कि वो चाहता नहीं था कि बाकी के जो 3 भाई हैं उसके वो कभी सत्ता में आए, तो वो हमेशा ही उनको दबाने की, हटाने की, खत्म करने की यही कोशिश में लगा रहता था।
तो ये जिनका वर्चस्व रहा है वो कभी नहीं चाहते हैं कि बाकी लोग जो हैं देश के लोग हैं वो उनको कंपटीटर समझ रहा है, जबकि कंपटीटर नहीं है। अगर हम नेशनलिटी की बात करते हैं तो नेशनलिटी में तो सबका सहयोग होना चाहिए, सबका समर्थन होना चाहिए, उसमें कंपटीशन और कंपटीटर की क्या बात है। हमारा कंपटीशन तो अदर देश से होना चाहिए ना, ग्लोबल होना चाहिए ना। तो हम आपस में अपने ही देश के लोगों को एक तो पहले हम कहें कि ये निकम्बे हैं, नकारा लोग हैं और नीचे कर दें, और 1-2% लोग सत्ता पर कब्जा करके सोचे कि देश महान बन जाए। कैसे महान बन सकता है कि कोई भी देश 1-2% लोगों से तो महान नहीं बनता है। तो ये जो जी जी इनका टारगेट है कि बाकी की जो जनता है उसको किसी तरह दबा के रखा जाए, और सिर्फ एक जो लालच है कि हमारे ही बाल बच्चे हर पोजीशन पे रहें, उन्हीं को लाभ मिले, पीढ़ी दर पीढ़ी लाभ मिले, बाकी के लोग आगे न बढ़ पाए। तो जी इसके लिए धर्म धर्म को एक शस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया गया है, एक वेपन्स के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, आपने ये और भी देखा होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी बोलिए जी बोलिए। और इसमें फंसता कौन है धर्म में? या तो मीडियम वर्ग फैमिली फंसता है या फिर गरीब फंसता है। एक जी जो ब्राह्मण है वो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएगा, और अगर उसका ISPCS कहीं हो जाएगा तो वो क्या मैसेज देगा दूसरों को? यही मैसेज देगा कि भगवान की कृपा थी। और जी जो जी बहुजन समुदाय है वो क्या समझता है कि भगवान की ही कृपा होगी तभी हमारा बच्चा ISPCS बनेगा। अब वो पढ़ाई की बात जी भूल गया, अब वो बुला के घर में यज्ञ करवा रहा है, प्रवचन करवा रहा है, सोच रहा है कि अब वही सब करने से ही हमारा बच्चा ISPCS बनेगा। तो हो गया कल्याण। तो जी ये जो मैसेज इन लोगों का देने का तरीका भी है, ये भी गलत रूप है, और इसी से और भ्रामक चीजें हो जाती हैं। और बेसिकली जब सक्षम लोग इस तरह का भ्रम फैलाते हैं, जो ऊंचे पोजीशन पर बैठ के जब इस तरह की गलत चीजें फैलाते हैं, तो फिर जी इससे भ्रम ही फैलता है, और यही अंधविश्वास का वो है, जन्मदाता है। तो अजीत भाई, ये बात ये है कि ब्राह्मण जो है, अब सीधा बोलना ही पड़ेगा, ब्राह्मण जो है वो दूसरों को अपना कंपटीटर क्यों समझ रहे हैं कि ये बाकी जो इंडिया के अंदर लोग हैं ये हमारे कंपटीटर है, ये कल को हमें, मतलब इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं उनके अंदर इनसिक्योरिटी है कि जैसे ही पावर में ये लोग ऊपर आते हैं तो ये लोग हमें, मतलब उस लेवल पे ये हम लोगों का मतलब स्टेटस छीन लेंगे, कहीं ना कहीं तो उनके अंदर ये इनसिक्योरिटी साफ साफ नजर आती है इस बात की। जी, तो हमारे साथ एक और लोग हैं, अमित ह्यूमैनिटी हैं, इनको भी मैं जोड़ रहा हूं। तो अमित जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ। जी। तो और भी कोई साथी हो जो इस्कॉन की तरफ से हो तो बता सकते हैं, उन्हें जोड़ लिया अजीत जाएगा और अजीत उनसे भाई, बातें होंगी। जी जी अजीत भाई, बताएं बताएं जी बताएं। ये जो स्लोवाकिया कंट्री है जो ब्लैक सी के पास पड़ती है, यहाँ पे जी जो साइंस को ये लोग अपनी भाषा में, लैंग्वेज में वेदा कहते हैं, तो ये क्या इस बात का पुष्टि है कि इनका माइग्रेशन वहीं से हुआ है? क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने भी लिखा था कि हम इसी रीजन से आए, और वोल्गा टू गंगा भी बुक आई थिंक किसी ने लिखी हुई है। जी आपका प्रश्न अच्छा है, मैं उस पर बात करूंगा। अच्छा, ओके तो ओके इस पे एक क्वेश्चन आया है, उसको पहले देख लेते हैं। ये वासुदेव भारतवंशी जी हैं, तो इनने कृष्ण का फोटो भी लगा रखा है। तो मैं कहूँगा वासुदेव भारतवंशी जी, अगर आप सक्षम हैं, डिबेट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको कृष्ण का पक्ष रखना चाहिए। मैंने लिंक दे रखा है, आपको फिर से लिंक चाहिए तो मैं शेयर कर देता हूँ। और अगर आप जुड़े हैं, अपनी बात रखें कृष्ण पे, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि जो इस्कॉन के समर्थक थे वो लोग काफ़ी जोरों शोरों से प्रचार किए थे, डिबेट कर लो डिबेट कर लो। तो उनके कहने पर ही मैंने ये स्पेशल सेशन रखा ताकि वो लोग आए बात करें। एक्चुअली जब तक वो बात नहीं करेंगे, अपनी बातें नहीं रखेंगे, तब तक पता नहीं चल पाएगा ना कि एग्जैक्ट में सच्चाई क्या है। और वीडियो तो बनाता ही हूं मैंने तो कभी किसी को प्रेशर नहीं दिया कि आप आओ मुझसे डिबेट करो।
आप ही लोग उकसाते हो कि डिबेट करो डिबेट करो, इसलिए मुझे आना पड़ गया। नहीं तो मैंने कभी नहीं कहा कि मैं डिबेट करूंगा। तो ये आप ही लोगों के लिए था, आप लोग जुड़े अगर बात करते हैं अपने पक्ष रखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका जो प्रश्न है कि गीता को संविधान भी मानता है तभी क्या है ये न्यायालय न्यायालय में कोर्ट कचहरी कचहरी में गीता को बुक रखते हैं, संविधान को गीता पर विश्वास है, गीता न्याय का प्रतीक है, तभी कोर्ट में उसका बुक रखा जाता है। देखिए वासुदेव भारतवंशी जी, ये ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है, ये सिर्फ नेशन की बात है। आप एक भारत देश में रहते हैं जहाँ का बहुसंख्यक वर्ग, और या आप ये कहिए कि जो न्यायालय के लोग हैं आप उनको अगर देखें, या फिर जो नियम कानून बनाते हैं आज की डेट में, या जो सत्ता पर लोग हैं उनका उनको अगर आप देखते हैं, तो आप ये पाएंगे कि गीता पे रामायण महाभारत या धार्मिक ग्रंथों पे उनका अपना विश्वास है, इस कारण से ये वहां पे है। अगर अभी आप किसी ईसाई देश में होती, क्रिश्चियन देश में होती, या फिर होते, या फिर आप किसी मुस्लिम देश में होते हैं, या फिर कहीं एथिस्ट कंट्री में होते हैं, तो आपको वहां पे गीता न्यायालय में देखने को नहीं मिलता। ये सिर्फ नेशन की बात है कि वहां पे कौन लोग काबिज हैं, इस कारण से ऐसा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि गीता में ऐसा कुछ है इस कारण से न्यायालय में रखा गया है। आप गीता में न्याय न्याय की जो बात हो रही है, संविधान में ठीक इसके उलट बात है। गीता में कृष्ण कहते हैं, जैसा कि महाभारत में दिखाया गया है, गीता में दिखाया गया है कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता है तो उसको युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और न्यायालय इसका ठीक उल्टा करता है। वो तो कभी जो भी चीजें हो जाती हैं उसका फैसला तो वो ये नहीं कहता कि तुम उठो, जो पक्ष पीड़ित है उसको तो नहीं कहता है, उसको उकसाता नहीं है गीता उपदेश देकर कि भाई उठो तुम जाओ उसको लड़ो उसको मार दो। वो तो कहता है कि अगर आप पर अत्याचार हुआ है तो भी आपको कुछ खुद से नहीं करना है, हम करेंगे, हम एक्शन लेंगे। तो वहां पे गीता में अगर सही होती तो कृष्ण को खुद एक्शन लेना चाहिए था। इतनी दोनों तरफ भीड़ खड़ी करके आपस में लड़वा कर मारने की क्या जरूरत है? कभी कोर्ट ने जो पीड़ित पक्ष है या जो आरोपी पक्ष है उन दोनों को एक साथ खड़ा कर आपस में लड़वाया? नहीं लड़वाया ना। तो दोनों बातें तो बिल्कुल अलग हो गई ना, उसमें जो चीजें लिखी हुई है वो बिल्कुल अलग हो गई, आज की डेट में जो कोर्ट कर रहा है वो बिल्कुल अलग हो गई। हाँ ये बात जरूर है कि उस पोस्ट पे जो लोग बैठे हैं या जो लोग नियम कानून बनाए हैं या बनाते हैं, उन लोगों का उस पर एक एक्स्ट्रा विश्वास है, अलग सा विश्वास है, तो उस कारण से वो लोगों ने वैसा रखा है। और कोई भी बात नहीं है, कोई स्पेशल बात नहीं है गीता में जिस कारण से उसको संविधान में रखा जाए। तो और भी आगे है, तो आपका जो सवाल था शिव जी, हाँ जी, हाँ जी, हम हाँ जी हम लोग बात कर रहे थे, एक बार फिर से आप थोड़ा सा याद मुझे दिला दें, मुझे लगता है। मैं ये कह रहा था, ये जो स्लोवाकिया कंट्री है, यहाँ पे साइंस को वेदा कहा जाता है, और ये ब्लैक सी जी के जी आसपास ही है, और ये अपना जी माइग्रेशन भी, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने भी लिखा है कि हमारा माइग्रेशन ब्लैक सी के पास से हुआ था, और हमारे एंसेस्टर्स का, और इनका भी, ये जो एक और मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने किताब लिखी थी वोल्गो टू गंगा, जी तो जी 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 वो राहुल संस्कृत्यायन। जी तो ये तो हाँ ये सवाल हमेशा उठते हैं कि जो लोग भारत में वेद का जो प्रचार करते हैं और वेद की जो चीजें हैं जिसको ये लोग नॉलेज बताते हैं, कभी विज्ञान बताते हैं, यही सब विदेशों में भी कहीं कहीं इसी तरह की चीज पाई गई है। जैसे जो अच्छा ये ऑफरिंग्स की बात करते हैं, ये ऑफरिंग्स विदेशों में पाई गई, ये जो फायर रिचुअल्स की बात करते हैं ये भी कहीं विदेशों में जी पाई गई। तो इससे एक अनुमान लगाया जाता है कि इनका कहीं ना कहीं ओरिजिन जो है वो बाहर का है। तो लेकिन बहुत सी ऐसी भी चीजें हैं जिसको हम जब देखते हैं तो ये पाया जाता है कि ये गड़मड़ हो गया है, मिक्स हो गया है। जी लेकिन जी हाँ जैसे कृष्ण, ये गीता का ही आप ले लीजिए, अब गीता को आप लेंगे तो आप देखेंगे कि गीता में और वेद में बहुत ही ज्यादा विरोधाभास है। मतलब आप ये देखिए कि पब्लिक इस बात को नहीं जानती है कि इन दोनों में इतना ज्यादा विरोधाभास है कि अगर सही मायनों में भारत में हिंदू मुसलमान, हिंदू ईसाई न हो, हिंदू सिख न हो, हिंदू बौद्ध न हो, तो ये दोनों आपस में लड़ मर जाएंगे, इतना ज्यादा जी विरोधाभास है।
ये विरोधाभास इस हद तक है कि जो वेदा है उसमें कृष्ण नाम का जो एक चरित्र है उसको उसकी गर्भवती स्त्रियों के साथ इंद्र उसकी बेरहमी से हत्या कर देता है, बहुत बेरहमी से हत्या कर देता है, घेर देता है उसको चारों तरफ से, उसकी हत्या करता है। अब कुछ लोग उस कृष्ण को, जो ये कृष्ण है भागवत गीता में, उनसे जुड़े या न जुड़े वो अलग मैटर है, लेकिन उस कृष्ण चरित्र के साथ ऐसा होता है। और इंद्र की महत्ता आप इससे समझ सकते हैं कि पूरे ऋग्वेद में जो वेदा है उसमें ऋग्वेद में तकरीबन 11 साढ़े 11 हजार श्लोक हैं, और उसका एक तिहाई श्लोक सिर्फ मतलब मंत्र, सॉरी मंत्र कहा जाता है, तो मंत्र सिर्फ और सिर्फ इंद्र पे ही डेडिकेटेड है, इंद्र पे ही डेडिकेटेड है। तो इंद्र उसका महत्वपूर्ण देवता है। तो एक महत्वपूर्ण देवता कृष्ण नामक एक राजा को, उसकी बहुत सारी पत्नियां होती हैं, उसमें से गर्भवती पत्नियां होती हैं, उनको उनके घर पर चारों तरफ से घेर के बहुत बेरहमी से मार देता है, इस तरह के चीज करता है। और फिर यही एक रिफ्लेक्शन बाकी धर्म ग्रंथों में देखने को मिलता है। आप भागवत पुराण की बात करें तो उसमें भी ये देखने को मिलता है कि जो कृष्ण है वो इंद्र से दुश्मनी होती है कृष्ण की, वो इंद्र की पूजा को मना कर देता है, प्रकृति की पूजा करने की बात करता है। तो जो इंद्र है वो इस बात से गुस्सा करके अब हमारी पूजा लोग नहीं कर रहे हैं तो वो अतिवृष्टि शुरू कर देता है। तो जब अतिवृष्टि शुरू करता है तो कृष्ण फिर अपने लोगों की रक्षा करता है। तो यहाँ पे भी इन दोनों में एक लड़ाई झगड़ा दिखाया जा रहा है। तो देखिए ये जो लड़ाई झगड़े हैं वेदा में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, और जो कृष्ण की बात आ रही है यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। और लड़ाई झगड़ा किसके बीच में है? इंद्र और कृष्ण के। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात कि वेदा में अवतारवाद की कल्पना नहीं है, वेदा में अवतारवाद की कल्पना नहीं है, उसमें ईश्वर को अवतार लेते हुए नहीं बताया जाता। और जो गीता है इसमें कृष्ण कहते हैं कि मैं साधुओं की रक्षा के लिए जन्म लेता हूं, और इसमें और भी कई सारी बातें कहते हैं, मैं धर्म को स्थापित करने के लिए जन्म लेता हूं, और ये कह रहे हैं कि जब भी अधर्म की उन्नति होती है तो फिर उसको मैं जन्म, उसको उच्छेदित करने के लिए, हटाने के लिए फिर जन्म लेता हूं। तो ये जो तीन बातें ये बता रहे हैं अवतार के लिए कि मैं जन्म लेता हूं, यहाँ पे अवतारवाद की ये बात बता रहे हैं। तो इससे भी ये पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। वो मान ही नहीं रहा कि अवतार होता है और ये बता रहे हैं कि अवतार होता है। और भागवत पुराण के जब आप जो 10th चैप्टर है, 10th स्कंध है, उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें तो जो परीक्षित है और जो कृष्ण है, इन लोगों के द्वारा भी ऐसे कई संवाद आए हैं। मैं स्क्रीनशॉट बुक है यहाँ पे, चूंकि मैनुअल बुक है तो डिजिटली दिखाना पॉसिबल नहीं है, उसको स्क्रीनशॉट लेनी पड़ेगी तभी दिखा पाऊंगा। तो उसमें इस तरह की भी बातें आती हैं कि वो वेद को बिल्कुल ही तिरस्कार कर देते हैं, मतलब वो घृणित कर देते हैं उसको। कई लोगों ने, आर्य समाजियों ने कई सारी बुक लिख रखी हैं जिसमें ये लोग बताते हैं कि यज्ञ को इन लोगों ने एक छोटा कुंड कह के हमें तिरस्कृत किया है, हम मान ही नहीं सकते, गीता को स्वीकार ही नहीं कर सकते। यही कारण है कि दयानंद सरस्वती ने ये गीता को कभी प्रेफरेंस ही नहीं दिया पढ़ने के लिए। तो आर्य समाजियों ने गीता के खंडन के लिए बहुत सारी किताबें लिख रखी है। इन दोनों में बहुत ज्यादा ही विरोधाभास है, आम पब्लिक इस बात को नहीं जानती है। तो ये विरोधाभास देखने को मिलता है। अब सवाल ये है कि ये विरोधाभास क्यों है, ये वेद वाले वेद से कृष्ण का विरोधाभास क्यों है? तो क्या वास्तव में वेद कुछ ऐसी चीज है जो भारत में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, कहीं बाहर से आई और उस कारण से इनका दोनों का ये हुआ, लड़ाई हुआ? और वेदा जो है इस चीज, इसका एक आप देखेंगे थोड़ा सा इसका मिलान आप करेंगे तो ईरान का जो जेल्द अवेस्ता है उससे इसका मिलान हो जाता है। तो ये भी देखने को मिलता है कि ये कहीं और से भी कॉपी पेस्ट हो रही है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आम पब्लिक नहीं जानती है। और एक बहुत अच्छे प्रकांड विद्वान है संस्कृत के, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात, उन्होंने एक स्टेटमेंट लिखा है, मैं उसको पढ़कर सुनाता हूं। उसको बताने के पहले एक थोड़ा सा मैं आपको भूमिका बता देता हूं किस प्रसंग पर वो बात रखते हैं।
वो कहते हैं कि जो आर्य समाज है वो ये कहता है कि गीता इतनी ज्यादा मिलावटी है, इतनी ज्यादा मतलब वेदों के विरोध में है कि उसको हम हटा देते हैं श्लोकों को, कि कौन कौन से बाहर से श्लोक ला के उसमें डाल दिए गए हैं वेद को विरोध करने के लिए। तो जो टोटल श्लोक हैं गीता में 700, उस 700 में से मात्र 70 श्लोक ही सही बचते हैं और बाकी के सारे प्रक्षिप्त हो जाते हैं, मतलब मिलावट किए गए हैं। इतना ज्यादा मतलब आप समझिए कि 700 श्लोक पाए जाते हैं, 700 श्लोक गीता में, उसमें से जी 630 श्लोक आर्य समाज कहते हैं कि ये मिलावट है, यानी कि वो वेदों के विरोध में है। आप इसी से समझ जाइए कि कितना ज्यादा अंतर्द्वंद है वेद में और गीता में। तो इसी ये तो भूमिका थी, इसी पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात लिखे हैं कि गीता में प्रक्षेपों के होने की बातें अनेक लोगों ने की है, परंतु वे प्रक्षेप केवल वही देखते हैं जहां उसमें वेद, उपनिषद या अन्य ग्रंथों के विरुद्ध बातें मिलती हैं, और जहां ऐसी बातें मिलती हैं जो अर्जुन को युद्धोन्मुख करने के स्थान पर युद्ध से विमुख करती हुई प्रतीत होती है, ऐसे लोगों ने प्रक्षेपों को हटाने के चक्कर में 700 श्लोकों को छांटते छांटते 70 कर दिया है। ये बात लिखा है उन्हें अपनी जो किताब लिखी है भागवत गीता की, उसमें। तो ये इससे ये चीज तो पता चल इसे एक बात तो ये जरूर पता चलती है कि कभी भी वेदों का चाहे गीता हो या फिर भारत के ही बहुत से महापुरुष हैं, चाहे रैदास हो, कबीर हो, गुरु नानक हो, इन लोगों ने कभी समर्थन नहीं किया वेदों को। और यही कारण था कि इन लोगों ने समर्थन नहीं किया। आर्य समाज तो बहुत बाद में आया है, ये लोग तो काफी जी पहले से थे, ये लोग तो काफी पहले से थे ना, फिर भी इन लोगों ने जी वेदों को स्वीकार नहीं किया। तो बहुत सी ऐसी थ्योरीज आती हैं, हालांकि बहुत से अभी और भी बहुत सी बातें उसमें देखने की जरूरत है, लेकिन इससे एक तो पता ये चलता है कि वेदों को भारत में कभी भी स्वीकार नहीं किया गया। और ये लोग जो वैदिक पीरियड का एक राग अलाप रहे हैं भाई, जब भारत जी के लोगों ने कभी वेद को एक्सेप्ट ही नहीं किया, और तब भी हमारे ऊपर लाद दिया जाता है कि कभी कोई वैदिक पीरियड था। आप ये कह सकते हैं कि कुछ लोग आए होंगे, कुछ लोग थे, लेकिन उससे पूरा भारत को ही आपने वैदिक पीरियड कैसे बता दिया, जब यहाँ के लोगों ने कभी उसको स्वीकार ही नहीं किया, कभी उनको अधिकार ही नहीं था पढ़ने का, समझने का, वेद को न जानने का। फिर भी जी भारत को हिंदुइज्म और ब्राह्मणिज्म और वैदिक पीरियड बताया जाता है। तो इस पे सवाल खड़ा, बहुत से सवाल खड़े हो जाते हैं इस पे। आपने एक वीडियो बनाया था ना जिसपे वेद का आपने पीरियड दिया था कि यूनेस्को से वेद का टाइम जो मिल रहा है वो 1400 के आसपास मिल रहा है, वो भी एक पत्ता मिला है सिर्फ, उसी को बाद हाँ में इन हाँ लोगों चौदह ने सौ एक्सटेंड। चौंसठ हाँ 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 जी जी चौदह सौ चौंसठ तो मुझे समझ में नहीं आता इंडियन गवर्नमेंट किस बेस पे वेदों को 3500 साल पुराना बता के बकायदा पढ़वा रही है, ओल्ड हिस्ट्री के अंदर, इस इंडस सिविलाइजेशन के अंदर वो वेदों को डाल रहे हैं सीधा के सीधा। जबकि आपके ने कई वीडियो बनाए जिसमें बताया कि पाली जब तक थी तब तक संस्कृत का कुछ अता पता नहीं था, तो गवर्नमेंट किस जी तरीके से बिल्कुल। उसको। देखिए आज की डेट में जितनी भी भारत में विचारधाराएं हैं, तो जितनी भी विचारधाराएं हैं वो सभी या तो टीवी पे आ जाती हैं, न्यूज़पेपर पे आ जाती हैं, या फिर किताबों में कहीं पे लिख दी जाती है। हर तरह की विचारधारा सामने आ ही जाती है अगर आज की डेट में जितनी भी विचारधाराएं हैं। अब कोई ये क्लेम करे आज से 3000 साल बाद कि नहीं, हमारी विचारधारा आज से 3000 साल पहले भी थी, बस हमने लिखा ही नहीं, तो ये बात स्वीकार करने लायक होगी? और फिर ये कहा जाए कि वो आज से मतलब 3000 साल आगे का जो बंदा ये क्लेम कर रहा है आज की डेट के लिए, वो बंदा ये कहे कि उस समय ना हमारे पूर्वज लिखते पढ़ते नहीं थे, बस पूरी दुनिया लिख पढ़ रही है आज की डेट में, सब लोग अपने विचार रख रहे हैं टीवी पे, न्यूज पे, सोशल मीडिया पे, किताबों में, और 3000 साल बाद कोई एक बंदा क्लेम कर रहा है कि नहीं, उस समय हमारे पूर्वज थे, उन्हीं के नाम पर पूरा भारत या पूरी दुनिया चल रही थी, और लेकिन बस वो लिखते पढ़ते नहीं थे, बस पीढ़ी दर पीढ़ी ना मुंह से बोल कर लाते थे। यही चीज तो किया गया है वेद के साथ।
बताया जा रहा है कि इनका संस्कृत भी अस्तित्व में था, इनका वैदिक पीरियड भी सब चीज अस्तित्व में था आज से 3,000 3,500 साल पहले, बस ये लोग लिखते पढ़ते नहीं थे, जबकि हमारे सर यहाँ सर लिखने सर पढ़ने सर जी 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 सर सर मैं ये कह रहा हूँ कि चलो हाँ हाँ कॉमन लोग जैसे इस्कॉन अपना फैला रहे हैं, उसको इस्कॉन को फैला रहे हैं, या कॉमन लोग फैलाएं तो भी कोई बात नहीं, पर एक गवर्नमेंट जब खुद पीछे से बैकडोर सपोर्ट कर रही हो, और हाँ बिल्कुल स्टूडेंट ये पढ़ते हैं, आईएएस के स्टूडेंट पीसीएस के स्टूडेंट हिस्ट्री लेके पढ़ते हैं कि वेद हमारे 3,500 4,000 साल पहले एग्जिस्ट करते थे, तो जी। फिर अब बताइए ऐसा आईएएस पीएससीएस ऑफिसर धार्मिक मतलब रिलीजियस मंदिर के मंदिर में ही जाएंगे घंटा बजाने के लिए, ऐसे तो जो ये सब पढ़ के आ रहे हैं, नहीं जब उनके पास बिल्कुल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही, उनके पास इन्फॉर्मेशन सही नहीं है तो सर। वो जो हमारे माई गार्डन भाई थे, इन्होंने अपना कमेंट लिखा था कि ये जो कमेंट था इनका कि गीता को सिर्फ फिल्मों में ही दिखाया जाता है, और गीता किससे लोग शपथ ले रहे हैं, जबकि रियलिटी में अदालत में ऐसा नहीं होता। तो ये देखिए इनके बात सही है कि हमारी ब्रेन वॉशिंग जो है मूवीज मूवीज के थ्रू की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये टीवी अभी सेक्रेट्स ऑफ सिनोली आया है, तो उसमें क्या दिखाया जा रहा है? उसमें दिखाया जा रहा है कि कुछ एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं आईएसआई के फॉर्मर जो रिटायर्ड हो गए हैं, और वो क्या कर रहे हैं कि जितना भी जो खुदाई में मिला है उन्हीं सब बातों को दिखा रहे हैं, और दिखाते दिखाते बीच में वो कभी पुराण का नाम ले ले रहे हैं और कभी गीता का नाम ले ले रहे हैं। बस उसी एक दो शब्दों से ये लोग उस पूरे उस सिनोली को ब्राह्मणीकरण कर दे रहे हैं टीवी के माध्यम से। अब जब वो बात पब्लिक में आ रही है और उसकी ग्राफिक्स, उसकी जो प्रेजेंटेशन है उसको देखकर जो नॉर्मल बंदा है जो इस षड्यंत्र को जानता तक नहीं है, वो क्या समझ लेता है कि सही बताया जा रहा है? यार बिल्कुल सही बताया जा रहा है, ये ना वेदों में पुराणों में ऐसा होता होगा। अब वहां पे दिखाया गया कि जो ये दिखाया गया रथ दिखाया गया, तो उस रथ में सारथी के बैठने का स्थान नहीं है, पूरा महाभारत में कृष्ण सारथी बना हुआ है। आप उसको देख लीजिए, रामायण को पढ़ लीजिए, जो इनने किताबें लिखी हैं उन सब के चक्के को देख लीजिए, सब में स्पाइक्स हैं और इस रथ में कोई स्पाइक्स नहीं है। जगह भी इतनी छोटी सी है कि मुश्किल से एक आदमी ही उस पर चढ़कर जा सके, या दो भी चढ़कर जाएगा तो खड़ा होकर ही जाएगा। लेकिन इस चीज को हाईलाइटेड करने की बजाय कि भाई इससे जो हमारी किताबों में बातें लिखी हैं वो गलत हो रही हैं, ये नहीं बताया गया। ये भी नहीं बताया गया कि हमारे यहाँ फीमेल भी वॉरियर होती थी, तो जब ये बात उसमें कही जा रही है कि फीमेल वॉरियर होती थी, तो ये बताना चाहिए था ना कि जब फीमेल वॉरियर होती थी, लेकिन महाभारत की लड़ाई में तो किसी भी रामायण की लड़ाई में किसी स्त्री को लड़ते हुए नहीं दिखाया गया, वो तो कभी लड़ाई में गई नहीं। तो यहाँ पे खंडन करने चाहिए था कि बहुत सी बातें हमारी किताबों की गलत हो रही है, तो नहीं, उल्टे और क्या परोस दिया गया है कि वेदों में भी यही लिखा हुआ है, पुराणों में भी लिखा हुआ है, तो इसीलिए ये सब वैदिक काल घुसेड़ दिए उसको। इस तरह से ब्राह्मणिकर जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है, इस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहा है। और उसमें कौन लोग थे? फॉर्मर जो ये एएसआई के जो अधिकारी हैं, कोई डायरेक्टर रहा था, एक दो लोग करंट में भी शायद वर्क कर रहे थे, उन लोगों से भी एक एक दो दो स्टेटमेंट देकर इस तरह की चीजें बनाई गई, और मनोज बाजपेयी उसकी एंकरिंग कर रहे थे। तो इन सब लोगों ने ही मिलकर आपस में इस तरह की चीजें बनाकर, और सुनने में आया है कि मनोज बाजपेयी जी को लेटरल यूपीएससी में एंट्री भी मिल गई है, कोई अधिकारी पोस्ट भी बना दिए गए जी लेटरल जी एंट्री के द्वारा। हाँ, तो ये अच्छा सब सर भी हो रहा है। ये रिजर्वेशन का तो इतना इन्होंने मतलब रिजर्वेशन तो सबको चुभता है कि रिजर्वेशन क्यों मिल रहा है इनके पास, ये इतने एलिजिबल नहीं होते फिर भी इनको जॉब मिल जाती है, उसकी वजह से कितना शोर शराबा किया जाता है। पर ये जो मोदी सरकार ने पीछे से प्रोफेशनल एंट्री दे दी है, मतलब जो आईएएस कोई ऐसे नहीं बन सकता था, लेकिन अब जो बाईपास कर दिया गया है कि आपके पास प्राइवेट सेक्टर का एक्सपीरियंस है 10 15 साल का, जो एक पीरियड है उन्होंने रखा है, उसके बाद आप आईएएस बन सकते हैं आराम से। ये तो खुली छूट दे दी है मतलब अपने लोगों को पीछे से भरने के लिए, मतलब वही मतलब बिल्कुल अब बिल्कुल, इनको ये यही अभी करते इन हैं ये। चीजों में इनको रिजर्वेशन का वो नहीं दिखता कि रिजर्वेशन
खराब हुआ है, ये अलग से एक कोटा बना दिया है। तो ये तभी तो इनको अमानवीय कहा जाता है ना, कि इनके अंदर जो जस्टिफिकेशन, जो जस्टिस होती है, वो चीज़ इनके अंदर है ही नहीं, कभी है ही नहीं। भारतीयों के लिए दूसरों को ये हमेशा ज्ञान बांटेंगे नेशनलिटी का, दूसरों को जी ज्ञान बांटने लगेंगे देश तोड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं इस पे कभी बात नहीं होती है। अगर इस चीज पे बात होती तो फिर सारी सारी सच्चाई सामने आ जाती। पर सर, तो इनकी लड़ाई तो बहुजन समाज ही लड़ रहा है ना, साथ में जाके बहुजन समाज ही इनके साथ साथ जाके खड़ा हो रखा है। अब जिनके भी जी ये लोग आर्य है, टाइटल लगाते हैं, अपने जो भी टाइटल लगाते हैं, खुद ही उनके साथ जाके खड़े हो जाते हैं। उनसे भी ज्यादा, मतलब उनसे भी ज्यादा पंडित तो ये बन गए हैं अपने आप को कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये लोगों को तो एक-एक पकड़ा दिया गया है ना, झुंझुना एक-एक पकड़ा दिया गया है कि कौन से ईश्वर जो है तुम्हारे उसमें जन्म ले लिए हैं, तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे जाति में, अब वो फूले नहीं समा रहा है। अब उसकी भक्ति जो है 10 गुना ज्यादा बढ़ गई है, 10 गुना छोड़िए 1000 गुना ज्यादा बढ़ गई है। अब जी वो इतना फूले नहीं समा रहा है कि ये भगवान की हम वंश है। अरे भाई, भगवान के वंश थे तो आज से 50 साल पीछे चले जाइए, जस्ट 50 साल पीछे चले, सारा पता चल जाएगा कि आपके पूर्वजों की क्या हालत थी। तो ये चीज जो है हमें, हमारे इतिहास तभी तो बताया जा रहा है ना, कि इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतिहास जानने की जरूरत नहीं है, इसीलिए तो ये बताया जा रहा है। क्योंकि जैसे ही बच्चा जी 100 साल पहले के महापुरुषों की किताब पढ़ लेगा, 50 साल पहले की महापुरुषों की किताब पढ़ लेगा, वो सारा स्टेटस जान जाएगा, सारी कहानी जान जाएगा कि कहाँ जी पे क्या जी था, जी किस तरह से आज हमें बरक लाया जा रहा है डिजिटल मीडिया के थ्रू। आज भी मतलब लोग इन्होंने इतने चैनल बना लिए हैं कि उस पे गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। लगातार एक्चुअली लगातार सर इंफॉर्मेशन गलत। सर सर हम लोगों तक सही हिस्ट्री नहीं पहुंचती। मतलब देखिए, साइंस लोग जनरली 10th के बाद यहाँ पे इंडिया में क्या सिलेबस चेंज होता है, कोई कॉमर्स ले लेता है, कोई बहुत कम लोग साइंस की तरफ जाते हैं, तो साइंस पे नहीं गए और हिस्ट्री भी आगे हमारा छूट जाता है, उतना जाता नहीं है। तो इसलिए हम रिलीजन की तरफ पहुंच जाते हैं हमारे लोग, क्योंकि हिस्ट्री की सही इंफॉर्मेशन ना होना और साइंस का ना पता होना, फिर वो रिलीजन जी की तरफ पहुंच जाते हैं उसके लिए। अजी सर, थैंक यू। जी आप और लोगों को भी शायद ले तो वो भी अपने विचार रखेंगे हाँ आपके साथ। थैंक यू जी अजीत जी भाई। जी ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। मैं ले रहा हूँ रक्षित श्रीधरन जी को। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार नमस्कार। हाँ तो तो मैं भी वेस्ट कर रहा था कि इस्कॉन वाले कहाँ आएंगे। वो वही इनके जो समर्थक हैं, उन्हें मुझे इनके समर्थकों पे तरस आ रहा है। इनने बीच में दो प्रोपगंडा वीडियो बनाए थे जिसमें ये बता रहे थे कि धर्म नास्तिक जो हैं वो धर्म का ढोंग, धर्म के ढोंग कर रहे हैं, तो इसीलिए उनको बुलाया गया था। उनके समर्थक लगातार कमेंट कर रहे थे कि दम है तो तो डिबेट कर लो, डिबेट कर लो। तो भाई आना चाहिए था, समर्थक ही आ जाते ना, अगर उनके आका नहीं आ पा रहे थे तो समर्थक ही आ जाते, तो ऐसा भी नहीं किए। या फिर इस्कॉन वाले इतने सारे लोग हैं, जब इतनी आपत्ति थी, जब वीडियो तक बना दिए, तो फिर आने में क्या दिक्कत हो रही थी? अभी अभी हम देखे कि वो लोग शिक्षार्थ कम अपना एक पैरेलल लाइव चला रहे हैं, रिप्लाई टू हाँ तो साइंस जर्नी करके। वो यही करेंगे, वो यही कर हाँ सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आजकल ना, मतलब ठीक है, चलिए हम चाहते तो है कि डिबेट हो, पर इंटरेस्ट ये हो रहा है कि किसी ना किसी तरह, क्योंकि इंटर ग्रुप, इंटर आइडिया का कोई डिबेट नहीं हो रहा है, अपना एक अलग अलग ग्रुप बनता जा रहा है। ठीक है, हम नहीं चाहते कि सिर्फ हम ही एक्सक्लूसिव रहे, हम चाहते हैं कि वो भी डिबेट आए। ठीक है, जो सच्चाई है वो सबके सामने आए। तो जब वो नहीं जी आते हैं तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जो लोग उस चैनल में सब्सक्राइबर है, सुनते हैं उनको, उनको लगता है कि भाई हाँ, इन्होंने तो जबरदस्त जवाब दिया है, ये बहुत इंटेलिजेंट जवाब दिया है। रिसर्च खुद करते हैं नहीं और नहीं पढ़ते हैं कि कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है और क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैंने भी भगवत गीता पढ़ा है, जो जो पॉपुलर भगवत गीता इस्कॉन का, वही मैंने पढ़ा है। ठीक है, इनका जो जितना भी, अगर आप डिबेट कर भी लेते हैं, ठीक है, चलिए मान लीजिए सपोज कोई आ गया इस्कॉन का,
ये वो प्रभुपादा के ट्रांसलेशन को ही एम्फोसाइज करेंगे, ठीक है, वो कोई और ट्रांसलेशन नहीं देखेंगे। अभी आप कुछ बुक दिखा रहे थे, वो शायद भगवद गीता का एक फोटो का पूरा वो श्लोक का, तो जी। वो जो है वो तो प्रभुपाद का तो है नहीं, ठीक है। तो अगर सपोज ले, प्रभु, मैं मान रहा हूं कि हाँ अगर वो प्रभु आदि, प्रभुपाद, हाँ प्रभुपाद जी का अगर वो नहीं है और अगर वो चाहते हैं कि उनने जो अनुवाद किया है वही माना जाए, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं हो सकती ना। हमें एक्सपर्ट्स की राय देखनी होगी कि किन किन एक्सपर्ट्स ने उस पर क्या क्या टिप्पणी की है। हम किसी हाँ एक को ही, साइंस जो है कभी किसी एक साइंटिस्ट की ही बात को लेकर नहीं चलता है। वो सब सारे साइंटिस्ट क्या सहमत हैं उससे और क्या वो प्रैक्टिकली खरा उतर रहा है, ये भी तो चेक होता है ना। एक कोई सिंगल बंदा अपना कुछ भी क्लेम कर सकता है कि हम ऐसे हैं वैसे हैं इस तरह से हैं। अब जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो एक्सपर्ट्स ने खोजी है उसको कोई कैसे डिनाई कर सकता है, कैसे बच सकता है, उसका तो जवाब देना पड़ेगा ना उन्हें। वही 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 होता यह है कि अगर हम किसी इस्कॉन वाले से बात करें, तो वो प्रभुपाद के टाइम पे जो कोई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स थे जिन्होंने पढ़ा था, वो उनका हवाला देंगे, उनका टेस्टिमोनी देंगे, देखो देखो इन प्रोफेसर ने तो ट्रांसलेशन पढ़ा है, बहुत अच्छा है, ठीक है, अगर कोई पूछता है तो मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है, ठीक है, इनके तमाम वीडियो पे। तो जब भी पूछा जाता है उनके कि भाई कितना ऑथेंटिक है इनका ट्रांसलेशन, कितना सही है, ठीक है, तो वो लोग कहते हैं कि जो शंकराचार्य का जो ट्रांसलेशन है या रामानुज का या किसी और का, चलिए मान लेते जो शंकराचार्य का ही ले लेते, क्योंकि वो हमेशा उनको ज्यादा अटैक करते हैं, तो उसमें भी वो बता देते कि ये तो मायावाद फिलॉसफी है इनका, और वो चैतन्य महाप्रभु के कोट को दिखा देते कि भाई उन्होंने सही कहा था चैतन्य महाप्रभु ने कि इनका नहीं पढ़ना चाहिए हमें, तो इस तरह तो डिनाई कर देते हैं, और प्रभुपाद के ट्रांसलेशन को वो दिखाते कि ऑथेंटिक है, ज्यादा क्लोज टू रियलिटी है करके, ऐसे तमाम। इसमें कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। पहला तो सवाल ये खड़ा हो जाता है कि अगर इस्कॉन 1966 में आया है, 1966 में आया है, अमेरिका में उसकी स्थापना हुई थी, तो उससे पहले क्या गीता नहीं थी? सवाल तो ये भी खड़ा होगा ना। अगर ये आज की डेट में उसका ट्रांसलेशन कर देते हैं, अपना बदल देते हैं, तो उसके पहले गीता को लोग क्या समझते थे, कैसे उसको जानते थे, क्या समझते थे, उसका तब क्या मतलब होता था? उसके पहले जो अर्थ था उस समय तो ये लोग थे नहीं, और न ये व्यक्ति थे कि वो उसका ट्रांसलेशन उससे पहले लोगों को समझाते। तो इसका तो मतलब ये हुआ ना कि इनने, इनकी जब से दुकान है तभी से ये अपनी चला रहे हैं, और उसके पहले जो चीजें थी उसको आप कैसे हटाओगे, उसको आप कैसे खत्म करोगे? जैसे आर्य समाज का है, ये 1875 से आप सब चीज का ट्रांसलेशन बदल दो, आप हर चीज का ट्रांसलेशन बदल के आप उसको कह दो कि ये गलत है वो गलत है, इट्स ओके okay. लेकिन व्हाट अबाउट 1875, उसके पहले जो चीजें थी, बिफोर 1875 के, उसके पहले के क्या है, उसके पहले लोग उसको कैसे देखते थे, क्या चीजें थी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो हाँ ये जो वो चीजें हैं ना, इसको, हाँ इसको ये लोग वो उसका ये क्या जवाब देंगे? आज की डेट में आप हाँ कर सकते हो, लेकिन ये भी तो देखना होगा ना। हाँ वो तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर आप इस्कॉन के भगवत गीता को पढ़ते हैं तो एक तरह से तो एकदम वन साइडेड व्यू है। एक्चुअली क्या है कि पूरा बना दिया गया है कि भक्ति जो नाम जाप है वही ठीक है, मतलब कृष्ण ही उनका नाम जाप करो सब ठीक, उस तरह से पोर्ट्रेट कर दिया गया है ट्रांसलेशन इनका, ठीक है। तो अगर आप भगवत गीता जैसे आप बता रहे हैं कि चलिए आप डिबेट कर रहे हैं इस्कॉन वाले से, चलिए मैं इस्कॉन वाला हूं भी नहीं, ठीक है, अगर मैं भी उनसे डिबेट कर रहा होता सपोजिंग, तो वो तो सीधा सीधा डिनाई कर देते कि भाई शंकराचार्य का ऐसा अनुवाद है, गलत अनुवाद है, वो कुछ और चैतन्य महाप्रभु के उनका जो गुरु लाइन है जो उसका दिखा देते हैं कोट कि भाई उन्होंने ऐसा कहा है शंकराचार्य के बारे में, और बाद में बता देते हैं कि उनको ये भी जवाब देना पड़ेगा ना, उनको ये जवाब भी देना पड़ेगा ना हाँ कि गीता कब लिखी गई। आप आज की डेट में हाँ जो आपको, हम ये सवाल नहीं कर रहे हैं कि गीता का ट्रांसलेशन क्या है, हम तो उससे भी हाँ आगे बात कर रहे हैं ना कि वही आपके पास वही गीता 5000 साल से आज आपके पास कैसे आ गई। वही आप तो आए 1966 में, तो वही वही आपको करेक्ट 1966
में जो चीजें मिली वो कैसे मिली, आपने उसको कैसे सही मान लिया कि ये कृष्ण की ही वाणी है, जब उसके पहले के ट्रांसलेशन को आप मानने को तैयार नहीं हो, तो उसके पहले के श्लोकों को आप कैसे मानने को तैयार हो, सवाल ये भी हाँ उठेगा। वही दूसरा सवाल ये उठेगा कि जब उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, और यही नहीं, इसको जो गीता कब लिखी गई है इस पे विभिन्न टिप्पणियां हैं, आप इन टिप्पणियों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ज्यादातर लोगों ने इसको 5वीं सदी का बताया है, कि 5वीं सदी में किसी कुछ लोगों ने मिलकर लिखा, फिर इसी को धीरे धीरे एक्सटेंड करके बढ़ा चढ़ा के फिर 10वीं 11वीं सदी तक लिखा गया। और जो 10वीं 11वीं सदी में जो मतलब ये मैं अपनी राय नहीं बता रहा हूँ, मेरा राय तो इससे अलग है, मैं एक्सपर्ट्स की राय बता रहा हूँ, जो लोग कहते हैं कि कब लिखा गया तब की, वो लोग कहते हैं कि 5वीं 6ठी सदी के दौरान कुछ कुछ चीजें लिखी गई, उसी को बढ़ा चढ़ा गया। तो जब 11वीं सदी में अलबरूनी आता है, वो गीता के बारे में जो बातें लिखा है वो आज की गीता से नहीं मैच करती हैं। तो इससे ये पता चलता है कि उस समय का जो चीज था, गीता की जो बात थी, वो भी आज के गीता की तरह नहीं है। आज का गीता तो पूरी तरह से फिर मिलावटी है। अब कोई ये कहे, जैसे एक उदाहरण आप ले लीजिए कि 1966 में इस्कॉन बना, तो 1966 में जो इस्कॉन बना, उस समय जो बातें चल रही थी, उस समय जो चीज वो लिख के जाएंगे, और 500 साल बाद, 600 साल बाद आप जब मैच कराएंगे कि 1966 का इस्कॉन और फिर 500 साल बाद का इस्कॉन, दोनों में जब विरोधाभास आए, तो किसको आप सही मानेंगे? तो अब वो समय वाला कहे, 500 साल बाद वाला कहे, नहीं मैं ही सही हूं, अब मैंने जो ट्रांसलेशन किया है वही सही है, तो किसको सही माना जाएगा? हाँ तो तो अगर आप देखें, हाँ तो मैं यही बता रहा था, जो शंकराचार्य है, जैसे श्रृंगेरी मठ इधर है कर्नाटक में, तो उनका क्लेम है कि उनके पास जो गीता का मैनुस्क्रिप्ट है वो ओल्डेस्ट है, उनका कहने का मतलब उनका अभी तक डेटिंग नहीं हुआ है, और जितना भी डेटिंग हुआ है बताया जा रहा है कि मैक्सिमम 7th सेंचुरी का, उससे पहले का नहीं। ठीक है, तो उनका कहना है कि शंकराचार्य ने जो ट्रांसलेशंस किए हैं गीता के वो ओरिजिनल है, मतलब उनका क्लेम है। संस्कृत में लिखा है, सारा श्लोक संस्कृत लिया है, वो दिखाते कि ये ग्रामर सब एकदम फिट बैठता है पाणिनि के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उनका एक क्लेम है एक ग्रुप का। ठीक है, अब अभी अब जो आपका पॉइंट तो वैलिड है, पर इसका उनका जितना भी जवाब होगा ना, वो अपना विद इन अपने ट्रेडिशन, अपना जो इसकान का जो है तो स्क्रिप्चर इसीलिए उसका। बुलाया गया था ना उन्हें, इसीलिए बुलाया हाँ गया हाँ था कि वही आकर यहाँ वही जवाब देते, तो फिर लोगों वही को भी, उनके भी समर्थक को भी वही क्लियर हो जाता, क्लियर हो जाता ना सामने हाँ सामने। हाँ वही वही तो प्रॉब्लम है कि आए नहीं। अब ये देखिए कि जो गीता है उसके बारे में एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि ये कब लिखी गई है। बहुत सारे तो स्कॉलर्स का एक्सपर्ट्स है। मैं आपको बताता हूँ, कुछ स्कॉलर्स का नाम बताता हूँ, मैंने उनकी किताबों से नोट किया है। एक है हाँ डॉक्टर राधा कृष्णन, हाँ तो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने बोल। गीता के जो उनने संस्करण लिखा है उसकी हाँ भूमिका हाँ में वो लिखते हैं कि हमें गीता के रचयिता का कुछ पता नहीं है कि वह कौन है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, भारत के आरंभिक साहित्य की लगभग सभी पुस्तकें अनाम है। गीता का रचयिता महाभारत के पौराणिक संग्राहक व्यास को बताया जाता है। तो ये बता रहे हैं कि बताया जाता है लेकिन कहीं भी कोई नाम प्रमाण नहीं नहीं। है, प्रमाण नहीं है। हाँ और मैं शुरू में ही बता चुका हूं कि व्यास जो है खुद महाभारत इस बात को आदि पर्व में लिख रहा है कि उन्हें सिर्फ 8,000 श्लोक लिखे थे, 8,000 श्लोक, बाकी के वो भी तो जय था, पुस्तक का हाँ नाम वो भी जय। जय था। हाँ, न तो वो भारत था ना महाभारत था, वही बता हाँ रहे। अब एक दूसरे एक्सपर्ट हैं, इनका नाम है धर्मानंद कोसाम्बी, तो हाँ ये भी गीता के बारे में लिखे हैं। इनने क्या लिखा है कि यह मान लेना उचित जान पड़ता है कि बालादित्य, 5वीं सदी का कोई बंदा था बालादित्य, तो हाँ लिखे भी हैं ब्राह्मण पांचवी होगा। सदी के, हाँ, के समय में बादरायण या उसके किसी शिष्य ने भगवत गीता लिखी होगी।
और इनने ये चीज लिखा है, इनका भारतीय संस्कृति और अहिंसा हिंदी अनुवाद है, पेज 157 पे लिखा है, ठीक है ना, सेकेंड एडिशन है। एक तीसरे भी एक्सपर्ट हैं, उनका उनने किताब लिखी है क्वेस्ट फॉर द ओरिजिनल गीता, नाम है उनका डॉक्टर गजानन श्रीपाद खैर। तो अच्छा हाँ इन्होंने क्या लिखा है कि इनने तो सीधे सीधे कह दिया कि ये किसी एक राइटर की रचना ही नहीं है, इनने तीन अलग 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 राइटर राइटर्स को बताया है। ये लिखते हैं ये सब लोग बेसिकली जो संस्कृत की ग्रामर है ना, जो लिखावट है, उसको ये लोग कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। आज की डेट में दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है ना, हम शब्दों को पढ़कर, हाँ उसके अर्थों को समझकर, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल सीक्वेंस को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि ये लाइन किस बंदे ने लिखी होगी, ये क्यों अलग दूसरे बंदे ने वही लिखी, सब चीज पता चल जाता है। तो इनने क्या बताया है कि गीता एक ही व्यक्ति की रचना न होकर तीन अलग अलग व्यक्तियों की रचना है। पहले रचयिता ने वर्तमान गीता के प्रथम 6 अध्याय लिखे हैं, मतलब ये बता रहे हैं कि पहला 6 अध्याय किसी और बंदे ने लिखा है, और जो अच्छा दूसरा, हाँ दूसरा जो लेखक है, उसने गीता का 8वां, 14वां, 15वां, 17वां और 18वां अध्याय को लिखा है, और जो अच्छा तीसरा बंदा है उसने 7वां अध्याय, 9वां अध्याय, 10वां अध्याय, 11वां, 12वां और 16वां अध्याय को लिखा है। तो टोटल 18 ही चैप्टर हैं गीता में, हाँ हाँ तो ये चीज है। वही तो ये यहाँ पे, यहाँ पे और जैसा ग्रामेटिकल मिस्टेक भी मैंने दिखाया, तो उस पर भी बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर ये कृष्ण की वाणी होती तो फिर इसमें तो अशुद्धि होनी नहीं चाहिए थी, संस्कृत की तो अशुद्धि होनी ही नहीं चाहिए थी। अभी तो हम ये बात ही नहीं कर रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की लिखावट, पहले की पांडुलिपि कैसे आज मिल गई, हाँ इसका भी तो तो जवाब देना पड़ेगा ना। आज की पब्लिक को हम कितना बेवकूफ बनाएंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम है कि आज आप सोशल मीडिया में देखेंगे तो यहाँ पे सिनोली के नाम पे अलग अलग तरीके सारे पोस्ट अलग अलग क्लेम्स करके बताए जा रहे हैं। ठीक है तो मैंने भी थोड़ा रिसर्च किया, डॉक्यूमेंट्री भी देखा। ठीक है एक बात मैंने स्वराज्य अमर और ओप इंडिया उन्हीं के आर्टिकल में पढ़ा। ठीक है तो उन सबको थोड़ा पढ़ने के बाद मेरा एक कंक्लूजन है कि जिसने भी ये सिनोली का जो बनाया किंगडम या जो भी था सेटलमेंट, वो गोंड किंगडम जो है मध्य प्रदेश, गोंड किंगडम, उन गोंड किंगडम के जो एंसिस्टर थे उन्होंने बनाया है, ये मेरा कंक्लूजन है। ठीक है अब इसमें जितना ये बता रहे वैदिक, कितना वैदिक का वैदिक, तो आपने पहले बता दे कॉन्ट्रोडिक्शन है महाभारत से रामायण में। महाभारत में और रामायण में किसी स्त्री का लड़ने का रेफरेंस नहीं मिलता। ठीक है जनरली कहीं भी नहीं मिलता। ठीक है दूसरी बात एक और है कि रामायण महाभारत में बरियल की जगह फ्यूनरल दिया गया है, अग्निकरण मरने के बाद। ठीक है अब बिल्कुल यहाँ पर तो बिल्कुल, बरियल है तो आप इसे कैसे हाँ रिकंसल हाँ करेंगे। ठीक है बिल्कुल, तीसरी बात आप देखेंगे कि हाँ चारियटियर तो एक हुआ, दूसरा बात अब तक आपको घोड़े की हड्डियां नहीं मिली है, वो कहाँ गई? मतलब आप तो इंसान की हड्डियां मिल गई, चारियट है तो कोई कुछ तो जानवर होना था, घोड़ा होना था या लाइक कुछ भी जो उसको चला रहा, तो उसकी हड्डी कहाँ है? अब तक तो वो भी नहीं मिला। ठीक है और चौथी बात हम ये बताना चाहते हैं कि जो ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि चैरियट जो है वो लाइक मतलब इंडिया में पहले था, तो साहब इंडिया के अलावा भी और भी जगह थे जहाँ चैरियट चलता था, इजिप्ट में भी चलता था, मेसोपोटामिया में भी चलता था, ठीक है पुराने ईरान में भी चलता था। ठीक है अब सवाल उठता है कि जो घोड़े आए वो कहाँ से आए? ठीक है तो जो सिंधु घाटी है वहां के घोड़े तो पक्का सेंट्रल एशिया से आए, मगर स्वराज्य मार्ग कहीं मैंने एक आर्टिकल पढ़ा। ठीक है तो उसमें एक प्रोफेसर है, उन्होंने क्लेम किया है कि ईस्टर्न इंडिया जो सिनौली का एरिया उसका जो घोड़ा है वो तिब्बत से आया करता था। ठीक है तो दोनों ही केस से तो घोड़े जो है वो यहाँ के तो नहीं आ रहे हैं, एक जगह पर सेंट्रल एशिया से आ रहा है और दूसरा तिब्बत से आ रहा है। ठीक है बिल्कुल तो बिल्कुल, सवाल उठता है कि मेरा क्लेम है ये जो
सिविलाइजेशन है वो एक ट्राइबल का सिविलाइजेशन है जिसका वॉरियर कल्चर था। ठीक है, अब आपने रानी दुर्गावती का पढ़ा होगा, ट्राइबल थे वो, और आपने इनका भी पढ़ा होगा नॉर्थ ईस्ट में लोचा, उसका नाम क्या है, बरकू लोचा खान कुछ है उसका नाम, ट्राइबल नॉर्थ ईस्ट का अहोम किंगडम। ठीक है, हाँ, तो ये लोग ट्राइबल है, इन लोग का भी तो वॉरियर कल्चर है। तो मेरा ये है कि जो सिनोली है वो एक वॉरियर ट्राइबल कल्चर था जिसमें हथियार चलाना औरतों को और पुरुषों को बराबर सिखाया जाता था, इतना कंक्लूजन आ सकते हैं। ठीक है, अब जब वैदिक का हम देखेंगे तो यज्ञ कुंड कहाँ है, ये लोग तो बता रहे थे सिंधु घाटी में यज्ञ कुंड मिल गया, यहाँ कहाँ मिला। तो ये बिल्कुल तो सारे सवाल उठते हैं। तीसरा, जो पांचवा सवाल उठता है कि व्हाट वाज द रिटन लिपि। अब चलिए, इंडस सील मिला, उसका अब तक डिसाइफर नहीं हुआ लिखावट। ठीक है, सिनोली का कौन सा लिखावट था, वो कौन सी चीज में लिखते थे अपनी भाषा को, अब तक वो तो नहीं मिला। अब चलिए, एएसआई ने परमिशन दे दिया, खुदाई हो गई, देखते हैं मिलता है कि नहीं, वो फ्यूचर वाली बात। ठीक है, तो अब तक जितना मिला है, कंक्लूजन मेरा इतना ही है कि ये किसी वॉरियर ट्राइबल जो युद्ध में निपुण थे उनका है। ठीक है, उनका कल्चर था एट द मैक्स। ठीक है, अब मैंने जितने भी सवाल पूछे थे ये सारे सवाल तो मिस कर गए, अब रेफरेंस देने लग गए कि भाई वैदिक पुराण में ऐसा रीति है बरियल करने का, वही हमें देखने को मिल गया। तो सवाल उठता है कि अगर वेदों में बरियल था और वेद रामायण महाभारत से भी पुराने हैं, इन दो अजम्पशंस को लेकर चले, तो रामायण महाभारत में बरियल का क्यों नहीं बताया गया, उसमें अग्निकांड क्यों बिल्कुल दिखाया गया, ये सवाल बिल्कुल उठता है। बिल्कुल तो यहाँ पे तो अपने आप कॉन्ट्रडिक्शन है, या तो वेद ये लोग बताते हैं महाभारत का डेटिंग 3200 BC ऐसा कुछ इनका डेटिंग। ठीक है, अब अगर 3200 BC में महाभारत हुआ था जैसा कि हम मान के चले, तो सवाल उठता है कि उस समय आप लिख रहे फ्यूनरल हुआ था, अब जब सिनोली का हमें मिला है जिसे आप वैदिक बता रहे हैं, यहाँ पे फ्यूनरल ना होके बरियल हो गया, अजीब बात है ये तो। मतलब पहले आप फ्यूनरल करते थे मरने के बाद, लेट हरप्पन आते आते जैसे 1900 BC आते आते आप बरियल करना शुरू कर गए, मतलब ये कल्चरल डिग्रेडेशन ऐसे हो गया। यूजुअली होता है कि कल्चर इवॉल्व होता है, ठीक है, सोच विचार इवॉल्व होता है, तो फ्यूनरल देना तो एक इवॉल्व आइडिया है। ठीक है, तो अगर आप फ्यूनरल पहले करते थे तो बरियल बाद में कैसे आ गया आपका, तो ये तो अपने आप में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। ठीक है, अब बिल्कुल तीसरी बिल्कुल और तीसरी बात, जो हथियार मिला है वो तो ब्रॉन्ज एज का है। ठीक है, अब ऐसे चीज तो ब्रॉन्ज एज की मटेरियल तो सिंधु घाटी में भी मिले, मेसोपोटामिया में भी मिले हैं, हेलो सर। सबसे ज्यादा हाँ मेंशन तो हाँ आयरन एज का है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। अगर आप इस अजम्पशन पे चलते हैं कि वेद रामायण पुराने हैं, वेद रामायण और महाभारत से भी पुराने हैं, अगर आप इस अजम्पशन पे चलते हैं, तो ये बहुत सारी चीजें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है इधर। उसमें बहुत सारा कंट्राडिक्शन है। वो तो इन लोगों ने जबरदस्ती का थोपा है लोगों पे। हमारे साथ अभी निहाल जी हैं, तो निहाल जी आप अपनी बात रखना चाह रहे थे, रखें। निहाल जी, क्या आप मेरी बात को एक्चुअली सुन पा रहे हैं? हाँ सर, सर एक्चुअली जी आपने जी लास्ट टाइम रविदास जी के ऊपर एक पोस्ट किया था, उसपे सब लोग मतलब ये बोल रहे थे कि वो कृष्ण भक्त थे एक्सेट्रा, उसपे मतलब आपका क्या पॉइंट है? हेलो सर। देखिए जी, देखिए जहाँ तक रैदास जी के बारे में बात है, तो रैदास जी के बारे में जहाँ तक भी जानकारी मिलती है, उसको कहा जाता है कि आज उन जिस भी जाति से संबंध रखते थे उन्हें अछूत दलित कहा जाता है आज की डेट में। तो अगर 14वीं 15वीं सदी में अगर वो दलित समाज के थे, तो उन्हें अगर कृष्ण को या राम भक्त होते तो किस रूप में होते? क्या जब हम देखते हैं कि दलितों को कानून बनाकर मंदिर में घुसने दिया गया, रामकृष्ण की मनाही थी,
यहाँ तक कि जब ये जब प्रिंटिंग प्रेस आ गया, तब फोटो जो उसमें से बनकर छप कर निकलने लगी, तब वो लोग फोटो अपने घर में रखते थे रामकृष्ण की, बीच में जो लोग धार्मिक हो गए थे, तो उन्हें अधिकार ही नहीं था, वेद वेद वगैरह तो बिल्कुल पढ़ने का अधिकार नहीं था। यह तो अलबरूनी भी लिख के गया है कि वैश्य तक को, शूद्र छोड़ दीजिए, वैश्य तक को ये कान में शीशा पिघला कर डाल देते थे अगर पता चल जाता था कि इसने वेद का उच्चारण किया है। तो अलबरूनी अपने 11th 12th चैप्टर में लिख गया है। तो ये जो चीजें थी, तो क्या उसके बाद 11वीं सदी में अलबरूनी लिखता है, तो क्या 15वीं सदी में इनको अधिकार मिल गया था रैदास जी को, कृष्ण का, राम नहीं का सर, ये आराधना करने का? एक्चुअली बहुत लोग क्लेम करते हैं, इसलिए मैं बोला कि सबको एक टॉपिक क्लियर हो जाए कि एक्चुअली में राम भक्त थे या नहीं थे। वो नहीं थे या फिर हाँ बता दीजिए, बिल्कुल, मतलब वो नहीं थे ना, ये हाँ तो क्लियर हो जाए इस सबको, जितने भी ऑडियंस है उनको, हाँ इसलिए मैंने मैं क्वेश्चन पूछा। जी, आपका क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा है, मैंने वही क्वेश्चन भी मैं इस पे अराइज कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन सभी को पूछना चाहिए कि जब इस तरह की कंडीशन थी तो वो कैसे राम और कृष्ण के भक्त हो गए। और दूसरी तरफ ये दिखाया जा रहा है कि मीराबाई उनकी भक्तनी थी, एक तरफ ये प्रचार किया जा रहा है कि राम उनके भक्त थे, राम के ये भक्त थे रैदास जी, हाँ और दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि इनकी जो चेली थी मतलब शिष्या थी वो राजपूत थी। तो अब ये अछूत भी थे और इनकी जो शिष्या थी वो राजपूत भी थी, और वो राम की न भक्त हो गई, अब कृष्ण की भक्त हो गई। तो ये तो बड़ा, आपको नहीं लग रहा है कि बहुत कंट्रोवर्सी आपस में ही खुद हो जा रहा है? ये सब एक मुझे तरफ पता है कि मतलब फेक प्रोपेगेंडा है, लेकिन फिर कुछ व्यूवर्स ने नीचे कमेंट किया था, इसलिए मैं सोचा कि उनको भी एक चीज क्लियर हो जाए आपके माउथ के थ्रू कि ये सब फेक है करके, इसलिए मैंने क्वेश्चन आ रहा था ताकि हाँ सबको हाँ पता जी, आपने चले। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आपने ये क्वेश्चन पूछकर। तो ये जरूरी भी है एक्चुअली, मैं हमारे जो लोग हैं उनको क्वेश्चन अराइज करना चाहिए, कंडीशन देखनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि कम से कम अपने आज से 50 साल, 100 साल, 200 साल पहले के जो पूर्वज हैं, उससे पहले तो लिखने पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन जब बाबा साहब को पढ़ने का अधिकार अंग्रेजों के समय में मिला, उनने जो लिख के गया उसको तो कम से कम पढ़ लेना चाहिए। ज्योतिराव फूले जी ने जो लिखा उसको तो कम से कम पढ़ लेना चाहिए। ये निहाल जी का मुझे लगता है कट गया है, इसमें बॉक्स में भी नहीं दिखाई दे रहा है, मैं इनको फिर से जोड़ रहा हूँ, आ गए ये। हाँ निहाल जी, अच्छा ये फिर कट गया, मुझे लग रहा है नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम है। हाँ हेलो। तो हाँ, हेलो। हाँ तो रिसेंटली अभी हम देख रहे थे, एक हफ्ते के अंदर दो बड़े इवेंट हुए हैं, ठीक है। अब इनसे पता नहीं कौन जलन के मर रहा है, कि बुद्धिज्म पॉपुलर हो रहा है कि जैनिज्म पॉपुलर हो रहा है। मैं यहाँ कर्नाटक का ही रह रहा हूँ, तो आजकल यहाँ पर भी चलाया जा रहा है कि एक मूवी बनी है कर्नाटक में, ठीक है। तो मूवी में दिखाया गया कि एक आदमी ब्राह्मण को लात मार रहा है, मतलब जो जनेऊ पे ना उसको लात मार रहा है। तो एक जी सीन जी दिखाया गया मूवी में, ठीक है। अब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे यहाँ पे, वो लोग खड़े होके बोल गए कि हमारे हिंदू सेंटिमेंट हर्ट हो गया। गौर कीजिएगा कौन सा शब्द यूज करे, हिंदू सेंटिमेंट हर्ट हो गया, ठीक है। तो जी उस पर उन्होंने केस कर दिया और बाद में सीन को भी डिलीट कर दिया। पर मेरा सवाल ये है कि ब्राह्मण कब से हिंदू बन गया? क्या ब्राह्मण ही सिर्फ हिंदू है? जो आप एक और तो कहते हैं कि दलित भी हिंदू, सब कोई हिंदू। हाँ तो यहाँ पर तो मुद्दा तो ब्राह्मण के साथ हुआ ना, तो आप सीधा सीधा कहिए कि ब्राह्मण के साथ ऐसा क्या है, इसे आप हिंदू क्यों कह रहे हैं? ये आप समझ रहे हैं ना षड्यंत्र, ये एक हुआ। तीसरा बात कि एक उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ने उठाया कि बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट जो स्कूल में पढ़ाया जाता है चैप्टर, तो उसमें बदलाव करने की जरूरत है। उसमें लिखा गया कि ब्राह्मण लोग का जो रिचुअल हुआ करता था वो सबके लिए एक्सेसिबल नहीं था, ठीक है, इसलिए पॉपुलर हो गया रिलीजन, तो उसको हटाने के लिए बोल रही है, एक हुआ। तीसरा तो आपने देखा होगा 2 दिन पहले एक राम भद्राचार्य, उन्होंने कहा कि बुद्धिज्म का ने अनात्मवाद वो बहुत कमजोर कर गया और ये हमारे प्रधानमंत्री नहीं समझा, ऐसा एक बयान उनका। तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई, मतलब ऐसे लग रहा है कि इनको डर है कहीं बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस ना बढ़ जाए, कहीं ना कहीं इन सब से ये लग रहा है बातों से।
अरे सर, एक्चुअली बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा तो सोल का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी ना, तो फिर इनका परमात्मा कहाँ से हाँ चलेगा, हाँ धंधा ही हाँ बंद हो हाँ वही जाएगा। वही 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 मैं बोल रहा था। तो ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कि इस मुद्दे को कैसे इसे हिंदू मुस्लिम कर दिया जाए, ये बात चल रहा है। मतलब जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है, प्रॉब्लम तो किसी एक ग्रुप से है, मगर उस पूरे ग्रुप को पूरे देश की समस्या के साथ कैसे जोड़ दिया जाए, ये किया जा रहा है किसी तरह। ठीक है, आप अगर रिसेंटली देखेंगे टीवी मीडियम में, टीवी न्यूज डिबेट में, तो उसमें कई बातें आती है कि दलित लोग हिंदुइज्म छोड़ रहे हैं, वो लोग बुद्धिज्म बन रहे हैं, एथियस्ट बन रहे हैं, कुछ लोग क्रिश्चियनिटी भी कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसी बातें आती है, मगर टीवी में आप डिबेट होते हुए देखेंगे इस मुद्दे पे, तो ना ही बुद्धिस्ट मॉन्क को बुलाया जाएगा, ना ही दलित लीडर को बुलाया जाएगा। बुलाया जाएगा तो किसी पंडित को, मौलवी को, और पॉलिटिकल पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव उनको बुलाया जाएगा। सर एक्चुअली पॉइंट ये है, अगर बुद्धिस्ट मॉन्क को बुला देंगे तो फिर ये लोग का टॉपिक ही खत्म हो जाएगा, बिकॉज उनके पास प्रॉपर रिप्लाईज है, प्रॉपर आंसर्स है, वो प्रॉपर हाँ तर्क के साथ आंसर दे देंगे, फिर ये लोग कुछ बोल ही नहीं पाएंगे ना, हाँ वही क्योंकि वही ये लोग आत्मा बट परमात्मा के कॉन्सेप्ट में लगे रहेंगे। बुद्धिस्ट मॉन्क प्रूफ मांग लेगा तो ये लोग की बोलती बंद हो जाएगी, कहाँ से बुलाएंगे, क्योंकि उसमें उसके से अंदर तो क्लियर पंडित, बोल दिया जाता है कि प्रूफ का सोल का एग्जिस्टेंस क्यों नहीं, प्रूफ दे दिया जाता है कि देख लो शरीर क्या है, कहाँ सोल है दिखा हाँ दो, वही वो नहीं वही दे वही पाएंगे। बुला के वो लोग को पंडित, हारना इसलिए नहीं बुलाते ना। हाँ, तो पंडित का भी जी फायदा हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। हाँ तो पंडित का भी डिबेट में, जाएगा। हाँ कभी भी ये बात आपकी मुझे सही लगी कि आपने जो पॉइंट रखा कि मैंने भी कभी मॉन्क्स को नहीं देखा है इन्हें कभी बुलाया गया, और मैंने अक्सर हाँ देखा है कि कोई ब्राह्मण बैठ जाता है, कोई मौलवी बैठ जाते हैं, लेकिन मैंने मॉन्क्स को कभी नहीं देखा कि बुलाकर आत्मा परमात्मा पर थोड़ी चर्चा कराई जाती ना, क्योंकि मेडिकल साइंस नहीं हाँ मानता है, तो इस पे भी देखना चाहिए था। ये सर और मेन बहुत टॉपिक से तो ऐसे यही है ना पॉइंट्स कि हैं। आत्मा और परमात्मा है नहीं है, वो मेन टॉपिक है, क्योंकि अगर इवन वही खारिज आप हो जाएगा फिर ये कुछ बोल नहीं पाएंगे। वही, आप अगर और देखेंगे कुछ डिबेट होता है रिलीजन, साइंस एंड रिलीजन, एनडीटीवी में चलता है, न्यूज 18 में चलता है, तो बुलाया जाता है तो सदगुरु को बुलाया जाता है, जिनके बहुत सारे फॉलोवर, पेड फॉलोवर भी है उसमें। ठीक है, उनको बुलाया जाता है, मौलवी को भी बुलाया जाता है, क्रिश्चियन फादर को भी बुलाया जाता है। ठीक है, मगर जैन बुद्धिस्ट मॉन्क इनमें से किसी को इंक्लूड नहीं किया जाता, ये आप गौर कीजिए। मैंने देखा है तमाम डिबेट, इन्हीं तीन चार ग्रुप को बुलाया जाता है, और एक साइंटिस्ट को भी शक खड़ा कर देते हैं इनके खिलाफ। बस तो सर अब उन बाकी मूर्खों को जो क्या ही बोलेंगे, जो लोग सेल क्या है, टिश्यू कैसे बनती है, ऑर्गन कैसे बनते हैं, इस बारे में ही नहीं समझते, उनको फिर यही सब चलता रहेगा। हाँ, तो अल्टीमेटली मैं देखता हूँ जब भी ऐसे डिबेट होता है, फाइनली पॉलिटिकल हो जाता है किसी ना किसी तरह, कि देखो वो मतलब ये मुसलमान ऐसा कर रहा है, हिंदू ऐसा कर रहा है, वहीं आके अटक जाता है, आगे पहुंचता ही नहीं, मुद्दा जो था वो खत्म कहीं ना कहीं। ठीक है, तो देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट इसलिए कम हो रहा है, मतलब मेरे जो मतलब आज से अगर देखा जाए अम्बेडकर को, उनके राइटिंग्स को, तो हमारे पास एक गूगल डोर करके कोई हैं, क्या वो बकवास जुड़ना चाह की रहे हैं, उन्होंने, क्या और दिया। उनका अभी कट गया है, दिखाई नहीं दे रहा मुझे। ओके, हमारे साथ डॉक्टर ओजस सर्वज्ञा भी हैं, इनको भी मैं जोड़ रहा हूँ। तो डॉक्टर ओजस सर्वज्ञा, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ। जी जी बताएं। मैं ये बोल रहा हूँ कि 1955 में कांग्रेस ने लॉ बनाया प्रोटेक्शन ऑफ जी सिविल राइट्स, तो उसके पहले कास्ट चेंज कर सकते थे लोग, तो कांग्रेस ने ऐसा लॉ क्यों बनाया कि कास्ट चेंज नहीं कर सकते हम लोग, ऐसा लॉ क्यों बनाया कांग्रेस ने, उसके वजह से ही ऐसा हो गया कि कास्ट कोई चेंज नहीं कर सकते। तो आप कास्ट क्यों चेंज करना चाहते हैं? कास्ट तो इसलिए बुराई है ना, हाँ, तो वही कास्ट तो मैं बोल रहा बुराई हूँ है। कि लोअर कास्ट वाले हायर कास्ट में आ सकते हैं ना फिर। नहीं, कैसे आ सकते हैं नहीं कोई मतलब नहीं है आके भी, वो लोग आपका सम्मान तो करेंगे नहीं। आप देखिए, वो लॉ जो बना था, उस लॉ बनाने का जो मुझे बेनिफिट समझ में आ रहा है वो ये है कि ऐसा पाया गया कि बहुत से जो हाई कास्ट के लोग थे वो रिजर्वेशन का फायदा उठाने के लिए वो लो कास्ट बन जा रहे थे,
और सिर्फ सर्टिफिकेट में, शादी ब्याह तो वो अपने ही कास्ट में कर रहे थे, लेकिन वो रिजर्वेशन का फायदा उठाने के लिए सारे पोस्ट पर बैठने के लिए वो अदर कास्ट का सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन लो कास्ट के साथ दिक्कत ये है कि वो सर्टिफिकेट तो दिखा देगा कि हम हाई कास्ट बन गए, रिजर्वेशन भी उसको नहीं मिला। अब वो करे तो करे क्या, उसको जो अपर कास्ट है वो उसका सर्टिफिकेट देख के उसके अपने बेटी थोड़े ब्याह करेगा या उसके साथ भेदभाव थोड़े छोड़ देगा, वो तो सर्टिफिकेट मांगेगा ही नहीं, वो तो कहेगा कि तुम लो कास्ट हो मतलब हो। वो तो बर्थ के आधार पर आपका चेक नहीं करने वाला है ना, वो तो आपके पूछे आपके माँ बाप कौन है, क्या है आपके पूरे, उसी के आधार पर आपको जज करने वाला है, आप किताब पे और सर्टिफिकेट पे क्या उस पे आपको कोई मैटर नहीं करते हैं। और आप, और इसका दूसरी तरफ गलत वो भी तो हुआ ना, गलत फायदा भी तो लोगों ने उठाया ना, जो जनरल कास्ट थे उन लोगों ने सिर्फ सर्टिफिकेट पे अपना सर्टिफिकेट बदल लिया, आमतौर पे वो वैसा ही थे लेकिन सर्टिफिकेट में उन्होंने अपनी कास्ट बदल कर रिजर्वेशन का फायदा ले लिया, तो हो सकता है ये भी कारण रहा हो, क्योंकि उस समय अपोजिशन और जो जो भी सत्ता में रही होगी इन सब लोगों ने सारे मुद्दे देख कर ये चीजें की होंगी। इसमें तो हम ये नहीं कह सकते ना कि उसने किसी साजिश के तहत ऐसा कानून बना दिया, और साजिश के तहत अगर बनाया होता तो उस समय विपक्ष या जो भी लोग थे, अभी तुरंत ही 1992 में आपने देखा था कि ओबीसी का वो मंडल आया था, मंडल ओबीसी रिजर्वेशन के लिए, तो इस कारण से हो सकता है कि लोग गलत फायदा ना उठा ले, इस कारण से वो चीज फिर 1995 में इम्प्लीमेंट की गई होगी। तो ये देखिए अर्जुन शास्त्री जो है, अर्जुन शास्त्री कभी नाम से कभी मुल्ला के नाम से तरह तरह की आईडी बना के एक ही कमेंट बार बार पेस्ट किए जा रहे हैं इनको मैं एक ही आईडी है, ये एक ही मैसेज है और बार बार जो है अलग अलग उससे बना कर ये पेस्ट किए जा रहे हैं, तो मैं इनको स्पैम के कारण ब्लॉक कर रहा हूँ, लगातार ये स्पैम कर रहे हैं, मैं सबके सामने बोल के आप लोगों को इनको ब्लॉक कर रहा हूँ। तो कुछ लोगों का आरोप है कि मैं निकाल देता हूँ या ब्लॉक कर देता हूँ, ऐसा नहीं करता हूँ मैं, सिर्फ जो स्पैमर्स हैं बहुत ज्यादा हद कर देते हैं तब फिर हमें ऐसा करना पड़ता है, नहीं तो हमें कोई ऐसा शौक नहीं है, सभी लोग अपने बात रखने, आप लोग रखिए इंसान की तरह बात रखें तो कोई दिक्कत नहीं है जी। तो सर एक्चुअली हो सके तो जो इस्कॉन के जो शिक्षार्थन के जो चुन्नू मुन्नू जो दो लोग थे उनका पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बोल दीजिए ना कि एक डिसाइड कर लीजिए डेट, कि इस डेट पे आके डिबेट कर ले करके, तो प्रॉपर आप इंस्टाग्राम पे उनको डीएम करके बात कर लेते तो अच्छा होता। मुझे उनके पास कोई भी कॉन्टेक्ट नंबर उनका नहीं है, इसीलिए मैंने ओपन इनविटेशन इसीलिए दिया था क्योंकि उनके समर्थक कह रहे थे, मेरे तरफ से उन दोनों लोगों के अभी कोई स्पेशल मैसेज नहीं आया ना, वो लोगों ने कहा कि डिबेट करना चाहते हैं, लेकिन उनके समर्थक करना चाह रहे थे इसीलिए मैंने उसमें साफ साफ ये भी लिख दिया था कि अगर वो दोनों नहीं उपलब्ध हैं तो आप किसी और को ले आइए जिसको आप डिबेट के काबिल समझते हैं, मैंने सारे ऑप्शन दे दिए थे, मैंने ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया था कि आप वही दोनों को ले आएं या कोई एक को ले आएं, आप जिसको भी ला सकते हैं जिससे भी, क्योंकि वो लोग चाहते थे डिबेट। नहीं एक्चुअली मैं कभी भी किसी को, मैंने अपने फ्रेंड को ही मैसेज किया था, वो भी बहुत इस्कॉन जाता है, मतलब बहुत, वो मेरे को वही सब बता रहा था भक्ति से रिलेटेड, मैंने उसको मैसेज किया लेकिन अभी ऑफलाइन है, 6 बजे मैंने मैसेज कर दिया था कि चैनल दे दो आ जा लाइव करके डिबेट कर लेना करके, तो आया ही नहीं ऑफलाइन अभी तक। हाँ नहीं, जिन्हें ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए था जिन्हें डिबेट के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है कि डिबेट कर लो डिबेट कर लो, हलो, उनके हलो। लिए था। हाँ हाँ हेलो, हाँ तो मैं बता दो क्यों डिबेट के लिए नहीं आता है। एक्चुअली ना उनका मैं एक पुस्तक पढ़ा है, ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है कि भक्ति के अलावा अगर आप कुछ भी करते हैं तो आप वैष्णव अपराध कर रहे हैं, वैष्णव अपराध। हाँ तो उनमें कहा गया है कि कृष्ण नाम जप करना है, अगर उसके अलावा अगर आप मतलब मायावादी या मटेरियलिस्ट ऐसे किसी सोच से आप डिबेट करते कोई बात करते हैं तो आप एक वैष्णव अपराध कर रहे हैं, आप भटक रहे हैं, तो ये तरह का डर लिखा गया है। मैंने देखा उनका तो इसलिए वो नहीं आ रहा है। वो एक है एक्चुअली ये। हाँ अगर आपकी बात मुझे सही लग रही है, क्योंकि अगर वास्तव में अगर उन पे कोई दिक्कत रहती तो वो जरूर डिबेट के लिए आते, या उनके जो प्रतिनिधि हल्ला कर रहे थे वो लोग खुद चले आते हैं कि मैं ही कर लेता हूँ,
तो अगर वो नहीं आते हैं तो मुझे आपकी बात सही लग रही है कि वो ये इसी कारण से नहीं आए। एक हमारे साथ तो गूगल डोर जुड़े हुए हैं, तो गूगल डोर हेलो, आपका क्या नाम है? आप अपनी बात रखें, आप कुछ बोल रहे थे। जी हाँ हेलो सर, आवाज आ रही है क्या? आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो आप ये बताएं, अगर वेद 600 साल पुराना है, हेलो, हाँ बताएं बताएं, पूछिए। अगर आपकी आवाज कट रही है, क्या इनकी आवाज सभी लोगों को सुनाई पड़ रही है? नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होगा नहीं सर, नहीं आ रही है इनकी आवाज। आप एक काम कीजिए, आपकी आवाज ना यहाँ क्लियर नहीं आ रही है, आप उसको लिख दीजिए चैट बॉक्स में, हम लोग उसका जवाब दे देंगे। आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। एक यहाँ पे ये लिख के आ रहे हैं, FABDGWKDBHBDGDEN, आई एम रिप्रेजेंटेटिव, लेट मी इंटर। इनने थोड़ा सा अच्छा सा नाम लिखा होता तो समझ में आता, इनने कुछ वैसा लिख लिया। मैं इनको इंटर कर रहा हूँ, फिर भी अगर इनने कहा है कि ये रिप्रेजेंटेटिव है तो। गूगल डोर जी, मैं आपको हटा रहा हूँ क्योंकि आपकी आवाज आ नहीं रही है, तो आप मैसेज कर दीजिएगा उसको, हम लोग फिर जवाब देने का प्रयास करेंगे। और नेटवर्क जब अच्छा हो तो आप फिर से रिक्वेस्ट कीजिएगा, मैं जोड़ लूँगा आपको। तो इनको मैं जोड़ रहा हूँ। हाँ, तो आपका नाम मुझे क्लियर नहीं है, आप जो भी FABDGWKDBH जो भी हैं, जी तो जी हाँ क्या, हाँ बताएं। एक्चुअली मैं कोई ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ. मैं मतलब ओके ऑफिशिएट नहीं किया है मुझे. जी जी मैं कोई बात नहीं है, कोई मेरा बात नहीं है। आइडिया. हाँ, तो आपने जैसे कहा कि सोल का कोई प्रूफ नहीं है, ये बहुत ही स्क्रूड अप फिलोसफी है, क्योंकि सोल का प्रूफ है. और सेकंड थिंग, अगर अल्टीमेट प्रूफ जानना चाहते हो तो अल्टीमेट प्रूफ किसी का भी नहीं है. साइंटिफिक थ्योरीज भी चेंज होती है. जो प्रूफ है, फैक्ट्स आर इटर्नल एंड साइंस चेंजेस, थस साइंस इज नॉट फैक्ट, सिंपल. सर, आप जो बोल रहे हो कि सोल का प्रूफ है, तो आप प्रमाणित कीजिए ना, मतलब किस तर्क के आधार पर प्रमाणित करोगे कि सोल है करके? आप बातों के तहत ही बता दीजिए। बॉडी, हाँ, बॉडी ये चेंज होती एफ रहती एफ है. ए 1 मिनट, ये FABG जो भी इस्कॉन के नॉन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है, प्लीज आप एक बार हल्का सा आप कोई भी कॉमन नाम बता दीजिए, क्योंकि आपका नाम लेने में मुझे दिक्कत हो रही है। हाँ, कोई भी एक कॉमन नाम बता श्री दीजिए, आप श्री चाहे। जी श्री श्री शिव, श्री ओके श्री एक श्री श्री मिनट ओके ओके एक मिनट एक मिनट मैं आता हूँ. ओके हाँ, तो आप तर्क दे रहे थे कि सोल है करके, उसके आधार पर तर्क दे रहे थे कुछ। तो आप सोल का जो बता रहे थे उसके बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण कीजिए, ताकि हम लोगों को भी समझ में आए। और कोई बेटर होगा कि किसी टेक्स्ट बुक का भी हवाला दे, जहाँ पे मेडिकल साइंस में पढ़ाया जाता हो सोल के वगैरह बारे में, किसी क्लास में। वही तो हाउ डू यू प्रूव दैट, हाउ डू यू प्रूव दैट साइंस इज द अथॉरिटी ओवर नॉलेज. मैंने चेंजेस, अच्छा, सर वो आप ये चेंज नहीं कह होते, रहे वो हो, इम्प्रूव होती है, वो चेंज नहीं होती है, इम्प्रूव होती है। निहाल नहीं, जी, आप नहीं इनको कह इनको सकते बोलने ये दीजिए। इम्प्रूव हो, क्योंकि फ्लैट अर्थ थ्योरी निहाल जी इम्प्रूव इनको पूरा बोलने होके दीजिए, जो भी ये बात ग्राउंड कहना ऑफ चाहते हैं, इनकी पूरी बात सुनिए थ्योरी. जी। हाँ ठीक है. बताइए बताइए श्री जी। दी करेक्ट वर्ड फॉर चेंज इज एवोल्यूशन. साइंस इवॉल्व होती है, इम्प्रूव भी होती है, और चेंज भी होती है, जिसको एवोल्यूशन बोलते हैं. तो नहीं, आप साइंस साइंस को सिर्फ चेंज एवोल्यूशन से होती डिफाइन नहीं कर सकते हैं, एवोल्यूशन सिर्फ एक पोर्शन है साइंस का, सिर्फ एक है. छोटा सा नहीं, पोर्शन है। आप अरे हर चीज को मैं टेक्निकल, हर चीज अरे को जी, अरे सुनिए एवोल्यूशन के सुनिए आधार पर सुनिए, नहीं अरे सुनिए जस्टिफाई कर अरे सकते सुनिए हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं एवोल्यूशन एक आपकी टर्म के पूरी बात, लिए, आप मेरी अरे बात सुनिए, सुनिए, आपको पूरा मौका दिया अरे जाएगा, आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, आपको पूरा मौका है, पूरी बात कहिए, क्लियर कहिए, सॉरी और समय लेकर थोड़ा सा शांत रहिए ताकि हम लोग भी अपनी बात रखें। सॉरी सॉरी तो पहले आप अपनी सॉरी. बात रख लीजिए। एवोल्यूशन का मतलब डार्विन्स एवोल्यूशन थियरी नहीं है. एवोल्यूशन का मतलब टेक्निकल मीनिंग ऑफ एवोल्यूशन है, कि साइंस
इम्प्रूव भी करती है और चेंज भी करती है। फ्लैट अर्थ टू राउंड अर्थ उसको आप इम्प्रूव नहीं बोलेंगे, इसको चेंज ही बोलेंगे। तो जहां तक मुझे लगा था कि आप कि आपने कहा था कि मैं रिप्रेजेंटेटिव लेट में एंटर, तो मुझे लगा था कि आप गीता पे बात कर रहे हैं, गीता के ओरिजिन पे बात कर रहे हैं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वही ज्यादा वैलिड रहेगा, क्योंकि इवोल्यूशन पे एक वो रख लूंगा, एक अलग दिन रख लूंगा, वहां पे डिटेल से बात की जाएगी। आप गीता पे ही बात करें, श्रीमद भागवत गीता का जो बताया जा रहा है कृष्ण से 5,000 पहले से कनेक्शन, वो कैसे है यही थोड़ा क्लियर कर दीजिए। हाँ, वो जो श्रीमद भागवत गीता आज मार्केट में उपलब्ध है, वो आज से 5,000 साल पहले किसी कृष्ण नामक जो भी अवतार व्यक्ति या भगवान थे उन्हीं की वाणी है, कैसे है इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, कैसे है ये जिसको प्रचार किया जा रहा है। वो उसका हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है, बट इसका कोई एंटी प्रूफ भी नहीं दे सकते, बट एक्चुअली नहीं दे सकते, वो मैं बाद में प्रूव कर दूंगा। बट the point is that this is not important, the point is not that Charles Darwin ki evolution theory kab introduced ki gayi thi, the point is that what does it state, so the whole point is that what does Gita state, ye zyada important hai dating of the scriptures। aap mudde se bhag to nahi rahe hain ya jawab dene se katra rahe hain? nahi, mudde ko invalid declare karta hu। अच्छा, सर एक सेकंड, एक सेकंड, आत्मा के बारे में बता दीजिए आप। हाँ सर, आप आत्मा को प्रूफ कर दीजिए ना, आत्मा को प्रूफ कर दीजिए ना। चलिए बताइए। बिकॉज़ बॉडीज चेंज एंड देयर इज कॉन्शियसनेस, देयर इज मीनेस, सिंस बॉडीज चेंज थस बॉडी कैन नॉट अकाउंट फॉर द मीनेस एंड थस देयर हैज टू बी समथिंग एंटी मटेरियल टू अकाउंट फॉर मीनेस। ये सिंपल ये बेसिस है, पर इस पे और भी ज्यादा मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग कुछ रिबटल करेंगे और फिर मैं उस पे भी रिबटल करूंगा, तो ये एब्सोल्युटली प्रूव नहीं कर सकता, बट द पॉइंट इज व्हाट इज द रिबटल। तो आप समझ लीजिए कि जो बॉडी है, ठीक है, बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ये बात ठीक है, बॉडी बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सेल का लाइफ होता है, ठीक है, नहीं नहीं होता होता है भाई, सेल्स का लाइफ होता है। सर आप थोड़ी बायोलॉजी पढ़ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए श्री जी सेल की लाइफ नहीं होती है, इसका आपके पास क्या आधार है, आपके पास क्या आधार है कि सेल की लाइफ नहीं होती है? पहली बात, फर्स्ट तो ये आधार है कि लाइफ डिफाइन ही नहीं हुई है, लाइफ अकॉर्डिंग टू आपको कैसे पता है ये सब, आपके पास नॉलेज कहाँ से आई है कि ये नहीं डिफाइंड है या वो चीज डिफाइंड? आप कैसे मापते हैं किसी भी चीज को, आप कैसे सत्य मान लेते हैं कैसे गलत मानते हैं, आपका पैरामीटर क्या है, पैमाना क्या है, स्केल क्या है? मैंने एक पीएचडी से बात की हुई है और बहुत ये एक्चुअली ये सब यहाँ सारे लोग पीएचडी ही बैठे हुए हैं, मैक्सिमम लोग पीएचडी ही बैठे हुए हैं, तो आप उसकी बिल्कुल चिंता ना करें। आप बताइए कि आपका पैमाना क्या है, कैसे आप किसी चीज को सत्य मान लेते हैं किसी चीज को गलत मान लेते हैं? शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण। तो कैसे आप कहेंगे जब 1966 से पहले इस्कॉन नहीं था, उसके पहले के जो शब्द हैं वो गलत हो गए, आज के शब्द सही हो गए, ये कैसे प्रमाण मानिएगा? एक दूसरे का शब्द गलत, आपका शब्द सही, ये कैसा प्रमाण है, इसका स्केल क्या है? बाय रियलाइजेशन, बाय फॉलोइंग। एक तराजू है, एक तरफ उस पे बांट पड़ी हुई है, वेट पड़ा हुआ है, और दूसरे तरफ सामान रखा हुआ है, किसको आप सही मानते हैं, सामान को ही सही बता रहे हैं या वेट को सही मान रहे हैं? वेट भी आप रखेंगे तो उसका एक पैरामीटर है कि ये 1 kg का है, उसका एक अलग पूरा उसका एक इतिहास है कि ये 1 kg क्यों है। तो आपका जो सच मानने का, जो सच आप बता रहे हैं शब्द का, शब्द कोई सच्चाई नहीं है, आपका ही शब्द सही है या रियलाइजेशन है? आपका रियलाइजेशन कैसे सही है, क्वेश्चन तो ये उठता है ना, दूसरे का रियलाइजेशन गलत, आपका रियलाइजेशन सही, ये पैरामीटर नहीं है सत्य मापने का। सत्य मापने के लिए साइंस पैरामीटर है, कि तर्क और साइंस से कुछ चीज प्रूव होती है, बट एक चींटी के लिए भी फ्लैट अर्थ प्रूव होता है, वही नहीं प्रूफ होता है ना, नहीं प्रूफ होता है ना, आप कंपेयर गलत कर रहे हैं ना, तो उसके लिए आप कंपेयर गलत कर रहे हैं। अभी आप इंसान,
मिनट, अभी आप इंसान की बात कर रहे हैं और उसकी तुलना चींटी से कर रहे हैं, और चींटी का भी क्लेम आप खुद दे रहे हैं। चींटी दे ना, आप क्यों दे रहे हैं? आप या तो चींटी को खड़ा कीजिए, वो दे अपना क्लेम, तो फिर हम समझे। दिस इज कॉल्ड फूलिश सिंपलिस्टिक एनालिसिस विदाउट। यही चीज आप कर रहे हैं, आपको पहले पैरामीटर डिफाइन कीजिए कि किस पैरामीटर को माना जाए, वो पैरामीटर आपके लिए भी सत्य हो, हमारे लिए भी सत्य हो, पहले वो स्केल तो मान लीजिए। मानव जी, आपने बोला जी, आप बता सकते हैं वो आपने कैसे समझा, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट में था जो मैंने बोला ही नहीं था। आप दोनों चुप रहिए, हम बात करते हैं। मिराक्युलस देखिए, आप अलग अलग एनिमल से कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ रीजनिंग पे मैटर। अरे आप सुन लीजिए, मैं आप बात रख रहा हूँ, आप चीटी से कंपेयर कर रहे हैं, सबसे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। पैमाना है कि रीजनिंग क्या है, रीजनिंग इज द प्लेटफॉर्म, ठीक है, रीजनिंग एंड ऑब्जर्वेशन वो है आपका प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ठीक है, पैमाना। एक दूसरी बात, आप आत्मा की बात करें, बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स, चाहे आप ब्लड लीजिए, टिश्यूज लीजिए, जितना भी बॉडी पार्ट है सेल्स है, सेल्स हैव लाइफ साइकिल, ठीक है, डीके होता है, अब उस डीके से ही होते होते वो प्रोलिफरेट करता है, ग्रो करता है, डीके होते जाता है, ठीक है। एट वन स्टेज द सेल्स स्टार्ट, मोर एंड मोर सेल्स स्टार्ट टू डीके, व्हेन मोर एंड मोर सेल्स स्टार्ट टू डीके यू रीच द ओल्ड एज, ठीक है, मींस सेल्स हैव लाइफ साइकिल, ठीक है। और जहां तक बात आप आत्मा की कर रहे हैं, बॉडी बॉडी में आप जो बता रहे हैं ना, पंच तत्व जैसा कुछ नहीं है, वास्तव में चार तत्व ही होते हैं। ये लोग पंच तत्व बताए, चार तत्व क्या है ये आप समझिए पहले। बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ सॉलिड मैटर, लिक्विड मैटर, गैसियस मैटर एंड रेडिएशन। रेडिएशन मींस टेम्परेचर, ठीक है, एनर्जी, टेम्परेचर, फायर कह लो। हाँ, वही कंपोजिशन है आपका, ठीक है। तो आप इन सब को हटा दीजिए, मान लीजिए कि आप एक गाड़ी देख रहे हैं, ठीक है, आप गाड़ी देख रहे हैं, पर गाड़ी के सारे पार्ट्स को हटा दीजिए, क्या रह जाता है? तो आप जिससे डिफाइन कर रहे हैं आत्मा है, वो वास्तव में कुछ नहीं है एक्चुअली स्पीकिंग, ठीक है। वही तो ये डिबेट चली है और आपने कंक्लूजन ही कर लिया, अब इस पे अपोज क्या करूं मैं? अरे सर, फिर आप प्रूफ कीजिए ना कि आत्मा है करके, आप बात तो कीजिए आत्मा पे। आप कुछ और ही बात कर रहे हो, चींटी की बात कर रहे हो, आप चींटी कुछ भी माने इससे अर्थ का सच साबित नहीं होता ना। आप चींटी फ्लैट माने की अर्थ गोल है, ये थोड़ी वही तो आपने इंटरप्ट कर दिया ना। हां बोलिए बोलिए, मैं बोल रहा था। हेलो, कमिंग बैक टू हेलो सर। हेलो हेलो हेलो, हाँ, हाँ, राजेश जी आपका स्वागत है। हाँ सर, ये जो एफ वाला जो सिस्टम है, ये क्या बताए सेल के बारे में, जरा आमिनी से आज क्लास करेंगे। सर आप बताइए, इनका इनका क्या नाम है सर? ये इनने अपना कोई टेम्पररी नाम श्री बताया है। अच्छा श्री जी, ये बताइए, हम भी किताब लेके बैठे हैं, हम अपना माइक होता वीडियो कैमरा भी ऑन कर दे रहे हैं, ये देख रहे हैं ना। ये बिंद्रा सिंह है, PhD किए हुए हैं, दिख रहा है ना सर? और मैं क्या बोलते हैं, डी फार्मा कर रहा हूँ, सेकंड ईयर है। सर क्या बेवकूफ बना रहे हो, बेवकूफ मत बनाइए सर। नहीं ओके ओके, तो महल नहीं खड़ा होते। ओके ओके सुनिए, तो आप कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन करिए, तो बताइए आप क्या मतलब बता रहे कि सेल कभी मतलब सेल के बारे में ऐसे कुछ बता रहे, हमें ध्यान नहीं आ रहा है, बताइए क्या आप क्या बात मत करेंगे, बताइए सेल के बारे में, आप हमसे डिबेट कर लीजिए ना, हम भी बैठे हुए हैं लेके। हाँ हाँ वही डिबेट ही कर रहे हैं। तो जो डी फार्मा वाले जो 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 भैया थे, उन्होंने बोला था कि उनके पास बुक है और वो बुक में कुछ लिखा है, वो सिर्फ एक बायोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ लाइफ, जो बायोलॉजी वालों को भी पता है कि वो बहुत शैलो है, वो डेफिनेशन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करता है, वो बिल्कुल भी कॉन्शियसनेस के लाइफ को एक्सप्लेन नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। और ओके, आप ये कैसे, आप ND और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस कैसे एक्सप्लेन करते हैं?
की बात कर रहे हो तो इमेजिनेशन भी हो सकती है ना, आप किसी चीज के बारे में बार बार सोचो, आपको इमेजिनेशन भी हो सकती है उसकी। अरे इमेजिनेशन, ओके ओके, तो एक केस में ये एक्चुअली बहुत स्टैंडर्ड सा केस है, एक केस में ये हुआ था कि वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस में जो भी उसने इमेजिन किया, सो कॉल्ड इमेजिन किया, उसके सारे डिस्क्रिप्शंस जो उसने इमेजिन किए और हॉस्पिटल के डिस्क्रिप्शंस जो उसने इमेजिन किए वो सारे सही थे। तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? नाल्कोन होली स्क्रिप्चर मैंने लिंक शेयर कर दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बता रहे हैं कि ये इस्कॉन से हैं, तो मैंने लिंक शेयर कर दिया है, आ जाएं। सर बुलाइए बुलाइए, जल्दी बुलाइए इनको। हाँ तो बताएं श्री जी। देखिए आप कॉन्शियसनेस पे बात कर रहे हैं ना, तो आपको पता है 1992 में एक डॉक्टर थे, ठीक है? और सुनिए सुनिए, ये मेडिकल कॉलेजेस में बिल्कुल ही इग्नोर किया जाता है। मेडिकल कॉलेज में मेरे को ये क्वेश्चन पूछते भी है और मेडिकल कॉलेजेस के डॉक्टर श्री जी, श्री जी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? श्री जी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? श्री जी क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? देखिए भाई साहब, हेलो हेलो, आप इनकी बात पे हंसा ना जाए ना, हंसा ना जाए ना, इनके बात का जवाब दीजिए भाई साहब, आपसे ये अनुरोध करते हैं, आप हंसिए मत। हाँ बिल्कुल, भी सभी लोग इनकी बात को सुने और इनको जवाब दिया जाए, नहीं क्योंकि अगर आए हुए हैं तो इनको लिया जाए ना, इनके बात का जवाब दिया जाए, प्लीज आप लोग हंसिए मत। हाँ, इनकी बात पूरी सुनी जाए और उसका जवाब दिया जाए। मैं एक चीज और जानना चाह रहा था कि ये बार बार रेफरेंस दे रहे हैं कि इनने किसी पीएचडी से बात की है या किसी स्कूल में इनने या कॉलेज में देखा है, तो मैं जानना चाह रहा था कि आपने जो क्लेम किया है सेल्स पे, तो क्या आपकी बायोलॉजी में कोई एक्सपर्टाइज है या कुछ अध्ययन किया हो या कोई बेसिक्स हो? क्योंकि मेडिकल स्टम्प्स को नकारना एक साधारण वो नहीं है, अगर आप उसको नकार रहे हैं सीधे तौर पर तो फिर आप कुछ एक्सपर्टाइज होने चाहिए इस क्षेत्र में। तो मैं भी आपको वापस से क्वेश्चन करता हूँ, तो मेडिकल एक्सपर्ट्स आप कैसे बोल सकते हो कि वो बॉडी में एक्सपर्ट है? यही नहीं तो आपका बात तो दोहरा हो गया ना, आपने पहले तो खुद इनकार किया और जब मैंने इस बात को आपको कहा तो फिर आपने दोबारा फिर एक और नया मुद्दा छेड़ दिया अलग वो करके हटाने का। प्रिंसिपल से आप खुद ही विरोधाभास कर रहे हैं ना, नहीं खुद ही विरोधाभास कर रहे हैं ना, एक तरफ आप मान नहीं रहे हैं और दूसरा तरफ फिर उसमें क्वेश्चन कर रहे हैं। आप पहले इस बात को समझिए, आपको इस बात को, आप मेडिकल साइंस को, आप जो है आप ये कह रहे हैं कि सोल्स होता है, मेडिकल साइंस ये नहीं बताता है। मैंने आपसे सिंपल एक प्रश्न पूछा, मेरी बात को सुन लीजिए फिर अपनी बात रखें। मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा आपसे कि आप सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि आपका स्केल क्या है, कैसे आप माप लेते हो कि कोई बात सही है और कोई बात गलत है। आपने दो चीज बताई, पहला तो एक बार आपने बता दिया कि शब्द का, फिर मैंने क्वेश्चन किया कि मेरा शब्द गलत आपका शब्द सही इसका क्या प्रमाण है, फिर आपने कहा रियलाइजेशन का। अब मेरा रियलाइजेशन गलत आपका रियलाइजेशन सही इसका क्या प्रमाण है? स्केल होना चाहिए ना, बिना स्केल के आप कैसे डिफाइन कर लोगे किसका रियलाइजेशन गलत किसका सही? सिम्टम्स होता है रियलाइजेशन, गीता में प्रेजेंट किया गया है। ये सिर्फ गीता पढ़ने वालों में रियलाइजेशन होता है, आप मुझे बताइए क्या सिर्फ गीत नहीं होता है ना, तो फिर आप कैसे आपका रियलाइजेशन सही हो सकता है? गीता में सुनिए मुझे आंसर देने दीजिए, गीता में साइंटिफिक सिम्टम्स है जिससे आप क्या बात कर रहे हैं कि वो मैं साइंस को बाद में डिफाइन करूंगा, मेरे डेफिनेशन ऑफ साइंस है। आप श्लोक नंबर बता दीजिए, योर डेफिनेशन ऑफ साइंस इज लाइक आई कैन नॉट सी, आप गीता का श्लोक संख्या बता दीजिए जिसमें ये लिखा हुआ है, मैं उसको चेक कर लेता हूँ, मेरे पास गीता की किताब है। 12 चैप्टर में सिम्टम्स दिए गए हैं। कौन सा चैप्टर? 12 चैप्टर में, 12 चैप्टर। हाँ, श्लोक संख्या बता दीजिए। 12 चैप्टर और सेकंड चैप्टर, पूरा पूरा मतलब क्या बोलते हैं, पूरा चैप्टर ही 12 चैप्टर में। श्री अब हम बता रहे हैं, हमने भी पढ़ा है, ठीक है? आप सर वो भक्ति योग है, वो भक्ति योग है, भक्ति योग है, ठीक है? पूरा लिया है, किताब खोल लिया है, इसमें पहला श्लोक है, अर्जुन बोले, हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ, अर्जुन बोले जो अन्य प्रेमी भक्त जन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर अपने भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिना
सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेता कौन है? इसमें कहां आपका कौन सा साइंटिफिक रियलाइजेशन आपको मिल गया? इसी तरह से सारे श्लोक लिखे हुए हैं, कुछ कुछ बातें लिखी हुई है, इसमें आपको साइंटिफिक कहां से चीजें मिल गई? हाँ, एक मिनट मैं बताता हूँ। बताएं। ओके ओके, आप श्लोक संख्या बता दीजिए जिसमें कोई साइंटिफिक बात लिखी हो। एक मिनट देखिए श्री, जो 12th चैप्टर है वो प्रोसेस बता रहा है आपको, ठीक है, भक्ति योग प्रोसेस, ठीक है, सिम्टम्स कहीं पे लिखा नहीं है। 12.19 नहीं लिखा है ना इधर मेरे सामने है। 12.19 वन इज इक्वल टू टेंशन एनी। हाँ वो 19 श्लोक बता रहे 12th चैप्टर। अच्छा 19 में खोल लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। आपने 12 चैप्टर बताया, 12 चैप्टर में 19 श्लोक। हाँ बताएं, इसमें लिखा हुआ है 19 पढ़ देता हूँ मैं, सुन लीजिए। जो जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला मनन से और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह संतुष्ट है, सुन लीजिए मेरी बात को, सुन लीजिए, जो निंदा स्तुति को, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। नहीं मैंने सुना, जो क्या बोल रहे हैं आप, मुझे बोलने दीजिए। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। वो बता रहे हैं कि जो भक्ति कर रहा है, स्थिर बुद्धि है, भक्तिमान है, वो उनको प्रिय है। इसमें क्या साइंटिस्ट आपको मिल, साइंटिफिक क्या चीज मिल गई? मतलब भक्ति करे, भक्ति करे तो साइंटिफिक हो जाएगा, ये क्या कैसी बात हो गई जी? सी देखिए श्री जी, ये एक मिनट मुझे बस 5 मिनट दीजिए अनइंटरप्टेड। ठीक है बताएं आप, प्लीज बताएं। साइंस होता क्या है, हाउ डू यू प्रूव दैट H2 प्लस O2 गिव्स H2O? बाय टेस्टिंग। देयर इज अ थ्योरी, देयर इज अ प्रोसेस, यू फॉलो द प्रोसेस एंड यू गेट द सिम्टम्स। सो सिमिलरली भगवद गीता में भी प्रोसेस दिया गया है, उसको फॉलो करने से सिम्टम्स आते हैं और सिम्टम्स भी बताए गए हैं जो वो प्रोसेस को फॉलो करके रियलाइज करते हैं। So why isn't it not science? If you describe this as science, it's science. What your definition of science is, it's scientism. See, आप जो बता रहे हैं 12th चैप्टर भक्ति योग, भक्ति जो है वो एक इमोशन है, ठीक है। अब इसमें बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इट इज एन इमोशन। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, एक यस, और सेकंड चैप्टर में भी नहीं, इट्स नॉट सिंपली एन इमोशन। इमोशन इन द सेंस ऑफ, इमोशन इन द सेंस ऑफ, सिंपलीफाई सच कॉम्प्लेक्स थिंग, इट्स लाइक टेलिंग साइकोलॉजिकल फेनोमेनन, इट्स लाइक टेलिंग दैट। देखिए श्री जी, आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी साउंड क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोले। नहीं मैं वो जोर से बोले, सभी लोगों क्लियर हो। किताब थोड़ा पास रख लीजिए। बताया था दैट भक्ति इज एन, तो किसी ने बताया था दैट भक्ति इज एन इमोशन, सो इट इज एन इमोशन, बट इट इज साइमल्टेनियसली नॉट एन इमोशन, बिकॉज भक्ति इज एन इमोशन इज टेलिंग लाइक साइंस इज द डिस्कवरी ऑफ फैन। ये बहुत ही सिंपलिस्टिक है, दिस इज अ सिंपलिस्टिक एनालिसिस, दिस इज भक्ति इज वेरी ब्रॉड एंड इट्स वेरी डीप, सो यू कैन नॉट, यू कैन नॉट जस्ट, ठीक है, ग्रेडेशन, गुस्सा आता है वो एक इमोशन है, ठीक है, आप किसी से लव करते हैं वो एक इमोशन है, भक्ति क्या बता रहा है? अगर आप भगवत गीता को एक साइकोलॉजिस्ट के हाथ में देंगे तो वो यही कहेगा भक्ति इज ए लव, और वही अब हमारा सुन लीजिए ना, अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट से बात कर रहे हैं तो वो यही कहेगा कि भक्ति जो है इट्स अ मेंटल इमोशन। नो नो नो, अरे भाई आप सुन तो लीजिए हमारा, हम बता रहे हैं इमोशन टुवर्ड्स गॉड, सुन लीजिए, सेम जैसे आप अपने माता पिता से लव करते हैं,
फ्रेंड से लव करते हैं वो ही इमोशन आप नहीं किसी सुप्रीम पावर उसकी ओर डायरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज भक्ति। ठीक है, हेलो जी। देखिए भक्ति का एक और भी मतलब है, भक्ति का जो मुझे मतलब समझ में आता है उसमें ये है कि या तो इस क्लियर आ रही है ना, तो इसमें भक्ति में जो भक्त है वो भगवान को प्रिय हो जा रहा है, वो ये चाह रहा है कि भगवान जो है मैं उनका प्रिय बन जाऊं, भगवान जो कह रहा है उसकी बात मैं मान लूं, ये चीज है। अब सवाल ये है कि आज जो आप बैठ के मेरे साथ यहाँ डिबेट कर रहे हैं, ये सब सिस्टम कौन बनाएगा, ये कंप्यूटर, ये इंटरनेट, ये कौन बनाएगा? अगर हम इसी तरह से बैठ के जैसे कि हम लोग करते रहे तो आज तक कहाँ भारत से कुछ बना, इस्कॉन वालों ने कहाँ कुछ बनाया, कभी लैपटॉप, ये गीता पढ़ के तो कभी किसी ने बनाया नहीं। तो ये भक्ति का इसमें साइंस से क्या लेना देना है? आप जो बता रहे थे कि इसमें साइंसिफिक टर्म है, साइंस क्या है, साइंस से आप कंपेयर कर रहे हैं गीता को। एक गीता है, ये एक ऐसी चीज है, छोटी मोटी चीज है, आप नहीं भी पढ़िएगा, नहीं भी भक्ति कीजिएगा तो भी चल जाएगा, लेकिन साइंस, साइंस के बिना आप चल ही नहीं सकता कुछ, आज के डेट में तो पता ही नहीं चल सकता, खुद आपकी लाइफ नहीं चल सकती। आप इससे कंपेयर कैसे कर रहे थे दोनों का? साइंस, हाँ तो बताएं आप, आगे बताइए। पीपल साइकोलॉजिकल मिजरेबल, हाँ तो जो गीता को नहीं मानते उनकी लाइफ नहीं चल रही है। मेरी तो चल रही है। जो गीता को नहीं मान रहे हैं उनकी लाइफ नहीं चल रही है, जो भक्ति नहीं कर रहे हैं उनकी लाइफ नहीं चल रही है। आप जिस तरह से बात को अपनी रख रहे थे, आप जिस तरह से अपनी बात को रख रहे थे, आप कैसे, क्या स्केल है आपका, आपका स्केल कैसे है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है? आपने देखा है जो एथिस्ट कंट्री है, जो हैप्पीनेस इंडेक्स है दुनिया का, उसमें कौन से देश टॉप पे हैं? एक नंबर पे भूटान आया था, बुद्धिस्ट देश है, दूसरे तीसरे नंबर पे एथिस्ट देश आए थे, और भारत का नंबर जहां कृष्णा भक्ति होती है इनका कितना नंबर था हैप्पीनेस इंडेक्स में, आपको पता है कुछ? हैप्पीनेस इंडेक्स इज नॉट द वे ऑफ हैप्पीनेस इंडेक्स, आपके लिए तो साइंस साइंटिफिक कोई पैरामीटर है ही, आपके लिए तो कुछ भी नहीं है, ग्लोबल कोई मानक भी आप नहीं मान रहे हो, आप साइंस को नहीं मान रहे हो, आप जो बोल रहे हो आप ही बोल रहे हो वही सही है, यही तो साबित कर दो। हैप्पीनेस इंडेक्स ये बहुत ऑब्वियस चीज है, हैप्पीनेस इंडेक्स सैटिस्फैक्शन लेवल नहीं होता है, हाँ नहीं होता है। ये कैसे आपको पता चल गया है, ये आपको कैसे पता चल गया है कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो सेटिस्फेक्शन का इसमें पैरामीटर नहीं होता है? जब जांच की जाती है, जो सर्वे लिया जाता है, उसमें लोग सेटिस्फाई हैं कि नहीं अपने काम से, अपने देश से, अपने सिस्टम से, वो मेंशन होता है कि नहीं, ये आपको कैसे पता है? आपको पता है हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे मेजर किया जाता है? एक बार गूगल कीजिए, पता चल जाएगा। हर फैक्टर को देखा जाता है कि इंसान में कितना सेटिस्फेक्शन है अपने देश को लेकर, अपने काम को लेकर, अपने घर को लेकर, परिवार को लेकर, समाज को लेकर, हर चीज चेक की जाती है, अपने कमाई को लेकर ये भी देखा जाता है, हाँ इकोनॉमिक भी देखा जाता है, हर फैक्टर देखा जाता वही, है वही तो प्रॉब्लम है ना, इकोनॉमिक भी देखा जाता है और भी कई सारे फैक्टर्स है जो एक्चुअली में प्रैक्टिकली दे प्रोड्यूस जस्ट मिजरी। आप ये बताइए, आपने कोई चेक किया है इस तरह का कोई ग्लोबल सर्वे इंडेक्स जिसमें सिर्फ इस्कॉन का ही टॉप पे आया हो सेटिस्फैक्टरी लेवल और बाकी सबका नीचे गया हो, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स पूरे वर्ल्ड में आता है वैसा आपने कोई सर्वे किया है? एक्चुअली सर भगवद्गीता के अकॉर्डिंग ये लोग ऐसा बोलते हैं कि जो संसार एकदम दुखाला है और भक्ति के अलावा और कोई सुख है ही नहीं। इस्कॉन वालों के अकॉर्डिंग जाओगे तो भक्ति के अलावा और कोई सुख है ही नहीं, बाकी जो भी मिलता है वो सारी फालतू की चीजें, भक्ति सब कुछ है उनके अकॉर्डिंग, ये हैप्पीनेस है, भक्ति इज हैप्पीनेस। तो इनसे इस टॉपिक पे डिबेट करोगे तो भक्ति पे ही आएंगे ये लोग। तो ये नाइन्थ जो है, इनने जो 12th चैप्टर बताया उसी का नाइन्थ मुझे श्लोक जो दिख रहा है उसका मैं एक बार हिंदी ट्रांसलेशन आप सबके सामने रख रहा हूँ। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अब इसका क्या मतलब है? इसका तो मतलब यही है ना कि अगर आप खुद से स्थापन करने के लिए नहीं हो, मतलब मेरे लिए जो आपके मन में हलचल है, तो फिर आप निठल्ले बन जाओ, हर चीज मेरे ऊपर छोड़ दो, बिल्कुल राम भरोसे बैठ जाओ या कृष्ण भरोसे बैठ जाओ, फिर क्या मतलब है इसका? ये सब बातें आप पढ़ के और इसकी तुलना कर रहे हैं कि साइंस से, ग्लोबल जो पैरामीटर है उससे तुलना कर रहे हैं। वही तो दिस इज अ बिग डॉग, अ स्मॉल डॉग फॉलोइंग अ बिग डॉग, बट आफ्टर ऑल ही इज डॉग।
ये आप क्या ग्लोबल बोल रहे हो? एक आप सर जो सर भी आप बोल सुनिए, रहे आप हो, हिंदी में बोल सकते हैं, सबको हिंदी कंफर्टेबल है, आप हिंदी में बोल सकते हैं। देखिए आप श्री जी जो भी हैं, मुझे लगता है कि मेरे दर्शक ज्यादातर हिंदी भाषी क्षेत्र है, मैं इंग्लिश में चैनल नहीं चलाता हूँ, तो आप हिंदी में अगर बात रखेंगे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब दर्शकों के हिसाब से भी और सबके लिए भी। जो सबके लिए सुटेबल हो। हाँ 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 बिल्कुल हाँ तो मैं पहले यही डिफाइन कर रहा था, साइंस को डिफाइन ही कर रहा था मैं पहले कि नहीं, देखिए व्हाट इज साइंस को साइंस। आप मत डिफाइन कीजिए, साइंस मेरी बात सुन लीजिए। साइंस आपका मोहताज नहीं है या इस्कॉन का मोहताज नहीं है, तो कोई अकॉर्डिंग टू रिचर्ड डॉकिंस देयर इज नो साइंस को अथॉरिटी टू छोड़ दीजिए, साइंस। आप तर्क के आधार पर सो यू अपनी आर बात रखिए। कॉन्ट्रडिक्टिंग एन एक्सपर्ट। नो नो देखिए यू आर इस्कॉन, कॉन्ट्रडिक्टिंग एन एक्सपर्ट। मेरी बात को आप समझिए, यू आप आर साइंस को कॉन्ट्रडिक्टिंग नहीं एन डिफाइन कर एक्सपर्ट। पाएंगे और साइंस को आप नीचा भी नहीं दिखा पाएंगे और उसके ऊपर आप इसको नहीं ला पाएंगे। हम सभी जानते हैं सर कि जब आप बीमार पड़ते हैं तो आप भी हॉस्पिटल जाते हैं, नहीं सब लोग जानते हैं कि आप मेडिकल हॉस्पिटल में ही जाते हैं, जिस मेडिकल हॉल को आप बता रहे हैं ना कि इसमें नहीं पढ़ाया जाता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अभी इस्कॉन वाले पूछ लीजिए कहाँ जाते हैं बीमार पड़ते हैं, तो इसीलिए आप मेडिकल्स को साइंस को, हाँ हाँ उसको मत कीजिए, आप भगवत गीता पे आइए, भगवत गीता पे आइए, भगवत गीता उसको में आप क्या बता चीज दीजिए। है वो बताइए ना, भगवत हाँ गीता में क्या वो चीज इंपॉर्टेंट है वो बताइए। बताइए, कितना साइंस है हाँ वो बताइए ना, साइंस साइंस को मत वो कीजिए, तो पहले इंपॉर्टेंट है मैं भगवत गीता वो बताइए। डिफाइन करता हूँ साइंस। व्हाट डू आई मीन बाय साइंस। साइंस का मतलब क्या होता है, साइंस का मतलब होता क्या है। इन ए सेंस साइंस इज दैट यू यू डू एन एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड द सिम्टम्स एंड थस द प्रोसेस इज कंफर्म। दिस हमारे साथ एक और एक्सपर्ट इज जुड़े साइंटिफिक हैं, सर। राम भल पंचाल जी। जी आप बातें अपनी रखते रहें, मैं इन्हें जोड़ रहा हूँ। ये हाँ थैंक साइंटिफिक यू प्रोसेस है राइट, कि आप जी, एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप हाँ थियोरी को थैंक पहले यू। रीड कीजिए, आप पहले क्वालिफाइड हो जाइए थियोरी को रीड करने के लिए, और फिर आप थियोरी रीड कीजिए, और फिर आप थियोरी को प्रैक्टिस कीजिए, और फिर एक्सपेरिमेंटेशन से आप सिम्टम्स देखिए राइट। थैंक यू जी जी श्री जी, मैं आप जी क्या राम भा अपने पार्ट में रमन अपना भाई पंचाल जी, आपका स्वागत इंटरव्यू है और आप हम लोगों के एक्सप्लेन साथ जुड़े जी। दिया। थैंक यू। आप बोल सकता हूँ ना। हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। ये पूरी दुनिया एनर्जी से चलती है, ये साइंस बता रही है। अब वो साइंस के पास ये जवाब नहीं है कि एनर्जी कहाँ। मैं यदि ये प्रूफ कर दूं कि एनर्जी कहाँ से आती है, तो उसके लिए मुझे कोई प्रैक्टिकल करने के लिए टाइम मिलना चाहिए, तब मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि आती कहाँ है। मतलब कि सर ये जो पृथ्वी वातावरण है, पंद्रह दिन के कम हो सकता थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा, मुझे भी आवाज नहीं आ रही इनकी। जरूर हाँ है सर, क्लियर आवाज कि इनका भी नहीं आ आप रहा है सर। आती का कभी। जी अच्छा, हम आपका सवाल थोड़ा समझ गए, ठीक है। तो आप एनर्जी पे बात कर रहे हैं, आप माचियो, एक साइंटिस्ट का नाम है माचियो का, जो एक नाम है ठीक है, वो फिजिसिस्ट, तो आप उनका वर्क पढ़िएगा। उन्होंने लिखा है कि एनर्जी जो है इट्स एवरीवेयर, ओके, इट डजंट आप बिगिन प्रूफ इट कीजिए, एट आप प्रूफ क्वांटम कीजिए, फील्ड। आप क्वांटम फील्ड प्रूफ सुने कीजिए, हैं, क्वांटम क्वांटम फील्ड को फील्ड प्रूफ सुने कीजिए, प्रूफ हैं। कीजिए। ठीक है, एनर्जी कहाँ से आती है वो बात ठीक है, लेकिन यदि इस वक्त जो टेम्परेचर चल रहा है और आने वाले 15 दिन टेम्परेचर चल चल सकता है, उसमें चेंजेस कर देते हैं यदि, तो ऐसे तो नहीं हो। उसको ये टेम्परेचर के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसको एनर्जी मिलेगी, तो वो अपने आप टेम्परेचर को बढ़ाएगा या तो टेम्परेचर कम कर देगा। अभी आप जो बता रहे हैं, दैट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड अंडर क्वांटम फिजिक्स। जो भी आप टेम्परेचर बढ़ाना कम करने जो है वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे, हम जो ऑब्जर्व करते हैं उस पे डिपेंड करता है।
ठीक है, गो बैक टू डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, हाँ सर, आप क्लियर हो जाएगा आपका रियलिटी क्या है, ठीक है। आप क्वांटम फील्ड या डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं वो आप प्रूव कर दीजिए। अरे भाई ऑलरेडी प्रूवन है भाई, व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग भगवद्गीता का प्रोसेस, वेट, व्हेन यू ऑब्जर्व द फेनोमेनन, भगवद्गीता का प्रोसेस भी प्रूवन है, व्हेन यू ऑब्जर्व द फेनोमेनन, यही तो बताया। अरे अतः भगवद्गीता में बात कीजिए ना, क्या 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 है भगवद्गीता में बताइए आप, देखिए क्या फायदा मिला आपको। देखिए मैंने कुछ सवाल रखे थे, वन मिनट, मैंने कुछ सवाल रखे थे भगवत गीता को लेकर, और मेरे ख्याल से भगवत गीता के ही पूरे कॉन्सेप्ट में बात हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो नहीं, भगवत गीता में कैसे साइंस है वो तो बहुत बाद की चीज है। आप सिर्फ ये साबित कर दीजिए कि जिस जिसके नाम पर भगवत गीता को ढोया जा रहा है कि कृष्ण नाम का कोई बंदा 5000 साल पहले था, उसी का ये उपदेश है, यही सिर्फ साबित कर दीजिए तो बात आगे बढ़े। अभी तो हम उस बात पर कई सारे वो रख सकते हैं, डिबेट के टॉपिक्स रख सकते हैं, एक एक चैप्टर पे रख सकते हैं। अभी तो सिर्फ इस बात को ही साबित कर दिया जाए कि हाँ कृष्ण की ही ये वाणी है। अभी लोगों में यही कंफ्यूजन है ना, कुछ लोग सोच रहे हैं कि सिंधु घाटी से सभ्यता से पहले भी कोई सिविलाइजेशन थी जिसमें कृष्ण थे, उनकी कोई वाणी होकर लेकर आया है और किताब में लिख दिया है, कुछ लोग ये समझ रहे हैं। तो ये साबित आप कीजिए ना पहले। ट्रेडिशनल अथॉरिटीज, ट्रेडिशनल अथॉरिटीज कहती हैं, कौन कौन ट्रेडिशनल अथॉरिटीज हैं? सारे चार वैष्णव संप्रदाय है वो और कहते हैं। भाषा के बारे में पता है? जानने की जरूरत है डिटेल्स। हेलो हेलो, इंटेलिजेंस इज नोन द एसेंस नॉट द डिटेल्स। नहीं तो ये सारे वैष्णव संप्रदाय और इनके जो संस्थापक हैं ये सब तो 10वीं सदी, 11वीं सदी, 8वीं सदी इधर से अस्तित्व में आए हैं। इनसे पहले तो इनका कोई प्रमाण तक नहीं मिला है, कोई ऐसा पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है। आप जो देखोगे, जो गीता में जो बातें लिखी हुई हैं, ये सारी लिपि भी तो देखिए ना, देवनागरी लिपि में आप लिख कर परोस रहे हैं सबको। और पहले जो पाया जा रहा है जो नागरी लिपि, और नागरी के बाद से देवनागरी आती है, तो नागरी, शारदा, ये सब 9वीं 10वीं सदी में आती है। तो आप लिपि भी तो देखो, किस लिपि में आप परोस रहे हो, वो लिपि पहले पाई भी नहीं जाती थी, तो उसके पहले की लिपि में कुछ लिखा हुआ आपको मिला है गीता का? ये भी तो आपको दिखाना पड़ेगा ना। प्रूव नहीं हुआ कि ये पाई नहीं जाती है, ये पाई हुई मिली नहीं है। नहीं, प्रूफ नहीं हुआ ये कैसे, आपको ये कैसे पता है कि प्रूफ नहीं हुआ है? प्रूफ नहीं हुआ का क्या मतलब है? जब कोई चीज आपके पास है ही नहीं एविडेंस, तो उसका मतलब ना ही होता है। नहीं, नहीं, आपने तो, आप ये बताइए मुझे, आप मुझे ये बताइए कोई कोई एक मिनट, मुझे तो जवाब दो, मुझे तो। अरे आप बिल्कुल भी बढ़ाए ना, आपको पूरा समय दिया जाएगा, आप बताइए। आप पूरा बोलिए, आपको मैं 2 मिनट समय देता हूँ, आप बोलिए, अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। तो मैं पहला पॉइंट हाईलाइट करता हूँ। आपने पहला पॉइंट क्या बोला था कि सिंस कोई एविडेंस नहीं है उसके पहले का, यस इट 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 डजंट एग्जिस्ट। ओके ओके, कंटिन्यू सर। सर मैं अपनी बात रखूं? अरे अरे वो दे रहे थे, ये तो सिर्फ डिविएट हो रहा है। सर एक्चुअली अगर एक समय के लिए मान भी लो कि कृष्ण ऐसा कोई कैरेक्टर था पास्ट में, एक समय के लिए मान भी लो कृष्ण था कोई कैरेक्टर था पास्ट में, लेकिन अब ये कैसे यकीन करोगे भगवत गीता में जो बात लिखी है वो कृष्ण की एग्जैक्ट बात है, कि उस समय का आपको कोई भोजपत्र मिलेगा नहीं कि जिससे आप वेरीफाई करो कि उसमें भी यही बात लिखी है, और आज की जो भगवत गीता मिल रही है उसमें भी यही बात लिखी है। तो ये सत्य है कि उस समय भी वही बात थी, इस समय भी यही बात है। अब किसी पुराने कैरेक्टर के ऊपर मैं भी किताब लिख दूं कि इसने ये बात लिखी थी, तो ये उसके नाम पे कैसे हो जाएगी? नहीं तो यहाँ पे मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि डायनासोर आज से करोड़ों साल पहले थे, लाखों साल करोड़ों साल पहले थे, वो बातें आज की डेट में हम लिखते हैं, तो लिखते हैं तो हमारे पास एक प्रमाण है कि हाँ डायनासोर के अवशेष मिले हैं, कोई चीज मिला है, तो हम उसने नाम लिखते हैं। हमने नामकरण भी डायनासोर का नामकरण भी हम लोगों ने दिया है, डायनासोर ने अपना नाम डायनासोर नहीं बताया, हमने प्रमाण खोजे, हमने नाम दिए हैं। तो आप हमें ये साबित कीजिए कि कृष्ण जो आज से 5000 साल पहले नाम, कृष्ण ने खुद नाम कहीं पाया गया है लिखा हुआ 5000 साल पहले, या आपने ही खुद नाम दे दिया कृष्ण का? गीता और जो महाभारत
है, पहले भारत पाया जाता था, उससे पहले जय पाया जाता था, तो ये जो गीता है ये नाम भी आपने खुद दे दिया है या कृष्ण ने नाम दिया था, ये सब कुछ सबूत तो आप बताओगे ना, या ऐसे ही आप कुछ भी बता दोगे आज से 5000 साल पहले 6000 साल पहले ये था वो था, कोई एक एविडेंस होना चाहिए ना, पब्लिक को भी लगे कि हाँ कुछ एविडेंस है, हमें भी लगे, हमें भी तो सेटिस्फेक्शन मिले कि आप सही बोल रहे हो। वही तो बात है ना, अरे ये तो नॉनसेंस है ना। नहीं ये नॉनसेंस कैसे है, अगर अगर आपसे सबूत की बात हो रही है तो आप इसको नॉनसेंस कह रहे हैं तो आप तो फिर भाग रहे हैं तर्क करने से। चलिए इनसे बात करते हैं, मुझे लगता है कि शायद आपके पास नहीं जवाब है, मैं किसी और को मौका देता हूँ। चलिए आप सबूत दे दीजिए, जो मैंने पूछा है उसी का सबूत दे दीजिए। क्योंकि क्योंकि ट्रेडिशनल अथॉरिटीज कहती हैं। हाँ तो ट्रेडिशनल अथॉरिटीज का नाम भी बता दीजिए ना, कौन ट्रेडिशनल अथॉरिटीज है, किसको सबूत मिला है, कोई कुछ कर देगा। यहाँ आप और यही प्रिंसिपल से, यही प्रिंसिपल से कि कोई कुछ भी कह देगा, यही प्रिंसिपल से कि कोई कुछ भी कह देगा, तो आप ये कैसे प्रूव कर सकते हैं कि साइंटिस्ट जो भी बोल रहे वो सही है। आपने तो देखा, आपने फिर भाग गए, यही तो कहा जाता है ना कि जो मेन मुद्दा था उसको छोड़ के आप भाग गए। अभी सवाल ये चल रहा था कि आपको प्रमाण देना है कि इसका 5000 साल पहले कुछ कनेक्शन है, अभी आपने क्या कर दिया उसको घुमा के कि साइंटिस्ट कोई कह दिया वो कैसे सही है, ये कोई होता है, दोनों में अंतर है। आप अंतर तक नहीं समझ पा रहे हैं, साइंटिस्ट में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं और धार्मिक लोग जो हैं उनकी बातों में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। आपको तो स्टेटमेंट और प्रूफ का अंतर तक नहीं पता चल पा रहा है, आप क्या बोले जा रहे हैं। तो अभी आप बस कंक्लूजन दे रहे हैं और मैं बोल नहीं, कंक्लूजन इसीलिए दिया जा रहा है ना कि आपने अभी क्वेश्चन बदल दिया ना आपने तुरंत, आप उस मुद्दे पर रहे, आपने ट्रेडिशनल अथॉरिटी की बात हो रही है, आप ट्रेडिशनल, हाँ आप ट्रेडिशनल अथॉरिटीज की बात कर रहे हैं ना, उसके बारे में बताइए आप कौन है ट्रेडिशनल अथॉरिटीज। रामन पहले एक मिनट सुन लीजिए, क्वेश्चन में एक प्रिंसिपल है कि जस्ट लाइक यू बिलीव इन साइंटिस्ट, यू बिलीव इन साइंटिस्ट। नहीं इसकी बात मत कीजिए प्लीज, इस चीज को हटा दीजिए, जो बातें चल रही हैं उसी की बात कीजिए, आप बार बार साइंस बीच में घुसेड़े रहे हैं, जब उसकी बात होगी तब हम कर लेंगे ना। आप ट्रेडिशनल, हाँ नहीं ये देखिए यहाँ पे गीता से रिलेटेड बात हो रही है, साइंटिस्ट साइंस, साइंटिस्ट साइंस, साइंस की डिफिनेशन आप बता रहे हैं भाई, साइंस की डिफिनेशन पूरे क्लास में, स्कूल में, पूरी दुनिया में पढ़ाई जा रही है, आप यहाँ बैठ के हमें नहीं बता सकते ना, मुझे पढ़ना होगा साइंस का डिफिनेशन, जानना होगा अभी गूगल करूंगा जान जाऊंगा, यहाँ पे हम गीता की बात करने के लिए बैठे हैं ना, साइंस का डिफिनेशन आपसे जानने के लिए नहीं बैठे हैं, आप गीता का दीजिए, आप गीता के एक्सपर्ट है ना, इस्कॉन के एक्सपर्ट है ना, तो आप उसके बारे में बताइए ना। मैं आपको क्वेश्चन पूछ के एक प्रिंसिपल जान, आप ट्रेडिशनल अथॉरिटीज की बात कर रहे थे, वही बता दीजिए ना कि किसने आपको गीता दिया, आप उनके उनने जो अनुवाद किया है उसको आप नहीं मानते हैं और उनके श्लोक को आपने मान लिया, ये बिल्कुल सही है, गीता का ही है और कृष्ण का ही उपदेश, यही आप क्लियरिफाई कर दीजिए ना, कैसे आप मान लिया, आप किसी दूसरे के अनुवाद को तो मानते नहीं है। द सेम प्रिंसिपल व्हाई यू बिलीव इन, ओके ओके ओके, तो मैं वही आंसर दे रहा हूं, आप प्लीज बोलने दीजिए। द सेम प्रिंसिपल, वही प्रिंसिपल जो आप बोलते हैं जिससे साइंटिस्ट ट्रू प्रूव होते हैं, वही प्रिंसिपल मैं यूज करके बता रहा हूँ कि जो ट्रेडिशनल अथॉरिटीज है वो सही प्रूव होती है। नहीं नहीं एक्चुअली साइंस जो बात करें, प्रेजेंट की बात करें, आप हिस्ट्री की बात करो कि कृष्ण अगर हिस्ट्री में थे तो ये उन्हीं की बातें है भगवत गीता में, आप इसे बताइए ना, ये कैसे प्रूव होती है। आपको कोई भी कह देगा मैं ही कह दूं, मैं ये किताब लिख दूं आज, नहीं मैं भी आज एक किताब लिख दूं और कह दूं कि ये कृष्ण की लिखी बात है, आप तो सच कैसे मानोगे। क्योंकि आपकी किताब में जो प्रोसेस है वो वर्क ही नहीं है। कौन है रंग का कौन शादी कहां है। हेलो, इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक आ रही है, प्लीज म्यूट कर रहा हूं मैं बाकी लोगों को। हाँ तो श्री जी आपके पास थोड़ा सा 5 मिनट समय है, और भी लोग लाइन पे हैं उनको भी लेना है, नहीं तो वो कहेंगे कि उन्हें मौका नहीं दिया गया। तो मुझे वापस से मौका मिलेगा आपको, आप नहीं बात रख पा रहे, क्वेश्चन को इधर उधर ले जा रहे हैं, आप पूछना कर रहे हैं। मैं आपको पूरा समय दे रहा हूँ, अब फिर से समय दे रहा हूँ, ये आखिरी समय है, आप बता दीजिए मुझे कि आप जो अथॉरिटी की बात कर रहे हैं कि जिनसे आपने गीता को लिया है इस्कॉन वालों ने, आपने कैसे सही मान लिया कि वो श्लोक सही है और उनके अनुवाद गलत है और श्लोक ही सही है, जबकि बाकी एक्सपर्ट तो उनके श्लोक में भी गलतियां बताते हैं।
दूसरी बात कि 5000 साल पहले वो कृष्णा का ही उपदेश है, कैसे है यही आप दो पॉइंट मुझे बता दीजिए, और आप ही बोलिए, मैं कोई इंटरप्ट नहीं करेगा आपको। तो अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं खुद नहीं, आप क्यों पूछेंगे, आप जवाब दीजिए ना, आप क्यों क्वेश्चन पूछेंगे, जब आपसे क्वेश्चन हमें लेना होगा तब मैं क्वेश्चन सेशन में आपको बुला लूंगा अलग से। ओके ओके ओके, अभी आप जवाब दीजिए ना। ट्रेडिशनल अथॉरिटीज में इसलिए बिलीव किया जाता है, तो साइंस में इसलिए बिलीव, साइंटिस्ट में इसलिए, हमने तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखे नहीं है बट फिर भी हम लोग साइंटिस्ट में बिलीव करते हैं, क्योंकि अगर हम ट्रेंड हो, अगर हम साइंस में ट्रेन हो और फिर अगर हम थियोरी पढ़े, थियोरी को समझे और फिर वो थियोरी को प्रैक्टिस करे और उसके बाद हमको रिजल्ट मिलेगा, तो सिमिलरली ट्रेडिशनल अथॉरिटीज की थियोरीज है, उन थियोरीज को हम पढ़ेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करेंगे और फिर उसके रिजल्ट आएंगे, जो जो भगवद गीता जो जो जिनका बेसिस भगवद गीता, तो भगवद गीता में पहले एक मिनट कंटेंट्स ऑफ गीता प्रभुपाद जी सेकंड चैप्टर को कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज टाइटल देते हैं, तो एक मिनट मैं आपको वर्स दिखाता हूँ, प्लीज कोई इंटरप्ट नहीं कीजिएगा। हाँ, तो 2.54 के पहले भगवान श्री कृष्ण थियरीज देते हैं कि क्या थियरी है, अध्याय 2 अध्याय 254 तो मैं बोलूं, आप खोलें, मैं पढ़ देता हूं, आप मैं पढ़ देता हूं क्लियरली, मेरे पास बुक है, आप उसके बाद बोल दीजिएगा। हिंदी अनुवाद, अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है, वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? तो इससे बताएं, इसके पहले 2.54 से पहले भगवान श्री कृष्ण ने सब सारी थियरीज डिस्क्राइब किया कि थियरी क्या है, उसके बाद अर्जुन पूछते हैं कि अगर ये थियरी को अप्लाई करेंगे तो इसका एक्सपेरिमेंट क्या आएगा। मैं एक साइंटिफिक लैंग्वेज में इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि ये कंफर्म हो कि ये एक साइंटिफिक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। तो या हाँ, तो वापस आते हैं इस पे, तो इसमें सिम्टम्स, तो अर्जुन इसमें क्या पूछ रहे हैं, सिम्टम्स पूछ रहे हैं कि जो ये थियरी है उसको अगर कोई फॉलो करेगा तो उसके सिम्टम्स क्या होगा। मतलब अगर मैं पूछूं कि प्रूव दैट H2+O2 गिव्स वाटर, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते, नहीं पहले तो अगर मैं आपको पूछूं दैट H2+O2 गिव्स वाटर, और तो आप क्या बोलोगे कि एक्सपेरिमेंट करो, अगर आप H2 लाओगे और फिर O2 लाओगे, उनको बर्न करोगे तो उससे आपको रिजल्ट मिलेंगे और वो सिम्टम से कन्फर्म होगा कि H2+O2 गिव्स वाटर। तो सिमिलरली When you, और आपको इनिशियल फेथ करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए, इनिशियल फेथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो जो एक 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 कोई तो कोल बोल रहा था कि मटेरियलिस्ट से डिबेट करना या ये सब करना अपराध है, ये गलत है। प्रभुपाद ने एक बार क्लियरली बोला था कि अ प्योर डिवोटी, हुज अ प्योर डिवोटी, यू कैन लॉजिकली, फिलोसॉफिकली, थियोलॉजिकली प्रूव कृष्णा। सो या, सो दैट वाज बोगस, ये एक साइड था। तो वापस पॉइंट पे आते हैं। तो इधर कृष्णा सिम्टम्स बता रहे हैं और उसके बाद सिम्टम्स, तो हाँ, तो उसके बाद वाले वर्सेस में सिम्टम्स बताए गए हैं और उस सिम्टम्स को कंफर्म करके वो सिम्टम्स जिसमें दिखते हैं उनको रियलाइज सोल्स बोलते हैं। तो सिमिलरली जो आचार्य है वो लोग ने खुद ने वो प्रोसेस फॉलो किया और उनमें खुद ने वो सिम्टम्स दिखते हैं और वो सिम्टम से हम एक इनिशियल फेथ बेस्ड ऑन सम रीजन, बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस,
वी कंफर्म कि भाई ये आचार्य ट्रू होगा होगा ट्रू होगा, और उसके बाद हम लोग प्रोसेस फॉलो करते हैं और फिर उस प्रोसेस से रिजल्ट आते हैं। और आप बोले आप बोलोगे तो साइंस में भी ये है कि प्रोसेस फॉलो करो और रिजल्ट आओ, बट H2 प्लस O2 के आने से H2 मिलता है, वो मुझे मैटर नहीं करता। इसमें जो मुझे मैटर करता ही है, इसमें आनंद एंड आनंद इज अ टेक्निकल वर्ड विच कैन बी ट्रांसलेटेड एज ब्लिस। तो ये मुझे आनंद कन्फर्म करता है विच मोस्ट मैटर्स टू मी। आपकी बात को मैं समझ गया, प्लीज शांत रहें। तो ये जो आपने बात कही, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपने क्लेम किया, और आपने ये साइंस की बात और H2O करके इस तरह से दिखाने का प्रयास किया कि कुछ साइंस वाइंस की बात चल रही है। यही एक्चुअली भ्रामकता आप लोग फैलाते हैं। इसरो की जो साइंट, प्लीज लिसन, उसके बाद से आपको मौका दिया जाएगा, आपको इंटरप्ट नहीं किया गया था। अभी इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च की तो उसके पीछे पूरा प्रोसेस हुआ, सारे साइंटिस्टों ने कई साल तक मेहनत करके चंद्रयान 2 बनाया, और फिर आके एक पंडित बैठ के हवन यज्ञ करा दिया और सारा चीज आ गया। क्या कि पंडित ने हवन यज्ञ कराया, बिना उसके कुछ हो ही नहीं सकता। यही चीज आपने यहाँ पे किया। बात यहाँ पे चल रही थी गीता की, आपने बेफर्जी का साइंस के H2O ये सिम्टम बता रहे, वो कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ ये बात चल रही थी कि कृष्ण जो अर्जुन है वो युद्ध में जाता है, अपने गुरुजनों से लड़ने से विमुख हो जाता है, तो कृष्ण उसको उत्साहित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तुम्हें लड़ाई करनी है। इसमें आप क्या सिम्टम बता रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, साइंस की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं। आपको सिंपली ये बताना था कि कृष्ण क्या बता रहे हैं, अर्जुन क्या कह रहा है, यही चीजें बातें चल रही थी। तो आपने इसको झूठ मूठ का इतना सारा घुमा दिया और इससे कंक्लूजन कुछ भी नहीं निकला, कोई भी इसमें साइंटिफिक चीज नहीं निकला। क्या निकला इसमें साइंटिफिक चीज? नॉर्मल इंसान भी आपको बोल देगा ये बात, आप पूछोगे किसी से तो। एक मिनट, अब मैं मुझे रिप्लाई करने दो, नहीं तो एक दो चार पांच पॉइंट बताइए। हाँ तो बताएं, मैंने बोल दिया था कि ये साइंस मतलब, अब आप समझे नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं, आप बार बार साइंस घुसेड़ दे रहे हैं ना, साइंस मॉडर्न साइंस क्यों घुसेड़ रहे हैं आप? आपका इस्कॉन का जन्म 1966 में हुआ है, आपने साइंस देखा है। जिस चीज का आप क्लेम कर रहे हैं उस समय साइंस नहीं था। मैंने मॉडर्न साइंस क्लेम कर रहे हैं जिस समय की इस बुक का। हाँ तो आप वही ना H2O की बात करें, क्यों आप ये सब शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को भ्रम फैलाने के लिए कि इसमें कुछ साइंस की बात चल रही है? जब क्लासरूम में IIT के क्लासरूम में जब प्रोफेसर लेक्चर देता है तो मुश्किल से 30% बच्चे समझ पाते हैं, 70% वहां भी उनके माइंड के ऊपर से निकल जाता है। तो वही आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, H2O के भक्तगण सुने रहेंगे और वो समझ जाएंगे कि कुछ साइंस की बात चल रही है, कुछ साइंस है। नहीं, आप यहाँ पे क्लियर अपनी बात रखिए, वो वैसा छद्म सहारा, स्यूडो साइंस का सहारा मत लीजिए, क्लियरली अपनी बात को रखिए। तो मैं वापस आप क्लियरली अपनी बात को रखिए। तो मैं क्लियरली रखता हूँ। How do you confirm that H2 plus O2 is water? Yeah, H2. You have हाँ, यही मैं बोल रहा हूँ आपको। फिर आप वहीं पे पहुँच गए। अब प्लीज, अब मैं आपको हटा रहा हूँ। आप वही कर रहे हैं, आप जो है अपने मुद्दे को रख नहीं रहे हैं, बार बार पहुंच जा रहे हैं वही साइंस पे, साइंस पे। सर, टॉपिक तो ये है कि कृष्ण की बात है, कृष्ण की वाणी, ये आप सिर्फ करिए, या फिर गीता में क्या इंपॉर्टेंट है, लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो बताइए ना। आप उसको इससे कंपेयर क्यों कर रहे हो, मतलब किस काम का है? टॉपिक ये है कि कृष्ण की वाणी है, ये आप सिद्ध कीजिए ना। वही तो मैंने बताया, मुझे नहीं बताया ना आपने, आपने कहाँ बताया? मेरे जो सवाल थे कि कृष्ण 5000 साल पहले से जो आप इसको जोड़ रहे हो वो कैसे है, उसका आपने उत्तर ही नहीं दिया। आपने सवाल पूछा कि ये साइंस कैसा है, तो मैंने बताया कि ये साइंस कैसा है, बट आपने आप मुझे, मैंने ये नहीं पूछा। मैंने अभी लास्ट में जो दो प्रश्न रखे हैं उसमें ये प्रश्न था ही नहीं साइंस। मैं तो कह रहा हूँ साइंस की बात कीजिए। मैंने ये कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ यही कहा कि आप साइंस का सहारा जो बार बार स्यूडो साइंस घुसेड़ रहे हैं वो मत कीजिए, आप उत्तर दीजिए। तो आप वो नहीं कर रहे हैं, क्या आप उत्तर दे रहे हैं या मैं किसी और को मौका दूं? क्या आप उत्तर दे रहे हैं या मैं किसी और? हाँ तो आप मुझे बताइए कि कैसे कृष्ण की वाणी है, साबित कीजिए। वो आपका क्वेश्चन नहीं था, आपका क्वेश्चन था कि भगवद गीता साइंस कैसे। अब मेरा क्वेश्चन वही था, मैं अभी भी पूछ रहा हूँ, भगवद गीता कृष्ण से कैसे रिलेटेड है जो 5000 साल पहले थे?
इसको आप मुझे इस पॉइंट को क्लियर कर दीजिए। तो मुझे वापस से रिपीट करना पड़ेगा, उसने 2 मिनट का टाइम दे रहेगा मतलब बोलने में। आपको फिर से 2 मिनट दे रहा हूँ, आप बस साबित कर दीजिए कि कैसे ये कृष्ण से कृष्ण का उपदेश है आज की भगवत गीता। जस्ट लाइक यू प्रूव दैट H2 + O2 गिव्स वाटर, हाउ डू यू प्रूव दैट? यू हैव अ थ्योरी, तो आप H2 + O2 इसको देता है, आप ये कैसे प्रूव करते हैं? कि आपके पास एक थियोरी होती है, आपको पहले ट्रेन होना पड़ता है कि भाई H2O2 है क्या, वो ट्रेनिंग करके आप समझते हैं कि H2 + O2 की थियरी समझते हैं कि ओके H2 में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फिर वो केमिकल बॉन्ड बना के फिर H2O बनाते हैं। वो थियरी आपको समझनी पड़ेगी, और फिर जब आप थियरी को अंडरस्टैंड कर जाओ उसके बाद आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। हेलो, मुझे बोलने दीजिए। दिस इज हाउ यू कैन कंफर्म दैट H2 + O2 गिव्स वाटर, दिस इज अ साइंटिफिक प्रोसेस। सिमिलरली यू प्रूव भगवद गीता में पहले थियरीज दी गई है, पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि भगवद गीता के का मतलब क्या है। पहली बात आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। श्री जी क्या आप रट कर आए हैं? श्री जी क्या आप रट कर आए हैं? आप एक ही बात दोहराए जा रहे हैं, सवाल कुछ भी हो चीज वही बोले जा रहे हैं। हेलो सर, इनका जवाब हम हाँ, राजेश जी बताएं। हेलो श्री जी, राजेश जी आप बता दीजिए। आपके ऊपर कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा होगी। आप जो H2O H2O मतलब जो बता रहे हैं ना, H2O जो बता रहे हैं ना, हाइड्रोजन का एक अणु और ऑक्सीजन का 1-2 अणु जब आपस में जब मिला दिया जाता है ना, वो पानी बनता है। आप इसको जाके एक बार चेक कर लीजिए। अब इसमें भगवत गीता उसमें मत घुसिएगा। वही तो मैं एक एग्जांपल ले रहा था जिससे मैं एक पॉइंट प्रूव कर रहा था। नहीं, आप साइंस का एग्जांपल मत लीजिए भाई साहब। आप साइंस का एग्जांपल मत, आप अपने गीता का ही एग्जांपल दीजिए। ये तो ब्लाइंड फेथ हो गया, हमको भी बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ तो ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब आप में इनकैपेबिलिटी है नहीं समझने की। अरे लेकिन पॉइंट तो ये है ना कि कृष्ण की वाणी है, उसको आप सिद्ध क्यों नहीं कर रहे? कृष्ण की वाणी ये सिद्ध कीजिए, बस ये पॉइंट है। नहीं नहीं, मैं ट्रेडिशनल अथॉरिटीज की अथॉरिटी को प्रूव कर रहा हूं। आप ट्रेडिशनल और साइंस के सहारा मत लीजिए ना भाई साहब, आप भगवत गीता का ही या प्रभुपाद का ही मतलब वो कॉम्बिनेशन करके बनाइए, तब तो हम लोग समझे उसको। वही तो मैं बता रहा हूँ, मैं फिर से यही डिबेट करने के लायक नहीं है मेरा ऐसा मत कहिए सर, प्लीज आप लोग हंसिए मत यार। या तो आप बोल दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हटा रहा हूँ, मैं इनको हटा रहा हूँ। आप मान लीजिए कि आप हार गए हैं, ये कोई अग्री डेट कोई भी जवाब नहीं है। अगर समय बचता है तो फिर मौका दूंगा, फिलहाल मैं इनको बोल के हटा रहा हूँ क्योंकि समय इससे जी मैं आपको हटा रहा हूँ श्री जी, अगर मौका मिला तो फिर दोबारा जोड़ लूंगा। आप कोई भी जवाब सही नहीं दे रहे तो हेलो आगे हमारे पास एक हैं जी, एक और सज्जन हैं वृंदावन सिंह जी। जी वृंदावन जी आपका स्वागत है। जी सर, मैं बहुत देर से उनकी बकलोली सुन रहा हूँ। साइंस उसे रियल में उनको समझ नहीं है वास्तव में भक्ति क्या है। आप भी सब जानकार हैं, मैं क्या बोल सकता हूँ, लेकिन भक्ति का अर्थ ये है कि अपने गुरु की बातों पे चलना, खुद सोचना नहीं है, ठीक है, वो जो बोले वो करना है, ठीक है। जैसे परशुराम का पिता ने बोल दिया कि जाओ माँ की हत्या कर दो, उसने कर दिया, ये है भक्ति। आजकल जो सांप्रदायिक दंगा चल रहा है वो भी भक्ति ही है कि जाके खत्म कर दो उनको। और मैं विषयांतर जा रहा हूँ, सॉरी, ठीक है। हेलो, ये है भक्ति। अभी उनको मैं अब विषय पे आ जाता हूँ कि वो कहते हैं कि गीता 5000 साल पहले की है, ठीक है, आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? हाँ सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। हाँ, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि भैया जी, 5000 साल पहले भारत में
पहली बात तो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, वहां पे कोई भी ऐसी लिपि संस्कृत की मिली नहीं है ना, जो संस्कृत में लिखी गई है आज तक वो पढ़ी नहीं गई। लिंक मैंने शेयर कर दिया है पारितोष राठौर जी, जी बताएं बताएं। और आज तक जो हमने इतिहास पढ़ा वो मौर्य काल या थोड़ा मैं कहता हूँ 3000 साल के आसपास से है ना जानकारी में आता है। उस टाइम पे जो है तो प्राकृत भाषा है, पाली भाषा है और बौद्ध लिपि है, जिसे ये ब्राह्मण लोग उसको क्या ब्रह्म लिपि बोल दिए, ठीक है। उसमें आज तक कोई संस्कृत नहीं है, उसके शब्द अलग हैं, है ना। और रही बात संस्कृत की, तो अगर इतिहास फैक्ट अगर आप तो पहला शिलालेख समुद्रगुप्त लिखवाता है 150 एडी में, ठीक है। उससे पहले इनका कोई किताब आज तक आप भी मानते हैं कागज का अधिकार 12वीं सदी में चाइना में हुआ, इसके पहले इन्होंने गीता को कहाँ लिख के रखा था। अगर ये सवाल पूछे तो ये बोलते हैं कि हमारे पुस्तों ने पुरखों ने उस रट रट के दिमाग में पुस्तों वाई पुस्तों, बाबा ने बाप को बोला, बाप ने नाती को बोला, नाती ने अपने बच्चे को बोला, ऐसे 10,000 साल से रटते रटते हमें याद हो गया, आज हम लिख दिए हैं, है ना। ये इनकी कहानी है। मैं क्या बोलूं, इनके पास बकवास की बात नहीं है और लूटने का धंधा है, दुनिया जानती है पत्थर के समाने पैसा जो चढ़ता है उसे कौन लूट रहा है, उसका उपयोग कहाँ हो रहा है ना। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, उनसे थोड़ा बात करते तो मजा आता, क्योंकि हम लोग फेसबुक पे ऐसे भक्तों को दबा के पेलते हैं, है ना। और एक मैं नाम बता रहा हूँ, पटना के एक अच्छे प्रोफेसर है, भाषा वैज्ञानिक हैं, राजेंद्र प्रसाद आप जानते होंगे शायद, अगर फेसबुक पे आप चलाते हैं तो नामी है, सब भाषाओं का उनका जानकार है ना। उनकी 20 किताबें वो लिख चुके हैं इतिहास साहित्य और भाषाओं पे, क्या है उन्होंने इन सब चीजों को सिद्ध किया है जितना ये पोंगा पंथ चला हुआ है। इतिहासकारों ने सातवां राजा को कृष्ण माना। अब बैकग्राउंड नॉइज आ रही है किसी के पीछे, प्लीज साइलेंट कर लीजिए जी, किसी के पीछे बैकग्राउंड साउंड आ रही है। मैं और निहाल जी आपको डेस्क से हटा रहा हूँ, फिर जोड़ लूंगा आपको। हाँ बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे जी। बुद्ध के बारे में पूछ रहा था इतिहास। हाँ, एक और सवाल आया है यहाँ पे, बुद्ध का बुद्ध कोई ऐतिहासिक साक्ष्य तो दो। मेरा ये फेसबुक, एक बात बता रहा हूँ ठीक है, मैं फेसबुक चलाता हूँ, वहाँ दुनिया भर का ये जो है तो उनको भेज दीजिए जो है तो गांव है बुद्ध का, जहाँ पर उनका जो है तो बुद्ध का ऐतिहासिक प्रूफ उनको वहां भेज दीजिए ना साहब, पटना संग्रहालय में उनका दांत रखा हुआ है सोने में मढ़ा, दुनिया जानती है, डीएनए टेस्टिंग हुआ है, कान खींच के लाइए उनको। दूसरी बात ह्यूनसांग फहियान इत्सिंग और अग्जुनजांग, इतने सारे चाइनीज राइटर्स स्कॉलर आए थे, मेरा सब कुछ पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है ह्यूनसांग का मैंने पढ़ा है, मैंने पूरा किताब ही लिख दिया है अपने पेज पे, है ना, पूरा लेख बना। बोल देता हूँ, क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया का स्टेटमेंट है कि इंडिया का दो ही फिलोसफी था, एक हाँ बोलिए, हेलो, इजिप्ट में और कई जगह उनकी फिलोसफी स्प्रेड हुई थी, हाँ, क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया, इनको बोल दीजिए ये भी पढ़ लेंगे, उनका ही स्टेटमेंट है इतिहास का। और यही नहीं, ग्रीस में भी इजिप्ट में भी जो लेखक लिखे हैं
कहते कि भारत जब भी जाते तो हमेशा बुद्ध की फिलोसफियों को देखते थे, पढ़ के आते थे। तो ऐसे बहुत सारे फिलोसोफर हुए। एक ग्रीक फिलोसोफर, हाँ एक ग्रीक फिलोसोफर का नाम बता देता हूँ, पायरो, पायरो करके, ठीक है, वो अलेक्जेंडर के साथ आए थे, तो उन्होंने बुद्धिस्ट फिलोसफी को अडॉप्ट किया था। करेक्ट। और एक अलेक्जेंडर के जो है तो वो सेल्यूकस का वो आया था, उसका नाम था लिखा था इंडिका। मैंने अभी अभी मैंने 4 दिन पहले उसकी इंडिका पढ़ के खत्म की है, उसने भी लिखा हुआ है। इनका पोगा पंथ के बारे में भी लिखा हुआ है सर, अगर आपने पूरी बुक पढ़ा होगा तो उसमें लिखा हुआ है कि 400 साल पहले हिंदू कुश पर्वत के पास कुछ लोग यहूदी लोग आए हुए हैं, ये यज्ञ करते हैं, मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं और सामूहिक संबंध बनाते हैं, मतलब ग्रुप सेक्स। अब ये हाल ये है कल्चर है वो शायद इसका होगा। एक्चुअली क्या है ना, मैंने भी थोड़ा ज्यूइश हिस्ट्री पढ़ा है, ठीक है, और उन्होंने लिखा है, एक बात मैं बोल लेता हूँ, 7 श्रेणी का समाज उन्होंने लिखा है कि 7 श्रेणी का समाज है। सबसे ऊपर है दार्शनिक, दार्शनिक को राजा 3 बार मौका देता है बात रखने के लिए। जब नया साल आता है तो नए साल में कैसा चलना है, क्या है आगे आने वाले, कुल मिला के दूरदर्शी है ना कि हमें क्या करना चाहिए। अगर कोई राजा दार्शनिक 3 बार अपनी बातों को फेल हो जाता है तो आजीवन उसे मौन करने का दंड मिलता है ना। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं किसान, फिर तीसरे आते हैं शिल्पकारी, मतलब जो काम कर समझ सकते हैं, जो हर चीज बनाते हैं शिल्पकार लोग। ऐसे ऐसे 7 श्रेणी के लोग निवास करते हैं, वहां पे जातियां नहीं है, सब कर्म के आधार पे है। Actually, है ना? आप जो बता रहे जी जी हाँ, जी यहाँ तो... पे मैं थोड़ी सी बात रखना चाहूंगा। ये जो क्वेश्चन है, बुद्ध का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य तो दो, ओम भारत वंश का। एक्चुअली में क्या है, इन लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि ये लोग हर जगह, जब इन्हें ये लगता है ना कि राम के कृष्ण के तो प्रमाण मिलते नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश के तो मिलते नहीं है, दुर्गा काली कुछ मिलता नहीं है, तो जब नहीं मिलते हैं तो ये ना बिल्कुल वो हो जाते हैं, मतलब अंदर से इनके अंदर ऐसा लगता है कि अब किसी दूसरे का भी मैं वैसा कह दूं, वही क्वेश्चन कर दूं तो शायद कुछ मेरी इज्जत बच जाए, ऐसा कुछ सोचते हैं। तो इसी कारण से ये लोग बार बार इस तरह के प्रश्न उठाते हैं। लेकिन मैं इनको जवाब यहाँ पे थोड़ा सा दे देता हूँ। आप ओम भारतवर्ष जी, मैं आपको बता दूं कि 1898 में जो पेपे थे उन्होंने खुदाई करवाई थी, इनका जो जन्म स्थान है उस समय पता नहीं था। उस समय इन लोगों ने बुद्ध को तो घोषित कर दिया था 12वीं-13वीं सदी में कि वैष्णो के विष्णु के अवतार हैं, हाँ, वैष्णो संप्रदाय है, लेकिन लेकिन इन्हें जन्म स्थान तक नहीं पता है, ये कितनी दुखद बात है। 1889 इन्हें उड़ीसा तक में बता रखा था कि जन्म स्थान होता है, हाँ पिपरहवा स्तूप, हाँ उसी के वहां जी जी बिल्कुल मिला है। उसमें जो है तो अशोक कालीन जो सुकृति, हाँ सुकृति, सुकृति उनका ओरिजिनल नाम, उनका ओरिजिनल नाम गौतम बुद्ध है था, उनकी ओरिजिनल नाम सुकृति था। इतिहासकारों ने ये सिद्ध किया है कि सिद्धार्थ नाम उनके मरने के कई 100 साल बाद लिया गया। और एक मजेदार की बात आपको बताता हूँ कि इन्होंने ये कहा कि गौतम बुद्ध जो है तो सुअर का मांस खाकर मरे हैं, ठीक है, लेकिन लेकिन उन्होंने खाया था ये क्या बोलते हैं रूट्स, हाँ तो वो खाकर मरे। इन्होंने गलत क्या है कि इन्हें ज्ञान नहीं था उस लिपि का, इन्होंने सब कुछ है ना, तो इन्होंने अपने हिसाब से बुद्ध को ढाल के इन्होंने तो पूरा खत्म ही कर डाला था है ना। 12वीं सदी में नालंदा जला के क्या क्या नहीं किया, पुष्यमित्र शुंग से लेकर अगर बात करेंगे तो नरसंहार के अलावा भारत में कुछ हुआ ही नहीं। आप सोच सकते हैं कि जब दुनिया में कहीं भी शिक्षा नहीं थी तब भारत में थी है। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, तक्षशिला, तेलहांडा जैसे विश्वविद्यालय,
विक्रमशिला, 10,000 बच्चे आते थे पढ़ने पूरी दुनिया के, और 2,000 शिक्षक रहते थे। सोचिए एक बच्चे, 5 बच्चों के लिए एक शिक्षक, कितना मतलब जबरदस्त ऐसे भीड़ बढ़ा के कोई नहीं समझाता था। हाँ जी, तो ये जो है खत्म कर डाला, ये जो है, हाँ जी, ये बुद्ध का जो पिपरहवा का जो अभिलेख मिला है उस पर जो लिखावट मिली है, उस लिखावट के बारे में जो गौरी शंकर जो इतिहास के एक्सपर्ट थे, लिपि की भाषा का इनने किताब लिखा है, जो जितने पुराने अभिलेख थे जाकर यही चेक करते थे, लिखते थे, इनने अपने किताब में लिखा है कि उसमें जो अक्षर मिले हैं वो सम्राट अशोक के पूर्व की लिपि होनी चाहिए। और आगे ये लिखते हैं पेज नंबर 36 पे कि पिपरहवा के लेख से प्रकट होता है कि बुद्ध की अस्थि शाक्य जाति के लोगों ने मिलकर उस स्तूप में स्थापित की थी, मतलब अस्थि मिला है जिसको स्थापित की थी। हाँ, इस लेख को बुलर ने अशोक के समय से पहले का माना है। अब वास्तव में बुद्ध के निर्वाण काल अर्थात ईसा पूर्व 487 के कुछ पीछे का जाना चाहिए। तो देखिए अस्थि तक मिला है, उस पर लिखा हुआ मिला है कि सुकिति जी का है, गौतम बुद्ध सुकिति जो भी है, हाँ सब चीज लिखा हुआ मिला हुआ। और इतना ये तो प्रमाण हुआ कि उनका जब निर्वाण काल था उस समय का अभिलेख मिल गया, फिर उसके 100-150 साल के अंदर ही सम्राट अशोक के अभिलेख लाइन से मिलने शुरू हो जाते हैं, जिसमें से लुम्बिनी का अभिलेख, जिस पर कि यहाँ पे जन्म हुआ है। और इसीलिए मैं इस गांव के लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को टेक्स में रिलैक्सेशन देता हूँ, क्योंकि ये शाक्य मुनि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, ये लिखते हैं वो। स्थान है, और उनकी माता का नाम रुम्मन देई था, इन्होंने महामाया जानबूझकर फेक न्यूज फैला दी। वो पाली टेक्स्ट में बाद में लिखा गया है, 100 BC के अराउंड, बहुत बाद में, श्रीलंका में प्रिजर्व करने के लिए। तो जब लिखा जा रहा था तो नाम बदल हो गया, चेंज हो गया, उसको सिद्धार्थ कह दिया, महामाया कह दिया, वैसा वो हो गया पाली का टेक्स्ट में। कसम से वो तो अच्छा था कि यहाँ का दर्शन सुन के जो है तो दुनिया से लोग आए, यहाँ से लिख के गए, नहीं तो ये कसम से ये ब्राह्मणवादी लोग खत्म कर डाले थे। अब आज, एक दूसरा प्रश्न वर्तमान में मैं बताता, हाँ प्रश्न पूछिए, उसे पूछिए आज तो। एक दूसरा प्रश्न आया है कि हाँ, अगर वह वेद नहीं थे तो बुद्ध ने किसका विरोध किया था? मतलब किसी का विरोध, कोई किसी का कोई विरोध करता है तो वो वेद ही होना चाहिए। अब इनको मैं बता दूं कि भैया जी, आपकी जो संस्कृत भाषा है वो जो है तो फारसी और जो है तो प्राकृत के मिलने से पिंजिन भाषा बनी हुई है, है ना? तो जब दो भाषाएं टकराती है, सुनिए हाँ, वो आप जो बता रहे हैं वो फारसी भाषा नहीं, फारसी से पहले ईरान में एक भाषा थी अवेस्टन, ज़ोरास्टर, ठीक है, वही हाँ, उसी को थोड़ा इधर उधर करके शब्दावली को जो ग्रामर चेंज कर दिया गया। अगर आप ऋग्वेद और जैन अवस्था को मिलाएंगे तो बहुत सारी समानताएं मिलती हैं। वही 95% सिमिलर है, 80-95%। आप सोच सकते हैं कि इनका पूरा इतिहास खोज के DNA खोज लिया गया कि तुम यूरेशिया से आए थे, अब क्या क्या इनको चाहिए। सर हमको डर है, हेलो हेलो सर, हमको डर है कहीं क्विट इंडिया मोमेंट ना चल जाए, ये लोग जाएंगे कहाँ? नहीं नहीं, एक बात अच्छा ये कह रहे भगवान बुद्ध, भगवान विष्णु के एक और प्रश्न आया है, इनको बता दीजिए कि भगवान का अर्थ जो है तो जानकार इंसान, ज्ञानी होता है, भगवान का अर्थ जो है तो ईश्वर, ब्रह्मांड का रचयिता, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो पाली में अर्थ है उसका, टाल्कसन होली स्क्रिप्चर, क्या आप लाइन पे हैं? भाषा का शब्द होगा वही ना बताएगा, आप चाहे तो डिबेट कर सकते हैं। यहाँ पे कई लोग हैं, किसी को हटाना पड़ेगा ताकि आप जुड़ सके। ठीक है सर, आप हमें ही हटा दीजिए। नहीं मत हटाइए आप, तो मजे नहीं नहीं, आप लोगों को नहीं, मैं इस बॉक्स में 10 लोग ही आ सकते हैं ना, तो यहाँ पे मैं निहाल जी आपको तब तक हटाता हूँ ताकि ये आ सके। इसमें हटाने के लिए किक फ्रॉम स्टूडियो ये करना पड़ेगा शायद। हाँ, तो टॉक्स ऑन होली स्क्रिप्चर अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो मैंने बॉक्स खाली किया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आप सीधे प्रश्न रख सकते हैं।
तो ये थी एक्चुअली में हमारी टॉपिक तो मेन गीता पे ही था, भगवत जो गीता पे। हाँ, भागवत गीता पे, इनको अस्तित्व गीता पे। को हाँ, भी बता ये आ गए दो। हैं, टाक ऑन होली स्क्रिप्चर्स आ गए हैं, इनको मैं जोड़ अच्छी रहा हूँ। गीता बहुत बाद में लिखी है, बाद में हट जोड़ी गई गई है। है महाभारत में, जी, है ना? हाँ, वो तो महाभारत गीता खुद ही बोलता है। महाभारत है जो ना, है वो खुद ही बोलता है, और सबसे खास बात है कि महाभारत का जो भीष्म पर्व है, ये बड़ा हाँ, उसका इंटरेस्टिंग दसवां बात है। दिवस है। ये भक्त लोग नहीं जानते हैं कि भीष्म पर्व में लिखा है। उससे भी अच्छी बात कि कितने श्लोक होते हैं गीता में। गीता में आज इनको 700 श्लोक परोसा जा रहा है, और महाभारत हाँ का जो भीष्म पर्व है उसका जो 43 जो अध्याय है, उसका जो 4-5 श्लोक है उसको पढ़िए। लिखा है, संस्कृत में ही पढ़ देता हूँ, षट शतानि सर्विसानि श्लोकानां प्राह केशवः अर्जुन सप्तपंचाशत् सप्तषष्टि तु संजयः धृतराष्ट्रः श्लोकमेकं गीताया मानमुच्यते। अर्थात कृष्ण जी के केवल 574 श्लोक आज की डेट में मिल रहे हैं, और हाँ उस समय थे 620 श्लोक, 620 श्लोक। मैंने हाँ ऑफिशियली इसलिए बोला कि किताब खोल के बोलूंगा तो वो ज्यादा ऑथेंटिक हो जाएगा, कोई कह देगा अपने अपने तरफ से बोल दिया। तो सही गीता बात में है। श्री कृष्ण के 620 श्लोक है, महाभारत का जो भीष्म पर्व है वो बता रहा है, हाँ और हाँ अर्जुन के 57, और बात संजय के 67, और धृतराष्ट्र के हाँ 1 श्लोक। अब बात आज की डेट में तो ये टोटल जब श्लोक आप बनाइएगा, मतलब जोड़िएगा, तो ये आपके बनेंगे 745, मतलब हाँ 745, और आज की आइए। डेट में है 700। आज की डेट हाँ में कितने हैं? 700। अब सुन, उसमें भी एक मजेदार बात है, उसमें भी एक मजेदार बात यह है कि कृष्ण के 620 श्लोक में से मात्र 574 हैं, बाकी श्लोक को गायब कर दिया गया है। अब कहाँ गायब कर दिया गया, बाकी ये सवाल है। हाँ हाँ, उसमें 46 श्लोक कृष्ण के गायब कर दिए गए हैं। और सुनिए, अर्जुन के 84 श्लोक मिलते हैं, जबकि जो भीष्म पर्व है उसके अनुसार 57 ही होने चाहिए, 57 होने चाहिए। आज की डेट में कितने मिल रहे हैं? 84। मतलब सात सौ इसमें जो है, हाँ, 27 श्लोक खुद से जोड़ दिए गए हैं। मतलब बिल्कुल महाभारत में, जोड़ा गीता में जा इतनी रहा है। ज्यादा अभी कंट्रोवर्सी है। एक मजेदार बात आपको बता रहा हूं, संजय में इसमें भी, हाँ इतना जी, संजय इसमें संजय इतना में भी हाँ 41 श्लोक मिलते हैं, और 67 होने चाहिए थे, 67 होने चाहिए थे भीष्म पर्व के अनुसार, लेकिन आज की डेट में 41, तो वो भी गायब कर दिया गया है। तो ये है कहानी इनकी। ओ अरे आपको बता दूं कि जो है तो आप भविष्य पुराण पढ़ेंगे तो उसमें अकबर और रानी विक्टोरिया तक का वर्णन है। अब बताइए, अब कहेंगे कि ये 5,000 साल पुरान, कोई बोलता है 2,000 साल पुरान, तो भैया जी रानी विक्टोरिया भारत देश में 5,000 साल पहले नहीं आई थी। तो और फिर इनके ग्रंथों में सर इतनी अश्लीलता है, कसम से जब पढ़ता हूं तो शर्म आती है हद से ज्यादा। राघव बुकारे जी जुड़े हैं हमारे साथ। जी राघव बुकारे जी, ये हमेशा कमेंट करते हैं, और जब भी कमेंट करते हैं तो उसमें से काफी कमेंट इनके बीच में रहते हैं, कुछ भक्ति साइड से भी रहते हैं, लेकिन आप अपनी बात रखिए, बहुत सारे इनको डाउट्स रहते हैं, अक्सर इनके कमेंट आते रहते हैं। तो राघव जी, आप अपनी बात रखें। हाँ, नमस्ते जो भी हैं, ये अजीत सभी लोगों को नमस्कार। हाँ, बोलिए आप। सर। अजीत सर, मेरा तो हमेशा सवाल रहा है कि आप अभी तक, मैं बहुत सारे कमेंट देखता रहता हूँ आपके इसमें, उसमें यह बताएं। सर एक सर मेरा ये एक सवाल रहता है हमेशा कि सर बुद्ध के कोई प्रामाणिक ग्रंथ है नहीं तो हम उनके बारे में जानेंगे कैसे? जानेंगे और भी कोई सवाल है? पहले ये देखिए, पहले ये सवाल क्लियर कर दीजिए। अच्छा अच्छा मैं अच्छा ये सुन सुन लीजिए, वो पाली कैनन है ना, वो है ओल्डेस्ट टेक्स्ट तो है, ठीक है, वहीं से बुद्ध का अभी तक जो पता चलता है वहीं से पता चलता है। आप दूसरा है बोटैनिकल शिलालेख। रेफरेंस हाँ, रहे हैं? अरे रेफरेंस ही दे भैया रहे हैं। जी, रेफरेंस ही दे रहे हैं, जो श्रीलंका में ग्रंथ यहाँ से गए थे तो यहीं वही से बुद्ध के ही गए, यहाँ से चाइना गए, नॉर्थ कोरिया गए, जापान तक गए, पूरा एशिया में गए, कहाँ कहाँ आपको बताएं। लेकिन त्रिपिटक लेना आपके सर, संस्कृत का रेफरेंस ग्रंथ कहीं नहीं जा पाया, भारत देखिए देश से देखिए। बाहर अरे नहीं सर जा जी, पाया। हेलो 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 सर, हेलो हेलो, हाँ, हम सुन रहे हैं।
अरे सर जी, फिर मुझे धर्म से मत जोड़िए, पहली बात तो धर्म से मत जोड़िए। नहीं, हम इतना बता रहे, पहले हम बता देते हैं आपको। सुनिए सर, मैं आपको एक पॉइंट दूं सर, सुनिए तो मेरी तो सुनिए एक बार सर। जो आप जहां से रेफरेंस दे रहे हैं ना, जो त्रिपटक का, त्रिपटक कैनन का, और जहां से, जब ब्रिटानिका में भी लिखा है, ये ओरल ट्रांसमिटेड है, ओरल ट्रांसमिटेड हुए हैं यहां तक। लिखना किसका आपने रेफरेंस दिया? ब्रिटानिका का। जी बिल्कुल, आप देखिए वहां पे लिखा भी है सर, और उसमें भी ब्रिटानिका। ब्रिटानिका कौन है? मतलब जो कलेक्शन देती है, ओवरऑल कलेक्शन, कहीं से इंफॉर्मेशन लेकर, इंसाइक्लोपीडिया जैसा, कहीं ना कहीं से इंसाइक्लोपीडिया जैसी, वही बात बता रहे हैं ना राघव जी? आप सुन पा रहे हैं राघव जी? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? राघव जी की आवाज नहीं आ रही है, तो कोई बात नहीं। इनने जो वही मैं बता रहा था। हाँ बोल लीजिए। हाँ, वो हम भी पाली लैंग्वेज पे रिसर्च कर रहे थे, रिसर्च करते करते पता चला जो लिखावट है ना, लिखना शुरू हुआ 100 बीसी से, ठीक है? वो इसलिए किया गया ताकि नॉलेज जो लॉस्ट ना हो जाए, वहां से शुरू हुआ लिखना, ठीक है? पाली का ओल्डेस्ट, उससे पहले जो था संघ करके होता था कम्युनिटी में, इनका हट गया मुझे लगता है। हाँ, कि संगा संगा करके तो कम्युनिटी के लोग कन्वर्सेशन करते थे। राघव जी आप हमें सुन पा रहे हैं तो जुड़ जाइएगा, आपका यहाँ से हट गया है ऑटोमेटिकली। और इसके अलावा अगर आप पूछ रहे हैं तो रेफरेंस सबको अशोक के कहीं सारे इंस्क्रिप्शन से मिलेगा, अशोक के इंस्क्रिप्शन शिलालेख मिलेंगे। और इनको बता दिया जाए कि पहले जो लिखे जाते थे तो वो लकड़ी के पट्टों पे, जैसे आज दरवाजे बनते हैं उस तरह के लकड़ियों के, उसमें खोद कर ग्रंथ लिखे जाते थे। हाँ, उसमें लिखे जाते थे, कोई कागज नहीं था उस टाइम पे लिखने के लिए। हाँ, तीसरा रेफरेंस होगा मेगास्थनीस का इंडिका, जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में एसोसिएट किया जाता है। बिल्कुल एसोसिएट किया जाता है, तो उसमें बुट्टा नाम का एक शब्द आया है, बुट्टा बुट्टा। हाँ, तो वो एक रेफरेंस आया है। और जो है तो उन्होंने साफ लिखा है कि बुद्ध के अनुयायी हैं, वो गांव से बाहर रहते हैं, और जो है तो उनका बहुत सम्मान है समाज के। हाँ, ये पूरा क्लियर लिखा हुआ है। अभी मैंने 3 दिन पहले ही पढ़ के खत्म किया तो मुझे सब याद है। जी जी बिल्कुल। एक्चुअली मैं बुद्ध को जानने के लिए, जो एक बीच में एक और विचारधारा चली है, नास्तिक विचारधारा, तो नास्तिक विचारधारा में क्या हुआ है, दिक्कत क्या हुआ है कि नास्तिक में हमें भगत सिंह को मानने में दिक्कत नहीं है, लेकिन बुद्ध को मानने में दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि भगत सिंह जो है अभी तुरंत के हैं, और जब बुद्ध की बात आ जाती है तो ये लोग सीधे सीधे उसको धर्म समझने लगते हैं, जो ब्राह्मण धर्म है, मुसलमान धर्म है, ईसाई धर्म, उसको धर्म समझ लेते हैं, इसीलिए बुद्ध से दिक्कत हो जाती है। एक्चुअली मैं, मेरा ये मानना है कि महापुरुष से हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई महापुरुष है और रेशनल रहा है, तो अगर आप खुद रेशनल घोषित कर रहे हैं खुद को, तो उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके पास अगर जानकारी का अभाव है, तो जितनी जानकारी है उतनी ही जानकारी से उन्हें जानिए। शिलालेख हैं, बहुत सारे पुराने शिलालेख हैं, विदेशों में हर जगह बुद्ध ही बुद्ध मिलते हैं। चाइना ले लीजिए, पूरा एशियन देश ले लीजिए, वो मूर्ख नहीं हो सकते सारे देश। जापान जैसा देश मूर्ख नहीं हो सकता। जो चीन जैसे, जो मतलब 19वीं सदी में अमरीका तक के पर्ल हार्बर को उड़ा दिया 1939 में, छोटा सा देश जाकर इतने 500 ग्लाइडर बनाकर, वैसा छोटा सा देश जो है इतने मूर्ख नहीं हो सकते कि किसी वैसी चीजों को एक्सेप्ट कर ले। तो उन लोगों ने भी हाँ एक्सेप्ट किया है। तो हम, मुझे लगता है कि एक महापुरुष को अगर आपको लगता है कि टेक्स्ट बुक से आप उन्हें नहीं जान सकते हैं, लेकिन जब उनके सॉलिड प्रूफ मिल रहे हैं शिलालेखों से और भी जो उत्खनन प्रमाण मिल रहे हैं, तो हमें उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। हम मानना चाहिए। आप कब मानिए, आप बुक को मत मानिए। बता देना चाहता हूँ सर, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जो इस वक्त सबसे ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं वो जो है तो पूरी टीम बिहार सरकार। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक नदी को रोक दिया गया था, वहां पे बुद्ध का स्तूप मिला है नदी में। हाँ, नदी के
उसका नदी को जो है तो नहर बना के साइड कर दिया गया है, दूसरी जगह से घुमा दिया गया है। ये बिहार सरकार ने किया है और उनका पूरा टीम रिसर्च कर रही है इस वक्त बहुत ज्यादा पैमाने पे। उन्होंने रिसर्च करके बताया है कि जो आज के डेट में धर्म शब्द संस्कृत का आया है वो जो है तो पाली टेक्स्ट धम्म से निकला हुआ शब्द है। उन्होंने शिलालेख से साबित किया कि पहले इसे धम्म बोलते थे, धम्म से धर्म बना और धर्म के बाद धर्म बन गया। अब जैसे बमण से ब्राह्मण हो गया, उसी तरह कई ऐसे शब्द संस्कृत में इन्होंने पैदा किए। हाँ, तो जैसे झान, झान शब्द पाली का है और ये ध्यान आ गया आपका संस्कृत का। हाँ, तो वही वो तो समझ में आया। ये आप बोधि धर्म का एक पुस्तक है, जन टीचिंग ऑफ बोधि धर्म, उधर उन्होंने प्रैक्टिस किया था चान, चाइना में जाके, वो भी इंडिया के साउथ इंडिया के। जी राघव जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जो त्रिपिटक कैनन को अभी तक अभी पढ़ा जा सका है कि मतलब जैसे उसको पढ़ लिया फिर उसमें से जो हमको मिला उसमें से मुझे बताइए सर, मुकेश रेफरेंस ना दे तो ज्यादा अच्छा सर, ना दे। त्रिपिटक में भी बहुत सारा मिलावट हो चुका है, मैं आपको क्लियर बता दूं। ये ब्राह्मणवाद ऐसी चीज है। आपको एक अभी की बात बताता हूं, बिल्कुल एग्री करता हूं सर, अभी की बात बताता हूं, अभी की जान। तो हां, तो सच्चे रेफरेंस को अगर त्रिपिटक एक रेफरेंस हो सकता है ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे तो अशोक का इंस्क्रिप्शन हुआ और राइटिंग्स ऑफ फाहियान और हिंसेंग उनका हुआ। तीसरा आप देख सकते हैं मेगास्थिनी सिंडिका में जो उसका एक रेफरेंस मिलता है, ठीक है। इन सब के आधार पे आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बुद्ध को, ठीक है। आप जानते हैं सर, एक बात समझा जा सकता है, नहीं सर, फाहियान की किताब चाहे इफेंग की किताब चाहे मेगास्थिनी की किताब, किसी भी की किताब हो, लोग अब लोग अपने मनमाने तरीके से लिखते हैं अपनी किताबें, ज्यादातर मैंने देखा है। अब कौन सी किताब को प्रमाणित? एक प्रश्न आया है, भीमटा अपना नंबर दे निशांत कुमार। तो भाई यहाँ सब लोग सामने आपके खड़े हैं, सब लोग आपके सामने हैं, आपको अब अलग से नंबर क्या है? आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैं शेयर कर दे रहा हूँ, आ जाइए सामने यहीं पे, आइए आपको हम लोग बताते हैं भीमटा क्या होता है और इस पे भी चर्चा हो जाएगी। नहीं सर, इनको मत बुलाइए, नहीं आएगा तो ये गाली भी बकेगा। हाँ, तो कोई बात नहीं ना, सार्वजनिक इनकी गाली दर्ज होगी ना, यहाँ पे ओपन मंच पे दर्ज होगी, सभी लोग देखेंगे ना इनको कि इनके मन में क्या भरा है। हेलो सर, यही तो सामने लाना है। अरे सर, सुनिए लाना चाहिए। हाँ बताएं राघव जी, आप अपनी बात रखें। मेरा सवाल ये कि मेगास्थनी के कितने लोगों ने कितने कितने अनुवाद करे हैं, इत्सिंग के करे हैं, फायान के करे हैं, अब बताइए कौन सा प्रमाणिक मान लो, उनमें से कौन सा मान, कोई भी एक बता दीजिए, मैं मान लो। बहुत सारे लोग करते हैं अनुवाद सर, एक बंदा अनुवाद नहीं करता, एक बंदे के बारे में, इत्सिंग के बारे में बहुत सारे लोगों ने किया, फायन के बारे में बहुत सारे लोगों ने किया, मेगास्थनीज के बारे में बहुत सारे लोगों ने उनका अनुवाद किया अपने मनमाने, या तो मनमाने तरीके से करा, या मान के चलिए, या तो जो मतलब मान ले जो रेशनल होगा, जो डिट्टो लिखा होगा वो, मतलब ये कोई ऐसा बंदा बता दीजिए जिसने लिखा डिट्टो वैसा के वैसा। हाँ, मैं आपको एक बता दूं, इंस्क्रिप्शन ऑफ पर्सेपोलिस सुना है आप? वहां पे मिला है इंस्क्रिप्शन ऑफ पर्सेपोलिस ईरान में। सर फिर आपने मेरी मुद्दा लगता है, आपने आंसर में क्वेश्चन सुना ही नहीं लगता है मेरा। मैंने आपका सुन लिया है, आपका प्रश्न मैंने राघव जी सुन लिया है। राघव जी आप किसी का मत सुनिए, आप एक काम करिए, लिपि है जो है तो पाली की, उसको आप खुद सीखिए और जाके शिलालेख अशोक के बहुत सारे हैं उनको जाके खुद समझ लीजिए, जो है तो खुद अनुवाद उनको करके आप खुद समझिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो क्या सर आप ये कहना चाहते हैं, मैं अभी तक किसी को, आप लोग जो बोलते हैं कि बुद्ध ने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, या उसने ऐसा कहा, ठीक है कहा होगा, बट क्या माने, मतलब क्या बोलते हैं ना, जब कोई ऑथेंटिक प्रूफ जिसे कहते हैं, ऑथेंटिक बिल्कुल ऑथेंटिक जिसे जो एक मत पे रहे बिल्कुल, हाँ यही सही है, यही तो देखिए ऑथेंटिक ही बोला ना, अनिश्वरवाद जो समझ यथार्थवाद पे उन्होंने बोला है, ओके है ना, अच्छा सर, एक बार साबित हो सकती है चीज उसमें बोला है जी सर। देखिए राघव जी,
मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो अनुवाद होता है ना उसमें बहुत ज्यादा गलतियां अभी तक किसी ने नहीं पाई गई हैं। जैसे आप एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, फाहियान का ही आप ले लीजिए, उसको जगमोहन वर्मा ने किया और उनसे फाहियान फाहियान के जो नोट्स थे उसको लेगी करके थे एक ब्रिटिश स्कॉलर, उनने उसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में और फिर उसका ट्रांसलेशन किया भारत से जो जगमोहन वर्मा थे उनने किया। उनका एक स्टूडेंट था, चाइनीज एक स्टूडेंट था, उसके माध्यम से उनको भी नहीं आती थी ये चीनी नहीं आती थी, तो चाइनीज उसने अपने स्टूडेंट से सीखी, हाँ उसी लड़के से सीखी हाँ। और उसके माध्यम से किया तो उसी हाँ। का चल रहा है, उसी को ही सम्यक प्रकाशन ने भी उसी जगमोहन हाँ। वर्मा का ट्रांसलेशन को प्रकाशित किया और उसी हाँ। जगमोहन वर्मा को जो ब्राह्मणवादी लोग हैं वो लोग भी अपने वर्जन में किए हैं, तो उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ लेगी वाला जो है उसमें और जगमोहन वर्मा में अंतर है। अब देखिए जगमोहन वर्मा जो है वो ब्राह्मणवादी थे, मतलब ब्राह्मणवादी आप ये मत समझिए कि पूर्णतः ब्राह्मणवादी, हो सकता है रेशनल भी थोड़े रहे होंगे, लेकिन वो बुद्धिस्ट नहीं थे, उनका ही अनुवाद बुद्धिस्ट लोग भी फॉलो कर रहे हैं और जो ब्रिटिश स्कॉलर थे उन्हीं का अनुवाद फॉलो किया जाता है। लेकिन उसमें क्या गलती होती है कि जब वेद की बात आती है, मैक्स मूलर की बात आती है, तो वहां ये लोग बिफर जाते हैं कि नहीं हम मैक्स मूलर का नहीं मानेंगे अनुवाद। जैसे तो बुद्धिस्ट ग्रंथ की बात आती है, बुद्धिस्ट ग्रंथ की, तो कहते हैं नहीं मैक्स मूलर का ही मानेंगे, वो ब्रिटिश का ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ गलती की संभावना मिलेगी, क्योंकि उसको उपाली नहीं जानता था वो। देखिए सर, मेरा एक ही मानना है सर, मेरा एक ही बात मानना जी, है जी, हाँ, मैं सही बताऊं, मैं भी नहीं, अगर मैं तो हूँ तो मैं एग्नोस्टिक एक तरह से। हेलो, तो सर मैं यही कहूंगा मैं किसी भी ग्रंथ को प्रमाणिक नहीं मानता, मैं भी नहीं मानता कि बुद्ध ने कोई ज्ञान दिया दुनिया को, मैं नहीं मानता इस बात को ना। आज हमें कृष्ण का कोई प्रमाण नहीं मिला, बात बिल्कुल सच है ना, रामायण का कोई मिला, बिल्कुल सही बात है, मैं उसी तरह बुद्ध का तो मिल जा रहा है, पर ज्ञान क्या है इसको अभी तक ये, क्योंकि सर इसमें बहुत सारे लोग बात करते हैं, क्योंकि मैं बुकिश रेफरेंस को रेफरेंस ही नहीं मानता सर। पहली बात तो ऐसा कि जिसने शिरालेखों को खुद पढ़ा हो और उसने खुद समझा हो, मतलब जैसे कि राजेंद्र प्रसाद जी है, वो राजीव पटेल जी है, जो भी है, जो भी बुद्धिस्ट आदमी हो, उन्होंने क्या खुद पढ़ा फिर उसने उसको अनुवाद किया? नहीं सर, लोगों ने अपने मनमाना तरीके से किताबें लिखी हैं सर, मैं ये मानता हूँ। नहीं नहीं, ये आप नहीं कह सकते हैं, ये आप पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं। मैंने खुद देखा है कि जो वो लोग खुद वो रिसर्च करते हैं, जो भी शिलालेख है ना उसपे, हो सकता है कि कहीं कुछ रेफरेंस ले लेते होंगे, लेकिन उन लोगों को पाली भी आती है और बाकायदे इस पर डिस्कशन होता है, 10-20 लोगों से कन्फर्म कराया जाता है कि इस पर क्या लिखा हुआ है। इस पे आप ये नहीं कह सकते हैं कि सब लोग आंख मूंद के, भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड का कोई भी हिस्टोरियन उन्हें चैलेंज नहीं किया है। हाँ, ये नहीं कह सकते हैं कि मनमाने ढंग से लिखा जाता है। ये कह सकते हैं कि जब आप उसका कंपेयर करेंगे किसी ब्राह्मणवादी इतिहासकार से, तो जो वेरिएशन मिलेगा तब आप कहोगे कि वो तो ये कह रहा है, ये कह रहे हैं। इस वेरिएशन को लेकर अगर आप उन्हें गलत कह रहे हैं तो इस पर सोचने वाली बात है, क्योंकि सर बताओ मैं सर। हेलो सर, हेलो सर, हाँ हाँ बोले बोले जी, बताएं सर, बताएं, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ जब तक मेरा अभी भी, मैं आज भी इस बात पे बिल्कुल अड़िग हूँ, जब तक वामपंथी, दक्षिणपंथी या कोई भी पंथी जब तक एक मत पे नहीं होंगे, जब तक वो ये नहीं कहेंगे कि हाँ हम दोनों की बातें बिल्कुल, जो हमने कही और जो दूसरे ने कही, जो बिल्कुल बोल दे कि एक मत हो जाए, तो शायद मैं मान लूंगा सर। देखिए देखिए, वामपंथी जो वामपंथी हैं, जो वामपंथी हैं, तो मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा, मैं सीधे बता रहा हूँ, वो हर मुद्दे में मजदूर और पूंजीवाद पर ले जाएंगे। आप इतिहास में खोजोगे अशोक को, तो वहां पे भी वो दास प्रथा और वहां पे भी मजदूर और शासक खोज देंगे, तो उनकी कहानी अलग है। फिर दक्षिण पंथ किया जाओ, जब दक्षिण पंथ की आप बात करोगे तो वो जहां भी वो पॉसिबिलिटी होगा राम की, कृष्ण की, या फिर कोई यज्ञ हवन कुंड, तो वैदिक काल वो उसमें घुसवड़ने लगेंगे, तो सबकी कहानी अलग है। सेंटर की आप बात करोगे तो ये क्या करेगा, कुछ इधर से लेगा, कुछ इधर से लेगा, जिधर से दोनों सेटिस्फाई हो जाएं उसको लेके घुसेड़ देगा, भैया तुम सेटिस्फाई रहो। तो ये हम किसी चीज पर लेकर ये नहीं जा सकते, हमें ना एक्चुअली ट्रूथ खोजना होगा। भारत की कंडीशन अलग है ना, यहाँ पे जो उस पोजीशन पे बैठे हैं उनके अंदर एक अंदरूनी वो है, मतलब अंदरूनी एक ललक है कि हमारी ही चीजें आगे बढ़े, ये भी तो आपको देखना होगा। बिल्कुल सहमत हूँ सर, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, बट सर ये हो ना, जैसे कि मैंने एक वामपंथी ने कहा 1+2=3, ठीक है सर, अब दक्षिणपंथी का है कि 1+2=3, जब
दोनों ही मानते हैं जब कि इन दोनों का समझौता 3 है, तो भाई ये होना चाहिए ना सर, दोनों एक मत तो हो। ये धर्म नहीं, हमें उनसे नहीं लेना देना ना, हमें ट्रुथ के, हम तो पॉलिटिक्स को ला ही नहीं रहे हैं। हम पॉलिटिक्स देखिए, हम लोग नो सर, हम लोग पॉलिटिक्स को इसमें ला ही नहीं रहे हैं। पॉलिटिक्स नहीं सर, वामपंथी पता क्यों बोल रहा हूँ, सुनिए सर, सुनिए जी। हेलो, हाँ हाँ हेलो, मैं तो वामपंथी ऐसा मतलब जो नास्तिक जो इतिहासकार होते हैं और आस्तिक इतिहासकार, जो दोनों को, जो दोनों अपनी सहमति देंगे एक ही मत पर, तो मैं शायद तक इस बात को मान लूंगा कि हाँ, अब मैं बोल सकता हूँ कि बुद्ध के ये प्रमाणिक ग्रंथ है। दक्षिणपंथी और वामपंथी से क्यों चाहिए, उनका सर्टिफिकेट क्यों चाहिए उस पे? क्योंकि सर देखिए सर, एक वामपंथी होगा तो रेशनल विचारधारा का ही होगा, वो सोचेगा कि सोचेगा परखेगा हर चीज को। आप देखिए, मैं ये बात मानता हूँ कि दक्षिण पंथ की तुलना में वामपंथ थोड़े रेशनल होते हैं, थोड़े नहीं ज्यादा रेशनल होते हैं, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन इतिहास के, हाँ लेकिन इतिहास के मायने में जैसे बुद्ध मार्ग है, तो वो बुद्ध मार्ग को एज ए हिस्ट्री की बजाय वहां पे भी, हाँ वो एज ए हिस्ट्री की बजाय अपनाने की बजाय वहां भी वो मजदूर और पूंजीवाद क्या और शासक वर्ग और ये करने की कोशिश करते हैं। मैं ये चीज, इस चीज के उनके पक्ष से मैं नहीं सहमत हूँ। जो सच्चाई है इतिहास की, थैंक यू सर, हाँ जो इतिहास, इतिहास की जो सच्चाई है एज इट इज आनी चाहिए, मैं इस बात पे सहमत हूँ। देखिए एक्चुअली मैं हमेशा ये कि किसी भी चीज को प्रमाणिक तभी मानो जब कर्नाटक सरकार बंद कर रही है बुद्ध और जैन को पढ़ाना, खतरा है वहाँ धंधा को, मंदिरों को खतरा है, दान नहीं आ रहा है। अच्छा जी, नहीं हाँ एसजी सर के मैंने कमेंट बॉक्स पे वो कम्युनिटी पोस्ट पे देखा भी था, गलत हो रहा है वैसे। हमारा देश जो है सेक्युलरिज्म को मानता है, हर चीज को वो करता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें। वही एक्चुअली अब तो आज आज समय तो काफी हो गया है, 3 घंटे मैं तो कहता हूँ पूरे भारत में ही बैन कर देना चाहिए, या कहे कि बुद्ध का नाम लेने से सबको जेल में डाल दो भैया। हेलो हेलो, क्या आप सारी बात रखते हैं कि पूरे देश में से धर्म को बैन करना चाहिए, आप ये बात मानते हैं? हाँ बिल्कुल, ये धर्म, ये शेख एलाइस आए हैं साथ में, ये शेख को एक नए बंधु आए हैं। नहीं मेरा, हाँ जी जी शेख जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? हेलो, इनकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ बताएं बताएं शेख जी। पहले तो नमस्कार सबको जी। तो सर मेरा एक एंड सेशन, एंड सेशन में हाँ, बस मेरा जो कुछ भी ऐसा ही है, एंड सेशन ना कुछ इतना बड़ा सवाल है, कुछ भी नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले मैंने YouTube में ऐसे ही देखी और पूरी रात भर आपके सारे वीडियो देखता रहा, ऐसा मुस्लिम बॉर्न इन मुस्लिम में। लेकिन फिर मुझे ये समझ में आया कि सारे के सारे रिलीजियन झूठ के दम, झूठ के ऊपर है, कुछ भी सत्य नहीं है। तो मेरा ये क्वेश्चन था, जब सारे झूठ है तो हम मतलब क्या करें, मतलब किस खुदा को माने, कैसे भक्ति करें, भक्ति क्या है, इबादतें क्या है? मतलब अगर देखा जाए तो मैंने कुरान को, तो मैं ऐसा मुस्लिम कुरान भी पढ़ा, वहां पे भी ये मौलवी लोग क्या बोलोगे कि भाई धर्म के अंदर आप कुछ तर्क नहीं कर सकते। मैं लगा के तर्क क्यों नहीं कर सकते है, तो मुझे ये, मुझे बचपन से ही समझ में ना आता। और रही बात, तो मैंने ये सोचा कि वेद बहुत पुराना है, अब जब वेदों के हुए तो वेद भी भाई इसमें भी प्रॉब्लम है, तो मतलब सच क्या है मुझे तो आज तक समझ में नहीं आता। तो मतलब है क्या और करे क्या, तो क्या करे? हाँ तो इधर इस्लाम पे आपने मुद्दा उठाया है, नहीं इस्लाम पे मुद्दा नहीं, मेरा कॉमन सा ये सवाल अच्छा, है कि सारे चीजों के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी मतलब ऑथेंटिक नहीं है, 80-20 का फर्क तो आ ही रहा है, तो हम क्या करना चाहिए हमें, बस ये प्रॉब्लम ये है। प्रॉब्लम ये है, रिचर्ड डॉकिंस के बहुत सारे पुस्तक है, उसको आप पढ़ लीजिए, उन्होंने एक पुस्तक लिखा है द गॉड डिल्यूजन करके, वो आप पढ़ लीजिए। अगर आप अब किसी पे भी सेटिस्फाई नहीं है कि कोई ईश्वर है या कोई अल्लाह है या कोई कोई क्रिएटर है, जैसे कॉन्सेप्ट पे आप
अब सैटिस्फाई नहीं है। हाँ रिचर्ड डॉकिंस, अरे छोटी सी किताब आप ज्यादा मत पढ़िए, छोटी सी किताब सेपियंस है, उसी को पढ़ लीजिए हर आदमी। सेपियंस, अरे सर हेलो सर सुनिए, क्या नाम है आपका सर, आप जो कोट पहन के बैठे हैं जो भी है सर, शेख इलियास। अरे आप सही बताएं, एक भी बात बोलना चाहूंगा, आप किसी को किसी भी ग्रंथ, चाहे बौद्ध जैन हिंदू कोई भी हो, किसी को प्रमाणिक मत माने भैया, सब बकवास है। बोलते ना जो कार्ल मार्क्स ने कहा था, रिलीजन इज अ साइन ऑफ ऑप्रेस्ड पीपल, ओपियम ऑफ द पीपल, हार्ट ऑफ हर्टलेस पीपल एंड सोल ऑफ सोलेस पीपल, जो कार्ल मार्क्स ने कहा था, ये बिल्कुल ये सब रिलीजन के लिए, आप इसी को बात, इसी बात को मान। जी थैंक यू, धन्यवाद। हाँ तो मुझे लीव कर सकते हैं सर अब आप मुझे जो जी, मतलब जी, जी, आप खुद जी, से भी जा सकते हैं जी। अच्छा थैंक यू सबका धन्यवाद जी सर। जी जी बताएं सर, आप मेरे क्वेश्चंस को कभी बहुत सर कवर करते नहीं सर, आप पुष्य मित्र शुंग का मैंने एक सवाल करा था सर, आपने कभी उसे कवर नहीं किया आज तक। क्या आपका सवाल था बताइए, मैंने कभी देखा नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं ना सर। पुष्य मित्र शुंग क्या सर फेरे थे फिर से बताइए, क्या पुष्य मित्र शुंग जो थे वो सरफेरे थे क्या, मतलब पहले तो बौद्ध मत का अंत करा, फिर बाद बौद्ध बन, फिर बौद्धों के स्तूप तक बनवा दिए, ये तो बिल्कुल उसी तरह हो गया अशोक के जैसे, कलिंग का युद्ध तो लड़ लिया फिर बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया, ये तो सर दोनों की कहानी मिलती जुलती है कहीं हद तक। अच्छा आप मुझे एक प्रमाण बताइए कि कहां पे उनने बौद्धों का अंत किया, उसके क्या प्रमाण हैं, क्या सबूत हैं, और कैसे बौद्ध मत अपना लिया इसके क्या सबूत हैं, ये भी तो हमें चेक करना होगा ना, क्योंकि ये तो कुछ लोगों ने हाँ ये चेक करना होगा ना कि इस बात सही है कि नहीं है। राघव जी मेरा मत भी नहीं है सर, सुनिए सर ये मेरा मत भी नहीं है जी, ये मत मैंने दूसरे का भी लिया है, और ये मत मैं चाहता उनका नाम लूंगा तो शायद तक डिफेम नहीं करूंगा उन्हें, ये मैंने किसी का रेफरेंस ही नहीं है। ठीक है मैं आपको यहाँ पे मैंने आपकी बात समझ ली है, सुन ली है आपने जो भी कहा, मैं यह बता दूं कि इस पर मेरा खुद का एनालिसिस है, मैं जितने भी इतिहासकार हैं चाहे वो बुद्ध मार्ग से ही रिलेटेड क्यों ना हो या किसी भी मार्ग से, मैं किसी से भी सहमत नहीं हूं, मेरा जो अपना पर्सनल मैंने जो भी सर्वे किया है उसमें मैंने ये पाया है कि पुष्यमित्र शुंग पर अब तक की जितनी भी थियोरी बनी है वो कोई भी सेटिस्फैक्टरी थियोरी नहीं है। जो इतिहास है हम अनुमान लगाते हैं ना कि ये चीज है ये चीज है, आप ये बताइए कि भूलर जो है 1927 में नाम बताता है कि पुष्पा मित्र नहीं पुष्य मित्र होना चाहिए, आपको नाम तक नहीं पता है जिस बंदे का, उसको बताया जा रहा है कि वो पूरे बौद्धों का संहार कर दिया, बौद्ध मत अपना लिया कि सिर्फ इरादा था, ये कैसी थियरी स्थापित की गई थी संस्कृत ग्रंथों में। भूलर आप इपिग्राफी पढ़िए, इपिग्राफी है मैं आपको कभी इस पर शेयर कर दूंगा कम्युनिटी पेस्ट पे, उस पर साफ साफ लिखा है कि भूलर जो है जब 1929 की जो इपिग्राफी आती है, जब 1924 में धनदेव का जो शिलालेख फाइंड आउट किया गया जिसपे पुष्यमित्र की पुष्ट नाम बताने की कोशिश की थी उन लोगों ने, तो वहां पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि अभी तक पुष्यमित्र को बताया गया कि ईसा से पूर्व का है, 185-180 के करीब का बताया जा रहा था, और धनादेव का अभिलेख है ईसा की पहली शताब्दी का, मतलब सीधे सीधे 100-200 साल का अंतर आ रहा है, और 200 और उसकी पीढ़ी जो है ईसा पूर्व में ही खत्म हो जाती है, जो चौथी पीढ़ी है पुष्यमित्र की, ईसा से चौथी पीढ़ी, उसके बाद कणव वंश आ जाता है, कणव वंश के बाद सातवाहन वंश तक आ जाता है, और उसके बाद का शिलालेख लिखा जाता है धनादेव का, उसमें पुष्यमित्र शुंग का नाम कौन लिखवा रहा था, सवाल ये खड़ा होता है, उसमें लिख रहा है सस्टेन, सस्टेन का मतलब छठा क्या, कोई बता रहा है कि सेनापति है, शब्द मिट गया है, धना लिखा हुआ मिला तो लोगों ने जोड़ दिया देव कि मिट गया है देव, तो धनादेव हो गया नाम बता दिया, उसमें इतनी गलतियां हैं उस अभिलेख में, अंतर कितना है, या तो सम्राट अशोक का अभिलेख का है कोई कि 200 साल बाद सम्राट अशोक का मिला है, सम्राट अशोक के बाद, क्या आप मान लेंगे कि सम्राट अशोक का अभिलेख है, वो नहीं, सम्राट अशोक खुद लिखवा के जाएंगे ना। पुष्यमित्र का जो अभिलेख मिल रहा है, पुष्यमित्र का अभिलेख जो उसके समकालीन बताया जा रहा है, वो सुगन राजे उस पर नाम लिखा है, उस पे भी पुष्यमित्र शुंग नहीं लिखा हुआ है, सुगन राजे लिखा हुआ है, तो वो सुगन राजे को कुछ लोगों ने पुष्यमित्र बता दिया, जिसमें वो बुद्धिस्ट है, जिसमें वो प्रॉपर मध्य प्रदेश में भरूत स्तूप बना रहा है, मरम्मत करवा रहा है, चारों तरफ वो बुद्धिस्ट ही बुद्धिस्ट दिख रहा है, सारे प्रमाण उसके वो मिल रहे हैं, वो अभिलेख भी पुष्यमित्र का बता दिया गया, और जिसपे उसका नाम बताया जा रहा है पुष्यमित्र, वो उसके 200 साल बाद मिल रहा है। अब ये कैसी कंट्राडिक्टरी है, ये कैसी कंट्राडिक्टरी है
कि जो 200 साल बाद मिल रहा है उसमें अश्वमेध यज्ञ भी बताया जा रहा है। हाँ, ये बात तो है। हाँ, तो ये इतनी जी तो इतनी कंट्राडिक्टरी को आप सबूत कैसे मान सकते हैं? सवाल तो ये है ना, हमें तो ये भी चेक करना होगा ना। 2000 बातें मुझे भी क्लियर हुई। हेलो जी जी जी, और एक मत बोलते ना सर, एक पॉइंट है सर, एक बात बताएं। चोर कभी कभी नहीं बोलता मैंने चोरी की है, पहली बात तो सर, ये कोई नहीं बोलता। अब सर क्यों लिखवाएगा पुष्य मित्र? अभी जो उसने जो संहार करा वो क्या लिखवाएगा इस चीज को कि देखो भाई मैंने आके लिखवाया? सम्राट अशोक ने लिखवाया है कि जब कलिंगा युद्ध में उनने देखे लाखों करोड़ों लाखों लोगों को कि अपाहिज हो गए, उनको दिख हुई बहुत दुखद हुआ, वो गलानी है, इस सब सारे बात को लिखवाया है उनने। जब आपके पास नहीं सबूत है तो आप आपके अंदर बैठ गया है कि पुष्यमित्र एक हत्यारा था, आपके अंदर पहले से बैठ गया है प्रीडिफाइंड। अब उसको आप जस्टिफाई करने के लिए ये कहें कि वो क्यों क्यों लिखवाएगा, हम मान लिए तो हम माने ही क्यों ना, तो ये कोई उत्तर नहीं होता ना। हमारे पास जो देखिए राघव जी, जो एविडेंस है उसके आधार पर हमें कहानी गढ़नी होगी, न कि कहानी पहले से गढ़ी है उसको जस्टिफाई करने के लिए एविडेंस पर जबरदस्ती प्रेशर टाला जाए। समझ रहे हैं? एविडेंस को देख के कहानी बनाइए। अरे सर मैं क्या मानता हूँ, ये दोनों मत के लोग मान रहे हैं, दोनों मत के लोग मानते हैं बात। तो यही मैंने शुरू में आपसे बोल दिया कि मैं किसी भी मत से नहीं वो हूँ, मैं अभी भी कोई बात रखता हूँ उस पर मेरा अपना सर्वे होता है, अपना रिसर्च होता है। मैंने खुद एपिग्राफी पढ़ा, मैंने सारे सबूत देखे और फिर मैंने सबका डिनाई किया। मैं चाहता तो सीधे सीधे बोल सकता था, किसी का पक्ष ले सकता था। मैं जानता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर बहुत सारे लोग हैं नाराज हुए, बहुतों ने कमेंट में लिखा, लेकिन नहीं, जो सत्य है जो मैंने पाया उसी को मैंने रिप्रेजेंट किया, वही आज भी बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे असहमत होंगे तो, लेकिन जो सत्य है उसी के साथ हमें आगे बढ़ना होगा ना। तो कमेंट में एक है पार्थेश सिंह राजपूत, तो वो बोल रहे हैं रिपोर्ट करो पेज को कमेंट। अच्छा, रिपोर्ट करो, गाली दे रहे हो। अच्छा, साइंस जर्नी झूठ बोल रहा है। अब इनके पास यही सबूत बचा है, यही तो बचा है ना, गाली देंगे क्योंकि आपके पास प्रमाण नहीं है, कहानी गढ़ रखी है। हाँ, तो बिल्कुल सर, आपने तो राघव जी आपको हमेशा बदलता रहता है, नए नए साक्ष्य जुड़ते रहते हैं, पुरानी थ्योरी जो है तो बदलती रहती है, जो है ना तो नया होता जाता है, वही तथ्यों के आधार पर सही चीज हो जाती है। तो सर अशोक के सर, तो फिर पुष्य मित्र शुंग ने बृहदत्त को मारा या उसको या उसे जीता था जंग में, उसे क्या बोलते हैं? ये सब बातें तो बाद में आई है, ठीक है, इसका भी पूरा कोई क्लियर एविडेंस नहीं है कि उन्होंने किस राजा को मारा, किस तरह से किया, वो कहानी ये बाद में बनी है, ठीक है। एक्चुअली देखा जाए तो ये कहानियां घट के आती है, वो एक पुराण में लिखा हुआ है, वहां से उठा के लगाया गया। कालिदास, हाँ, कालिदास हाँ। ने कालिदास के नाम पर जो किताब आती है उसमें वो पुष्यमित्र का, देखिए कितनी विडंबना है, कालिदास को बताया जा रहा है कि कालिदास गुप्त काल में था, वो गुप्त काल के बारे में नाम ही नहीं लेता है, किसका नाम ले रहा है? तो किसी पुष्यमित्र सुंग के किसी बच्चे का नाम लेके उसकी कहानी सुना रहा है। उसी तरह से चाणक्य भी थोपा गया, चाणक्य कभी भी चंद्रगुप्त के बारे में कुछ नहीं बोलता, वो ब्राह्मणों की कहानी शुरू किए हुए है, क्षत्रियों की कहानी पता नहीं कहाँ से शुरू किए हुए है। तो जो किरदार बाद में आपको थोप दिए गए ना, उनके नाम पर जो टेक्स्ट लिखी गई है उनमें सच्चाई नहीं मिलेगी। अरे क्षत्रिय का शब्द जो है उसके बारे में बता देते हैं, ये शक वंश का सुना है ना, एक नाम देते थे वो अपने किंगडम का, सतराप, ठीक है। तो ब्राह्मणों ने उसका संस्कृत में ट्रांसलेट शत कर दिया क्षत्रिय, ये वहां से बन गया क्षत्रिय, ठीक है। जो शक वंश के राजा होते तो अपने राज्य को सतराप करके बुलाया करते थे, ठीक है। तो ये क्षत्रिय जो शब्द इवॉल्व हुआ है, ठीक है, पहले लेखों में नहीं मिलता, बाद में आप देखेगा सातवीं छठी शताब्दी के बाद क्षत्रिय आ गया। हाँ, तो होली स्क्रिप्चर्स आ गए हैं डिबेट। हाँ हाँ, ये इस कौन के प्रतिनिधि आ गए हैं? हाँ, तो बताइए होली स्क्रिप्चर जी, क्या आप कहना चाह रहे थे? क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? आप अनम्यूट कर लीजिए अपनी माइक को, आपकी माइक म्यूट है।
हेलो, एक रावल जी बोल रहा, आपको धर्म के विरुद्ध नहीं बोलना चाहिए। हाँ हाँ, मिस्टर रावल बोल रहे हैं, आपको धर्म के भाई, विरुद्ध नहीं बोलना चाहिए। तो लेकिन ये फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होती है? हमें धर्म पढ़ाया जा रहा है और हम धर्म के विरुद्ध क्या, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं ना। यहाँ पे आपको क्या लग रहा है हम क्या विरुद्ध बोल रहे हैं? हम तो चर्चा कर रहे हैं। हमने सबसे प्रश्न रखा कि आप कृष्ण का प्रमाण दे दीजिए, आपने हमें गीता परोस दी। अब हम कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि ये 5,000 साल पहले का था। हम वही तो बोल रहे हैं ना कि 5,000 साल पहले का था, आप हमें सबूत दे दीजिए। आप वो काम कर नहीं रहे हो तो फिर अब ये भी ना करें तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या है आप बता दीजिए हमें। भाई सबूत ही तो मांगा जा रहा है, और सबूत मांगना अगर धर्म के विरुद्ध है तो फिर आपका धर्म में गलती है, फिर आप अपना धर्म सुधार लीजिए। फिर अगर सर एक सबूत बात सर, एक मांगना, सवाल कर एविडेंस लिया मांगना। जी 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 सर, आपने एक यूनेस्को पे वीडियो बनाया था जो थोड़ा मुझे अनसेटिस्फेक्टरी लगा। आपने कहा कि हाँ जो बताएं। यूनेस्को में जो बहुत सारी जो लिपियां हैं वो बौद्धों की बताई नहीं गई है, ठीक है सर? आपने एक बात बोली थी यूनेस्को उसमें, में यस सर, कि बहुत सारी जो बौद्धों की पर्शियन लिपि हमें मिल जाती है, जैनों की मिल जाती है, हिंदू हिंदुओं की मिल जाती है, पर बौद्धों की एक नहीं मिलती है ना सर, ये आप कह उसमें आपने कहा था, ठीक है हाँ सर? बताते जाएं बताते जाएं, अच्छा सर, कुछ फिर आप एक बताइए तब बात समझ में बताइए, आएगा बट मुझे। जब जब हम ये बात पर आज मैं जब भी देखता हूँ, मेरे जितने भी मतलब जो मेरे SC ST वाले जो दोस्त हैं, मैं तो उनसे जनरली मैं उनसे पूछता हूँ, वो कहते हैं 5,000 साल से हम पे जुल्म करा, 4,500 साल से जुर्म किया। मैंने बोला, मैंने उनसे एक ही सवाल करता हूँ, भाई एक बात बताओ, ऋग्वेद जब 556 साल पुराना ही है ज्यादा से ज्यादा, तो तुम मुझे 5,000 साल का क्यों बता रहे हो? कितने साल पुराने तुम्हें ब्राह्मणों ने हमला करा, जबकि ये कर दिया वो कर दिया। तो सर एक बात तो बताइए कि सर ऋग्वेद आपके हिसाब से कितना साल पुराना है? देखिए यहाँ पे आपके ना प्रश्न प्रश्न जो हैं दो तरह के हैं। एक प्रश्न तो ये है कि बुद्धिस्टों की जो लिपि है उसके बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, वो बात है। दूसरी बात है कि ऋग्वेद कितना पुराना है, और तीसरा बात कि जो आपके SC ST दोस्त हैं वो क्या कहते हैं। तीन तरह की बातें हैं, इसमें से यस आपको किसका आंसर चाहिए? पहले सर ये बताइए सर, ये पहला पहले मुझे बताइए कि सर ये यूनेस्को में जो 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 लिपि की बात कर रहे थे सर, पहले लिपि वाला क्लियर कर दीजिए। हाँ, तो देखिए यूनेस्को में जो लिपि की बात आ रही है उसमें ये बात आया कि हमने एविडेंस, मैंने वीडियो 132 बनाया है जी उसमें सर, मैं ऐसा बहुत कोई बात नहीं। देख चुका हूँ। हाँ, और एक वीडियो बनाया था वीडियो नंबर 17 जो शुरुआत में बनाया था, तो हो सकता है जो आप बात कर रहे हैं वो 17 वाले वीडियो में हो। तो इसमें जो बताया है मैंने, इसमें दिखाया है जो क्लेम आ रहे थे ना आप ही की तरह, बहुत सारे क्लेम आ रहे थे कि नहीं यूनेस्को ने तो कहा है कि 3,500 साल पुराना है, उसी को मेरा मैंने क्लेम नहीं है दिखाया। सर, सर मेरा क्लेम नहीं है, हाँ कंफ्यूजन हाँ मेरा हाँ तो उसको मैंने उसमें फोर्टी क्लियरफाई किया था। हाँ, उसको क्लियरफाई किया था कि उसमें ये लिखा हुआ है कि इसमें जो बात लिखी हुई है ये पुरानी हो सकती है, ये नहीं लिखा हुआ है कि सबूत हमारे पास 3,500 साल लिखा कुछ मिला है। यस। तो जो हाँ तो जो हमारे पास लिखा हुआ मिला है वो मात्र 1464 AD का है। तो जब 1464 AD का है यानी कि लिखित प्रमाण ऋग्वेद का है, तो उसमें जो बातें लिखी हुई हैं हो सकता है उससे कुछ समय पहले हो, कुछ समय की पहले हो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि बहुत साल पहले की हो। जैसे सम्राट अशोक जब लिखवाते हैं तो उनसे बुद्ध 150 साल पहले के थे, 150-200 साल पहले के थे। तो जब लिखावट का प्रमाण मिलने लगता है तो हम ये मानते हैं कि उससे कुछ समय पहले वो चीजें प्रैक्टिस में रही होंगी या फिर नहीं मैं उस सर समय से स्टार्ट हुई होंगी। तो एक्चुअली मेरा भी जो यही अब मानना है सर, ऋग्वेद ओके है, अब सुनिए मेरी बात को और सुन लीजिए। अब ऋग्वेद जो है इसमें का जो री शब्द है, इसको मैंने वीडियो 140 में दिखाया है कि री शब्द कैसे सर, बना है। छात्रा गया सर, री वो मैंने शब्द सुना क्षत्रज्ञ, हाँ ये सब जो है ये कैसे 4थी सदी से लेकर जो गुप्ता वंश आता है, और ब्राह्मी लिपि थोड़ा मॉडिफाइड होती है, लिपि भी मॉडिफिकेशन होता है ना, उसमें चीजें बढ़ती हैं। वो पूरा सीरीज है कि ईसा से 300 साल पहले कौन सा वो वर्ण लेटर पाया जाता था, उसके बाद कौन पाया गया कौन पाया गया। तो बिल्कुल जो सर, हिंदी साथ क्षत्रज्ञ में आने है, का दिया है। हाँ ये सब धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है। अब सोचिए कि जब आपके किताब में, ऑफिशियल किताब में आपको पढ़ाया जा रहा है, सबूत ही नहीं मिला है क्षत्रज्ञ री का सबूत नहीं मिला 4थी सदी से पहले, और मान लीजिए कि कोई क्लेम कह दे कि नहीं 4थी सदी में मिला ही है, तो चलो ठीक है। तो भैया आप ये तो सोचिए कि 4थी सदी में री मिल गया तो ऋग्वेद भी 4थी ही सदी का हो जाएगा, इसका मतलब 3री सदी में भी ऋग्वेद नहीं था, आप ये कहना चाहते हैं? नो तो सर, यहाँ पे देखिए मेरी बात को सुनिए। तो जब ये आता है,
ये बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट हैं उनमें भी जो शब्द आए हैं तो वहां से पता चलता है कि छठी सदी में री शब्द आया है, वो भी जापान के किसी बुद्धिस्ट मठ में, ये भी मैंने दिखाया है। तो जब शब्द ही जो अक्षर ही नहीं मिलते हैं, वो अक्षर भी नहीं मिलते हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो ऋग्वेद आपने नामकरण किया है वो कहीं ना कहीं छठी सदी के बाद ही आपने नामकरण किया है, उससे पहले आपने नहीं किया है। आपके पास कुछ ज्ञान की बातें होंगी, आप सूर्य की पूजा करते होंगे, कुछ भी पूजा कीजिए, आप उसको चाहे 200 साल बाद लिखिए, 100 साल बाद लिखिए, कभी भी कंपाइल कर लीजिए, कुछ बाद में भी जोड़ लीजिए और पीढ़ी दर पीढ़ी जोड़ते रहिए। लेकिन आप ये क्लेम कर दें कि उसमें जो लिखा है वो सारी चीजें 3500 साल पहले एग्जिस्ट करती थी, तो उसका नाम तक आपको छठी सदी से पहले एग्जिस्ट बताने में शर्म मतलब है ही नहीं, बता नहीं पा रहे हो आप कि नाम तक उसका अस्तित्व में था, किताब का नाम तक, और आप क्लेम कर रहे हो कि इतना साल पहले। तो जो शोषण की व्यवस्था है ना वो रिग, देखिए शोषण की व्यवस्था उससे अलग हो गई, शोषणकर्ता छठी सदी में भी होगा, उसका किताब से लेना देना नहीं है, किताब तो वो कभी भी कंपाइल कर ले, शोषणकर्ता शोषण उस समय भी कर रहा होगा, उसके बाद भी किया होगा और आगे भी करता रहा होगा, किताब का उससे लेना देना नहीं है, किताब तो कभी भी कंपाइल कर ले। हाँ आज भी तो हो रहा है शोषण, इसका तो किताब से और कुछ से उतार दिया जा रहा है, कोई मुंह चढ़ा दे तो करवा दिया जा रहा है, क्या है ये। हेलो जी जी बताएं बताएं सर, मेरा भी इस पर यही मत है कि 1464 से ज्यादा कोई ऋग्वेद नहीं मिला, ये मेरा भी मत है। बट जो उछल उछल के जो बोलते हैं कि सर 4000 साल से हम पे राज करा, एक बात तो मैं सर उनसे भी यही पूछता हूँ, जब देखिए उनका हक है, देखिए उनका हक है, उनपे अत्याचार हुआ है तो उनपे, हाँ मैं दूंगा आपको मौका, उसका जवाब मैं नहीं दे पाया था, ये भी आपका प्रश्न था, उसका जवाब नहीं दे पाया था, उसका मैं लगे हाथ दे देता हूँ जवाब। देखिए ये जो आपका प्रश्न था ना कि एससी एसटी लोग बोलते हैं 5000 साल से, कौन जिम्मेदार है, एजुकेशन सिस्टम किसके हाथ में है, किसने इस तरह की चीजें पढ़ाई है कि हमारे यहाँ 5000 साल से सिविलाइजेशन थी, कौन पढ़ा रहा है कि 5000 साल पहले हमारे यहाँ महाभारत हुआ था। जब महाभारत 5000 साल पहले आप बच्चों को पढ़ाओगे, बाहर से पढ़ाओ, मंदिर में पढ़ाओ, कहीं पे भी पढ़ाओ, सबको हिंदू बना रहे हो, तो वो तो यही कहेगा ना कि 5000 साल पहले हमारे एकलव्य का तुम्ही ने अंगूठा काटा था, वो तो तभी से कहेगा ना। जब से आप उसको सिविलाइजेशन, उसका हक है ना, वो सताया हुआ बंदा है, अगर उसके हाथ में एजुकेशन व्यवस्था हो तो फिर आप कहते कि ये गलत कर रहा है। जातिवाद नहीं फैला, मैंने कभी डिनाई नहीं किया इस चीज को, आज भी नहीं करता। बट मेरा मत ये है कि जब ऋग्वेद ही 500 साल पुराना, हिंदुओं का सबसे पुराना ग्रंथ है ना सर, ये सूर्य राजपूत आए हैं, साइंस जर्नी एक नंबर का चोटा है, सूर्य राजपूत आ जाइए आप यहीं पे। हेलो हाँ 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 सुन पा रहे हैं आपकी बात को सर। जब यही मैं उनको यही कहता हूँ, जब हिंदुओं का ग्रंथ ही 500 साल पुराना है, सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद, जाहिर सी बात है सर, उसके बाद ही मनुस्मृति लिखी गई, उसी के बाद पुराण लिखे गए होंगे, तो जाहिर सी बात है जो शोषण हुआ होगा 1464 के बाद से होना चालू हुआ होगा। हाँ तो ये बात तो हमने क्लियरफाई ही की है कि जब से शंकराचार्य आया है, 788 ईस्वी में जन्म हुआ था 8वीं सदी के बाद, और जब से ये ब्राह्मणवाद का उफान धीरे धीरे उठने लगा प्रछन्न बौद्ध के रूप में, फिर उसके बाद से धीरे धीरे नालंदा विश्वविद्यालय भी इधर जलने के बाद से भी पूरी तरह से खत्म ही कर दिया जाता है, और एक अलग डायरेक्शन में सिविलाइजेशन शुरू होती है, फिर मुगल शासकों के अधीन में कुछ लोग जाके उनकी चापलूसी करने लगते हैं, तो यहाँ से तो एक नया सिस्टम स्टार्ट ही हो रहा है, यहाँ से पूरा प्रॉपर एक सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए मुगल शासन का जो वो है चाटुकार है, उसको लाभ ही लाभ है, वो हर जगह ऊंची पोस्ट पे है, आज भी ऊंची पोस्ट पे है, और वो खुद को ऊंची पोस्ट पर रखने के लिए किसको बलि का बकरा बनाया, वही लोग तो आज शोषित है ना, वो लोग तो शोषित ही है। बट सर तो ये आदि शंकराचार्य ने चालू किया था सर, आप ये कहना चाहते हैं आदि शंकराचार्य ने चालू किया था ये सब, चालू किया था नहीं, आप ये कैसे कहोगे कि आदि शंकराचार्य से पहले, देखिए आदि शंकराचार्य से पहले हेलो रखिए तो पहले एक पॉइंट मैं देता हूँ कि मैं 1464 से ज्यादा पुराना ऋग्वेद को नहीं मानता, आज भी नहीं मानता। आप टेक्स्ट बुक पे क्यों लटके हैं, आप ऋग्वेद से ही सारा शोषण हुआ है, इस पॉइंट पे क्यों लटके हुए हैं, लटके सर, आप ये कहना चाहते हो कि आप ये कहना चाहते हो कि सम्राट अशोक का शिलालेख अगर सम्राट अशोक के समय में मिला तो उससे पहले बलि प्रथा थी या नहीं थी, क्योंकि उनने बलि प्रथा का विरोध किया,
तो उससे पहले उसके बाद बलि प्रथा रुक गई या उसके पहले बलि प्रथा ही बलि प्रथा थी, इसका क्या मतलब है भाई? शोषण हर समय में होता है, शोषण हर समय में होता है, आगे भी होता है पीछे भी होता है, आप उसको किसी किताब के जन्म से लेकर नहीं रख सकते ना। उसके जो उसके भी कुछ पूर्वज रहे होंगे, वो अपने समय में शोषण करते, उसके बच्चों ने कंपाइल किया किताबें या जो भी किया, जिस रूप में भी रहा होगा अलग तरह से कंपाइल कर लिया, कुछ चेंज करके लिख दिया, कुछ बदल के लिख दिया, इसका उससे क्या लेना देना है कि किताब में लिख दिया उसी दिन से शोषण शुरू हुआ? आप क्या मानते सर, आपका क्या मानना कि सोर्स ऑफ कास्टिज्म कब की है? सोर्स ऑफ कास्टिज्म, देखिए सोर्स ऑफ कास्टिज्म जो हमारे पास पुराना जितने अभिलेख मिले हैं उसमें कहीं भी हमें ये नहीं मिला है कि जाति व्यवस्था, जाति प्रथा इस तरह की चीजें हों। हमें कहीं भी कोई अभिलेख नहीं बताया है अभी तक कि वो जाति प्रथा को बढ़ावा दिया हो, वर्ण का दिया हो, या खुद को क्षत्रिय मानता हो, ऐसा कोई भी अभिलेख नहीं मिला है, या वर्ण व्यवस्था को भी माना हो, ऐसा कोई अभिलेख नहीं मिला है। इवन जिसको ये लोग संस्कृत ग्रंथ बताते हैं, उसमें भी कहीं नहीं लिखा है कि मैं क्षत्रिय राजा हूं या कोई ब्राह्मण है या ये है, इस तरह की भी चीजें नहीं मिली है। तो बाद में यही चीजें धीरे धीरे बाद में मिलने लगती हैं, विशेषकर कागज के पन्नों पर ये शोषण ज्यादा मिलता है। जब कागज के पन्नों पर मिलने लगता है तो ये एक चीज स्टार्ट होती, कोई चीज अचानक किताब पर लिख देने से नहीं स्टार्ट होती है। तुलसीदास के किताबों में, रामचरितमानस में, जो शूद्रों को, आवीरों को या फिर एससी एसटी जो भी अछूत वर्ग है, इनको जो तिरस्कृत किया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसी दिन से स्टार्ट हुआ, उसके पहले भी रहा होगा। तुलसीदास ने अपने समाज को देखा, उसको वो अमानवीय था, उसके अंदर था कि मुझे भी इस चीज को बरकरार रखना है, मैं ऊंचा हूं तो मुझे ऊंचा बन के रहना है, उसने वही किया। हम ये नहीं कह सकते ना कि हम ये नहीं कह सकते ना कि उसका जिस दिन किताब लिखा उसी दिन से शोषण शुरू हो गया 16वीं सदी से। दैट्स द रियल पॉइंट। अगर हमको सोर्स ऑफ कास्टिज्म का ढंग से पता नहीं, किसी अभिलेख में मेल लिखा लिखित नहीं पाया गया, किसी शिलालेख पर लिखित पाया नहीं गया, तो सर ये कौन तय करेगा? दैट्स द बात है, कोई मैन्युस्क्रिप्ट करेगी? गूगल डॉर है, गूगल डॉर वो आना चाह रहे थे। हेलो, तय कौन करेगा? ये तय कौन करेगा? किताब जब से मिला तभी से शोषण स्टार्ट हुआ, उसके पहले ही शोषण नहीं था? आपका एग्जैक्ट पॉइंट क्या है? व्हाट आर द सोर्स ऑफ द कास्टिज्म सर, और किन अभिलेखों में, किन शिलालेखों पे लिखा लिखित पाया गया सर? किसी भी अभिलेख पे अभी तक, जहां तक मैंने जो पुराने अभिलेख पाए हैं उस पे मुझे नहीं मिला है। हाँ, सम्राट अशोक के अभिलेख मिले हैं, उसमें बहुत सारे पेशाकारों के नाम हैं, पेशाओं के, तो उसमें जो है ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि हाँ होली स्क्रिप्ट आ गए, इनकी बात रखते हैं। होली स्क्रिप्ट क्या हमें सुन पा रहे हैं? नहीं, नहीं पढ़े। तो देखिए ये जो चीज है ना आपकी, कि किन शिलालेखों पे मिला, जब इसका कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है तो ये कोई नहीं मानता ना। आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैं जो कंटेंट बनाता हूं, आप किसी दूसरे का कंटेंट आप मेरे ऊपर उसका जस्टिफिकेशन आप मुझसे लेना चाहते हैं तो ये तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, मैं नहीं दे पाऊंगा ना उनका कौन लोग क्या मान रहे हैं। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं सीधे इंकार करता हूं कि मैं 10वीं सदी से पहले किसी भी तरह की वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता, किसी भी तरह की जाति व्यवस्था को भी नहीं मानता। हाँ, ये मानता हूं कि 7वीं-8वीं सदी के बाद धीरे धीरे चीजें बदलने लगी थी, और जब तक इनका बुद्ध मार्ग का जब तक प्रभुत्व था तो उनकी एक अलग ही बाउंड्री थी, वो अलग तरह से लोगों का मतलब ट्रीटमेंट था, और जब वो चीजें हटती हैं, कम होती हैं, तो छोटे छोटे बहुत सारे टिड्डी दल खड़े हो जाते हैं, सबके अलग विचार होते हैं, और फिर भारत बिखरने लगता है। फिर सर आदि शंकराचार्य का क्या रहा होगा सर, ऐसा उसकी क्या मानसिकता रही होगी कि सर उसने ये सब बनाया, ये सब इसने जो ग्रंथ लिखे, जो इसने ये सब चालू करा, सर क्या उसकी मानसिकता रही होगी? देखिए आप उसका लोकेशन तो देखिए ना, किस जगह का था, केरल का था, केरला का था ना। और फिर आप देख लीजिए उसके बाद से कि वेदों का पहला भाष्य किसने किया, दूसरा भाष्य, तीसरा भाष्य किसने किया, सारे साउथ वालों ने किया। आप संस्कृत के जो अभिलेख आप बताते हो कि ज्यादा मिले हैं, वो भी देख लो साउथ में ही बताने लगते हैं लोग संस्कृत के अभिलेख। हाँ, तो सारा चीज तो साउथ से स्टार्ट हो रहा है ना, उधर के लोगों में। आप ये बताओ कि संस्कृत अगर भारत में पहले से होता तो सारा चीज पहले से ही मिलना चाहिए था, लेकिन सारा चीज गुप्ता काल के बाद का क्लेम आना शुरू होता है। किधर से क्लेम आना शुरू होता है? तो साउथ से,
सारा क्लेम साउथ से, शंकराचार्य उधर का, माधवाचार्य उधर का, फिर ये महिधर उवट सायण किधर के, सब साउथ के। हाँ। फिर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी सर, वर्ण व्यवस्था बनाने की जरूरत क्यों, मतलब ऐसी कौन सी नहीं, ये सवाल नहीं है, देखिए ये हमारा सवाल नहीं है बिल्कुल कि वर्ण व्यवस्था क्यों, इसी को तो ये आज तक जस्टिफिकेशन दे रहा है ना, ये गीता जो चैप्टर था इसमें कृष्ण के नाम से उसको जस्टिफिकेशन दिलवा रहे हैं वर्ण व्यवस्था को, ये सारा जस्टिफिकेशन ये लोग ये सारी ग्रंथ किताबें क्यों लिखे हैं, उसी वर्ण व्यवस्था को तो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं ना ईश्वर के नाम पे। हाँ तो सर वही तो, चलिए चलिए आज बहुत हो गया, फिर कभी आपसे बात होगी आपने जी सर। हाँ हाँ आज बहुत समय हो गया है, 3 घंटे 29 मिनट में। थैंक यू सर, आपने आज क्लेरिफिकेशन सबको दे दिया, को भी बुला दीजिएगा। जी जी ओके। हाँ हाँ सर फिर बताएं सर। थैंक यू सर, आपने आज सबको क्लेरिफाइड कर दिया कि मैं आपको ये टिकट दूसरों को भी दिखा सकता हूँ। थैंक यू सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ओके ओके थैंक यू। गूगल डोर जो है वो पहले से बता रहे थे, तो नेक्स्ट टाइम उनको भी इंक्लूड किया जाए। हाँ गूगल डोर, आपका आवाज कम आ रहा था, तो नेक्स्ट टाइम आप फिर से आइएगा। और सभी लोग जिनको नहीं जुड़ पाए बता रहे थे, इस्कॉन वाले होली स्क्रिप्चर गोविंद प्रभु करके। ओके ओके, वो उनका भी कुछ गड़बड़ है, वो जुड़ नहीं पा रहे थे, बार बार हट जा रहे थे, तो जो लोग भी नहीं जुड़ पाए हैं नेक्स्ट टाइम जरूर आए। और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे अच्छा लगा कि इतने देर तक भी लगभग 250 लोगों के करीब में लोग लगातार बने रहे हैं, और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे को उसी समय 6 PM पे, और एक अच्छे टॉपिक के साथ, और कोई गेस्ट अगर मिलता है तो उसको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा किसी विशेष गेस्ट के साथ भी। ओके बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। ओके बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर।